i बैक दी अनदर वीडियो तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो कि कन्नाड़ा लैंग्वेज की फिल्म मार्टिन मोई के बारे में थोड़ा सा गला ख़राब है उसके लिए माइंड मत करना यहाँ पर दोस्तों बात कर रहा हूँ मार्टिन मोई के बारे में जो कि एक कन्नाड़ा लैंग्वेज की फिल्म है और ये एक एक्शन एक थ्रिलर वाली फिल्म है और इस फिल्म को जो कि फाइनली अब रिलीज़ करवाया जाने वाला है हिंदी के अंदर भी और बाकी सारी साउथ लैंग्वेज में भी और इस फिल्म को जो कि पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ करवाया जाएगा तो फाइनली अब ये फ़िल्म कहाँ पर देखने को मिलेगी और ये फिल्म हिंदी में कौन सी डेट को रिलीज़ हो रही है तो आप जो उसको बता डिस्क्लेमर में अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर कोई भी मूवी यानी मार्टिन मूवी को देखने के लिए आया तो आप दोस्त को बता दो इस वीडियो के अंदर कोई भी मार्टिन मूवी आपको नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ मार्टिन मूवी के अनना फैक्ट्स के बारे में बताया जाएगा और के डिटेल्स के बारे में ऊपर बात की जीत की जाने वाली अननाउन फैक्ट्स और यहां पर इस फिल्म के बारे में यह भी बताया जाएगा कि इस फिल्म को हिंदी में भी कब और कौन सी डेट को रिलीज करवाया जाने वाला है तो अगर आप दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो यहां पर हम दोस्तों बात कर रहे हैं कन्नड़ा लैंग्वेज की फिल्म मार्टिन के बारे में जो कि एक, एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म है इससे पहले जो कि ध्रुआ सरजा पुगारू जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज दे चुके हैं जिससे उनकी हिंदी में भी काफ़ी अच्छी फैन बेस बन चुकी है जिस तरह से मार्टिन मूवी को जब अनाउंस किया गया था तो ऑडियंस उसी टाइम से इस फिल्म का बेसब्री से वेट कर रही है इस फिल्म के लिए एक्साइटेड है और फिल्म का काफ़ी जो कि लंबे अरसे से जो कि फिल्म के लिए एक्साइटेड है जो कि फिल्म को डिले किया गया है फिल्म की शूटिंग की वजह से अब फाइनली इस फिल्म की शूटिंग भी कंप्लीट करवा ली गई है तो फाइनली आगे बात कर लेते हैं इस फिल्म के बारे में तो ये एक एक्शन थ्रिलर जोना की फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं ए बी अर्जुन तो यहाँ पर इन्होंने कौन कौन सी मूवीज़ पहले बना चुके हैं उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर वो भी आप उसको बता देता हूँ उन्होंने इससे पहले जो कि कौन कौन सी मूवी बनाई है तो यहाँ पर उन्होंने इससे पहले टू में फिल्म रिलीज़ हुई थी किस उस मूवी को बना चुके हैं जो कि अभी रिलीज़ हिंदी में भी हो चुकी है हिंदी में भी काफ़ी अच्छा से को रिस्पॉन्स मिला है जो कि ये फाइनली आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी जिसके अंदर आपको कास्ट में देखने को मिले थी श्रीला साथ ही अपर्ला अपर्वा और गौड़ा और यहाँ पर साथ ही विरात देखने को मिले थे तो ये फिल्म किस भी हिंदी के अंदर ऑफिशियली रिलीज़ करवा दी गई यूट्यूब के ऊपर अगर आप दोस्त देखना चाहोते कि रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वाली फिल्म है इस फिल्म को भी देख सकते हो तो यहाँ पर आप मार्टिन मूवी को अब डायरेक्ट कर चुके हैं अधूरी मूवी थी और यहाँ पर मिस्टर अरवाटा फिल्म थी और भी काफ़ी सारी मूवीज़ को डायरेक्ट कर चुके हैं तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करें फिल्म यानी मार्टिन मूवी के बारे में तो फिल्म को डायरेक्ट किया है पी अर्जुन ने और इस फिल्म को जो कि एडिट किया हुआ है के एम प्रकाश ने और फिल्म को लैंग्वेज जो कि कड़ा में शूट किया गया था और बाकी लैंग्वेज में फिल्म को डॉप्ट किया गया और यहाँ पर म्यूजिक दिया रवि बसूर ने और सॉन्ग्स को म्यूजिक दिया महानी शर्मा ने ये दोनों काफ़ी कमाल के जो कि म्यूजिशन है काफ़ी अच्छा म्यूजिक देते हैं जो कि महानी शर्मा भी कना लैंग्वेज के काफ़ी अच्छे म्यूज़िक देते हैं सॉन्ग्स वगैरह को भी और यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक में जो कि रवि बसूर म्यूजिक दे रहे हैं और यहाँ पर जो कि प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वास्वी इंटरप्राइजेज और यहाँ पर उदय के मेहता प्रोडक्शन कंपनीज हैं और यहाँ पर आगे बात करें फिल्म के बारे में तो मार्टिन एक इंडिया एंड कनाडा लैंग्वेज अपकमिंग जो कि लैंग्वेज की फिल्म है जो कि एक्शन थ्रिलर वाली डायरेक्ट किया है ए पी अर्जुन ने स्टोरी को राइट किया अर्जुन सरजा ने जो कि अर्जुन सरजा एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और यहाँ पर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जो कि उदय के मेहता ने तो यहाँ पर स्टार कास्ट में हमें देखने को मिला द्रुआ सरजा और यहाँ पर बेबी का संदीला अविनाश जैन सरकुठी वागले और यहाँ पर अच्योतन कुमार और यहाँ पर नितिन धीर हमें देखने को मिले हैं तो यहाँ पर जो कि इस फिल्म के बारे में बता दो फिल्म आटोग्राफी है सत्या हैगर ने एडिट किया इस फिल्म को के एम प्रकाश ने और यहाँ पर म्यूज़िक दिया रवि बसरू ने और सॉन्ग्स को म्यूज़िक दिया मानी शर्मा ने प्रोडक्शन कंपनी इस फिल्म की वासी जो कि वासी इंटरप्राइज़ और के मेहता प्रोडक्शन कंपनीज हैं और फिल्म को ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में यानी दो हज़ार चौबीस में इस फिल्म को फाइनली रिलीज़ करवाया जाने वाला है जी हाँ दोस्तों अब ये फ़ाइनली हिंदी में भी रिलीज़ हो रही है तो आप दोस्तों को बता दो चूँकि इस फिल्म को जब अनाउंस किया गया था ना इस फिल्म को जो कि लगभग काफ़ी टाइम पहले इस फिल्म को अनाउंस कर दिया गया था लगभग इस फिल्म को 2021 में इस फिल्म को अनाउंस किया गया था जो कि इस फिल्म का उस टाइम पे नाम भी अनाउंस कर दिया गया था मार्टिन मूवी रखी जाने वाली थी जो कि इस फिल्म को सारा कुछ वहां पे अनाउंस किया गया था तो इस फिल्म की स्टोरी को जो कि रिवील थोड़ा बहुत कर दिया गया है क्योंकि इस फिल्म के जो ट्रेलर इस फिल्म का फास्ट टीजर आउट किया गया था ना उसी में इस फिल्म की स्टोरी को दिखाया गया जो कि पाकिस्तान के कुछ सीन को दिखाया गया है जो कि जेल वाले सीन को और यहाँ पर कुछ आपको इंडिया के सीन्स भी देखने को मिल जाएंगे ब्लैक डीलिंग को इस के अंदर दिखाया गया है तो बात करें फिल्म की स्टोरी के बारे में जिस तरह इस का ट्रेलर आउट किया गया ना इस फिल्म के अंदर जो कि मार्टिन यानी ध्रुआ सज्जा एक अंडर कवर जो कि एजेंट देखने को मिलेंगे और वो यहां पर जो कि माफिया यानी ड्रग डीलर और यहाँ पर उनको कैसे प, उनका जो कि मार्केट ब्लैक मार्किट होती है ना उसको कैसे उनका पर्दाफाश करते हैं ये सारा कुछ दिखाया गया है और वो पाकिस्तान में जेल जो कि पाकिस्तान की जेल में कैसे पहुँचते हैं और वहाँ से कैसे निकलते हैं ये सारा कुछ फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा और फिल्म के अंदर एक्शन सीन्स आपको नेक्स्ट लेवल देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर इस फ़िल्म के अंदर आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जैसे एक्शन के साथ साथ जो कि गाड़ियों वाले सीन जो कि चेसिंग वाले सीन्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं जिस तरह ट्रेलर के अंदर दिखाया या गया है ओवरऑल देखा जाए तो टीजर जो निकल के आया था काफ़ी एक्साइटेड था काफ़ी प्रॉमिसिंग था तो यहाँ पर जो कि ध्रुआ सज्जा का लुक भी और साथ ही ध्रुआ सज्जा की एक्टिंग भी नेक्स्ट लेवल देखने को मिली है तो यहाँ पर आगे थोड़ा सा बात कर लें कास्ट के बारे में तो यहाँ पर ध्रुआ सरजा जो कि इस फिल्म के अंदर जो कि अर्जुन का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर वैभिका संदीला हैं और यहाँ पर अविनाश जैन हैं श्रीकृति वागले हैं चिकन्ना है को किला है और मलवी का अविनाश है और फिल्म के अतर अच्युतन कुमार हैं जो कि एक अशोक का रोल प्ले करो और यहाँ पर वो एक नेवी ऑफिसर हैं और यहाँ पर नितिन धीर हैं नवाब शाह हैं जो कि रोहित पठाक हैं और जो कि वो सोल्जर है का रोल प्ले करें जो कि पाकिस्तानी सोल्जर होते हैं और यहाँ पर न, नाथन जॉन्स हैं और यहाँ पर रोबिल मॉस्को हैं जो कि जो दोनों रेसलर हैं फिल्म के अंदर जो कि टीजर में दिखाया गया था जो कि मार्टिन यानी ध्रुआ सर फिल्म के अंदर उनके साथ लड़ता हुआ दिखाई दिया है तो जिस तरह से दिखाया गया उनके जो कि लुक को और जिस तरह से दो, दो बड़े रेसलर के साथ उनको लड़वाया गया जिस तरह से उनकी जो कि ताकत को दिखाया गया कि मार्टिन कितना बड़ा जो कि एक योद्धा है और वो कितना बड़ा जो कि ताकतवर जो कि ऑफिसर है और कितना वो जो कि ताकत झेल सकता है ये सारा को दिखाया गया है तो टीज़र ओवरऑल काफ़ी अच्छा था तो फाइनली इस फिल्म की जो शूटिंग की बात करें तो इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह थी ना वो पूरी तरह से अब कंप्लीट हो चुकी है सॉन्ग्स वगैरह का भी थोड़ा बहुत काम रहता था अब फाइनली कंप्लीट हो चुका है और फिल्म की जो कि अब साउंड ट्रैकिंग वगैरह के ऊपर भी काम कम्प्लीट हो चुका है और बाकी फ़िल्म की जो कि पोस्ट प्रोडक्शन और एडिटिंग के ऊपर अभी काम चल रहा है और यहाँ पर अभी पसरूर ने म्यूज़िक वगैरह दिया है जो बैकग्राउंड का और यहाँ पर मानी शर्मा ने जो कि फिल्म सॉन्ग के एल्बम वगैरह को जो कि सारा कुछ यहाँ पर काम किया हुआ है और यहाँ पर जो सॉन्ग वगैरह सारे वगैरह जो कि यहाँ पर ल्लारी म्यूज़िक और टी सीरीज के जो हिंदी राइट्स वगैरह को ख़रीदा हुआ है टी सीरीज ने जो कि सॉन्ग्स वगैरह को हिंदी वर्जन के जो भी हैं उन्होंने ख़रीदा हुआ है तो बाकी लैंग्वेज करना तमिल तेलुगु और मलयालम के लैंग्वेज में भी, भी सॉन्ग्स वगैरह हैं तो यहाँ पर बात करें मार्टिन मूवी की तो अब फाइनली फिल्म को जो शेड्यूल्ड किया गया था पहले दो हज़ार तेईस में फेबर में फिल्म को रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन उस टाइम पर फिल्म को जो कि शूटिंग वगैरह कंप्लीट ना होने की वजह से फिल्म को उस टाइम पर रिलीज़ नहीं करवाया गया और यहाँ पर ट्वेंटी थ्री फेब्ररी को इस का जो फर्स्ट टीज़र भी आउट किया गया था और यहाँ पर अभी तक सेवेंटी जो कि मिलियन व्यूज़ भी ले चुका है विद इन जो कि थ्री मंथ्स जो कि थ्री डेज़ के अंदर सेवेंटी मिलियन जो कि टीजर ने व्यूज़ हासिल किए थे और वो काफ़ी कमाल का जो कि रिकॉर्ड था और यहाँ पर बाकी फ़िल्म को वैसे तो कन्नाडा लैंग्वेज में शूट किया गया था बाकी जो कि इस फ़िल्म को डॉप्ट वर्जन में जो कि तमिल तेलगू मलयालम और हिंदी में भी फ़िल्म को जो कि डॉप्ट वगैरह भी किया गया है तो ये फाइनली जो कि फ़िल्म है जो मार्टिन हाँ इस फिल्म की जो सारा कुछ अब काम कंप्लीट हो चुका है बाकी पोस्ट प्रोडक्शन का काम रहता है और यहाँ पर एडिटिंग का काम थोड़ा बहुत रहता है तो ये फिल्म बहुत ही जल्द आपको इसी साल यानी दो में फाइनली देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर इस फिल्म का भी आप दोस्त अगर वेट कर रहे हो तो आप दोस्त कितना वेट के रुकम कमनवास में बता सकते हो और साथ ही आप दोस्त यानी दुर्वा सज्जा के कि कितने बड़े फ़ैन हो उनकी मूवीज़ का कितना बेसब्री से वेट करते हो ये भी अपना कुमनवास में बता सकते हो क्योंकि दोस्तों जिस तरह से मार्टिन मूवी के लिए ऑडियंस एक्साइटेड है जिस तरह से मार्टिन मूवी बेसब्री से ऑडियंस वेट कर रही है ना माइंड ब्लोइंग क्योंकि जिस तरह से मार्टिन मूवी की हाइप बनी हुई है लेकिन अभी तक मार्टिन मूवी वाले ने अभी तक इस फिल्म का ऑफिशियली ट्रेलर भी नहीं रिलीज़ किया गया है और ना ही फिल्म का जो कि ऑफिशियली जो कि कोई भी फास्ट पोस्टर या कोई न्यू पोस्टर जो कि रिलीज़ नहीं करवाया जिससे पता हो कि इस फिल्म की जो रिलीज़ है ना वो कंफर्म कर दी जाए तो ये इतना कंफर्म हो चुका है ये फिल्म आपको इसी साल यानी 2024 में देखने को मिल जाएगी तो फाइनली ये फिल्म अब आपको इसी साल यानी 2024 में ही देखने को मिलेगी क्योंकि इस फिल्म की जो कि सारा कुछ रिलीज़ सारा कुछ कंप्लीट करवा लिया गया है क्योंकि इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह तो कंप्लीट हो चुकी है अब ये फिल्म इसी साल दो में देखने को मिल जाएगी और इस फिल्म का ट्रेलर भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा और फिल्म की जो ऑफिशियली रिलीज डेट है ना वो भी कन्फर्म कर दी जाएगी तो अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड हो मार्टिन मूल के लिए एक्साइटेड हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि जैसे इस फिल्म से रिलेटेड और भी अपडेट्स निकल के आती हैं तो इस चैनल पर मिल जाएंगी अपडेट्स रह, अपडेटेड रहने के लिए आप लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी दबा सकते हो और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर सकते हो क्योंकि इस वीडियो में आपको मार्टिंग न्यूज रिलेटेड जो भी अपडेट्स मिली हैं ये आपको आ, बाकी चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगी लेकिन जो भी न्यू अपडेट्स आएंगी जैसे ऑफिशियली रिलीज़ डेट कन्फर्म होती है तो वो भी इसी चैनल पर मिल जाएगी तो आप उसने लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है अपडेटेड रहना है और न्यू अपडेट्स के लिए लाजमी कर देना है क्योंकि मार्टिन मूवी में आपको द्रुआ सज्जा का लुक काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलेगा और आपको जिस तरह से फास्ट फिल्म का जो क्लिप्स देखने को मिला था ना म्यूजिक सुनने को मिला था माइंड ब्लोइंग था और यहाँ पर मार्टिन यानी द्रुआ सज्जा की लुक भी काफ़ी आउटस्टैंडिंग थी साथ ही उनके बॉडी पर जो हमें इंडियन के टैटूज वगैरह भी देखने को मिले थे वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे तो अपडेट्स रहने के लिए आपने लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को भी लाइक करना है और जैसे इसकी ऑफ्टी रिलीज डेट कन्फर्म होती है वो भी इस चैनल पर अपडेट्स मिल जाए वेलकम बैक दी अनदर वीडियो तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो कि कन्नड़ा लैंग्वेज की फिल्म मार्टिन मोई के बारे में थोड़ा सा गला ख़राब है उसके लिए माइंड मत करना है यहाँ पर दोस्तों बात कर रहा हूँ मार्टिन मोई के बारे में जो कि एक कन्नड़ा लैंग्वेज की फिल्म है और ये एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म है और को जो कि फाइनली अब रिलीज़ करवाया जाने वाला है हिंदी के अंदर भी और बाकी सारी साउथ लैंग्वेज में भी और इस फिल्म को जो कि पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ करवाया जाएगा तो फाइनली अब ये फ़िल्म कहाँ पर देखने को मिलेगी और ये फ़िल्म हिंदी में कौन सी डेट को रिलीज़ हो रही है तो आप आपको बता दो डिस में अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर कोई भी मूवी यानी मार्टिन मूवी को देखने के लिए आया तो आप उसको बता दो इस वीडियो के अंदर कोई भी मार्टिन मूवी आपको नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ़ और सिर्फ मार्टिन मूवी के अननाउन फैक्ट्स के बारे में बताया जाएगा और फिल्म के डिटेल्स के बारे में ऊपर बात की जीत की जाने वाली फ़िल्म के अननाउन फैक्ट्स और यहाँ पर इस फिल्म के बारे में यह भी बताया जाएगा कि इस फिल्म को हिंदी में भी का और कौन सी डेट को रिलीज करवाया जाने वाला है तो अगर आप दोस्तों ने अभी तक इस वीडियो को को लाइक लाइक नहीं किया कर कर दें दें और साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब तो पर हम दोस्तों बात कर रहे हैं कन्नड़ा लैंग्वेज की फिल्म मार्टिन के बारे में जो कि एक एक्शन एक थ्रिलर वाली फिल्म है इससे पहले जो कि ध्रुआ सरजा पुगारू जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज दे चुके हैं जिससे उनकी हिंदी में भी काफी अच्छी फैन बेस बन चुकी है जिस तरह से मार्टिन मूवी को जब अनाउंस किया गया था तो ऑडियंस उसी टाइम से फिल्म का बेसब्री से वेट कर रही है फिल्म के लिए एक्साइटेड है और फिल्म का काफी जो कि लंबे अरसे से जो कि के, के लिए एक्साइटेड है कि फिल्म को डिले किया गया है फिल्म की शूटिंग की वजह से अब फाइनली फिल्म की शूटिंग भी कंप्लीट करवा ली गई है तो फाइनली आगे बात कर लेते हैं फिल्म के बारे में तो ये एक एक्शन थ्रिलर जोना की फिल्म है और फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं ए अर्जुन तो यहाँ पर इन्होंने कौन कौन सी मूवीज़ पहले बना चुके हैं उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर वो भी आप उसको बता देता हूँ उन्होंने इससे पहले जो कि कौन कौन सी मूवी बनाई है तो यहाँ पर उन्होंने इससे पहले टू में फिल्म रिलीज़ हुई थी किस उस मूवी को बना चुके हैं जो कि अभी रिलीज़ हिंदी में भी हो चुकी है हिंदी में भी काफ़ी अच्छा से उनको रिस्पॉन्स मिला है जो कि ये फाइनली आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी जिसके अंदर आपको कास्ट में देखने को मिले थी श्रीला साथ ही अपर्ला अपूर्वा और गौड़ा और यहाँ पर साथ ही विरात देखने को मिले थे तो ये फिल्म किस भी हिंदी के अंदर ऑफिशियली रिलीज़ करवा दी गई यूट्यूब के ऊपर अगर आप दोस्त देखना चाहोते कि रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वाली फिल्म है इस फिल्म को भी देख सकते हो तो यहाँ पर आप मार्टिन मूवी को अब डायरेक्ट कर चुके हैं अधूरी मूवी थी और यहाँ पर मिस्टर अरवाटा फिल्म थी और भी काफ़ी सारी मूवीज़ को डायरेक्ट कर चुके हैं तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करें फिल्म यानी मार्टिन मूवी के बारे में तो फिल्म को डायरेक्ट किया है पी अर्जुन ने और इस फिल्म को जो कि एडिट किया हुआ है के एम प्रकाश ने और फिल्म को लैंग्वेज जो कि कड़ा में शूट किया गया था और बाकी लैंग्वेज में इस फिल्म को डॉप्ट किया गया है और यहाँ पर म्यूजिक दिया रवि बसूर ने और सॉन्ग्स को म्यूजिक दिया मानी शर्मा ने ये दोनों काफ़ी कमाल के जो कि म्यूजिशन है काफ़ी अच्छा म्यूजिक देते हैं जो कि मानी शर्मा भी कन्ना लैंग्वेज के काफ़ी अच्छे म्यूजिक देते हैं सॉन्ग्स वगैरह को भी और यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक में जो कि रवि बसूर म्यूजिक दे रहे हैं और यहाँ पर जो कि प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वास्वी इंटरप्राइजेज और यहाँ पर यू उदय के मेहता प्रोडक्शन कंपनीज हैं और यहाँ पर आगे बात करें फिल्म के बारे में तो मार्टिन एक इंडिया एंड कनाडा लैंग्वेज अपकमिंग जो कि लैंग्वेज की फिल्म है जो कि एक्शन थ्रिलर वाली डायरेक्ट किया ए पी अर्जुन ने स्टोरी को राइट किया अर्जुन सरजा ने जो कि अर्जुन सरजा एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और यहाँ पर फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जो कि उदय के मेहता ने तो यहाँ पर स्टारकास्ट में हमें देखने को मिला द्रुआ सरजा और यहाँ पर वैबिका संंदीला अविनाश जैन सरकुी वागले और यहाँ पर अच्योतन कुमार और यहाँ पर नितिन धीर हमें देखने को मिले हैं तो यहाँ पर जो कि इस फिल्म के बारे में बता दो फिल्म मोटोग्राफी है सत्या हैगर ने एडिट किया इस फिल्म को के एम प्रकाश ने और यहाँ पर म्यूज़िक दिया रवि बसरू ने और सॉन्ग्स को म्यूज़िक दिया मानी शर्मा ने प्रोडक्शन कंपनी इस फ़िल्म की वासी जो कि वासी इंटरप्राइज़ और द के मेहता प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं और फिल्म को ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में यानी दो हज़ार चौबीस में इस फिल्म को फाइनली रिलीज़ करवाया जाने वाला है जी हाँ दोस्तों अब ये फ़ाइनली हिंदी में भी रिलीज़ हो रही है तो आप दोस्तों को बता दो चुके इस फिल्म को जब अनाउंस किया गया था ना इस फिल्म को जो कि लगभग काफ़ी टाइम पहले इस फिल्म को अनाउंस कर दिया गया था लगभग इस फिल्म को 2021 में इस फिल्म को अनाउंस किया गया था जो कि इस फिल्म का उस टाइम पे नाम भी अनाउंस कर दिया गया था मार्टिन मूवी रखी जाने वाली थी जो कि इस फिल्म को सारा कुछ वहां पे अनाउंस किया गया था तो इस फिल्म की स्टोरी को जो कि रिविल्स थोड़ा बहुत कर दिया गया है क्योंकि इस फिल्म के जो ट्रेलर इस फिल्म का फास्ट टीज़र आउट किया गया था ना उसी में इस फिल्म की स्टोरी को दिखाया गया जो कि पाकिस्तान के कुछ सीन को दिखाया गया है जो कि जेल वाले सीन को और यहाँ पर कुछ आपको इंडिया के सीन्स भी देखने को मिल जाएंगे डीलिंग को फिल्म के अंदर दिखाया गया है तो बात करें की स्टोरी के बारे में जिस तरह इस का ट्रेलर आउट किया गया ना इस फिल्म के अंदर जो कि मार्टिन यानी ध्रुआ सज्जा एक अंडर कवर जो एजेंट देखने को मिलेंगे और वो यहां पर जो कि माफिया यानी ड्रग डीलर और यहाँ पर उनको कैसे प, उनका जो कि मार्केट ब्लैक मार्किट होती है ना उसको कैसे उनका पर्दाफाश करते हैं ये सारा को दिखाया गया है और वो पाकिस्तान में जेल जो कि पाकिस्तान की जेल में कैसे पहुँचते हैं और वहाँ से कैसे निकलते हैं ये सारा कुछ फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा और फिल्म के अंदर एक्शन सीन्स आपको नेक्स्ट लेवल देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर इस फ़िल्म के अंदर आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जैसे एक्शन के साथ साथ जो कि गाड़ियों वाले सीन जो कि चेसिंग वाले सीन्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं जिस तरह ट्रेलर के अंदर दिख या गया है ओवरऑल देखा जाए तो टीज़र जो निकल के आया था काफ़ी एक्साइटेड था काफ़ी प्रॉमिसिंग था तो यहाँ पर जो कि द्रुआ सज्जा का लुक भी और साथ ही द्रुआ सजा की एक्टिंग भी नेक्स्ट लेवल देखने को मिली है तो यहाँ पर आगे थोड़ा सा बात कर लें कास्ट के बारे में तो यहाँ पर ध्रुआ सरजा जो कि इस फिल्म के अंदर जो कि अर्जुन का रोल प्ले कर करें और यहाँ पर वैभिका संदीला हैं और यहाँ पर अविनाश जैन हैं श्रुकृति वागले है चिकन्ना है को किला है और मलवी का अविनाश है और सिल्म के अच्युतन कुमार हैं जो कि एक अशोक का रोल प्ले कर और यहाँ पर वो एक नेवी ऑफिसर हैं और यहाँ पर नितिन धीर हैं नवाब शाह हैं जो कि रोहित पठाक हैं और जो कि वो सोल्जर है का रोल प्ले करें जो कि पाकिस्तानी सोल्जर होते हैं और यहाँ पर नाथन जॉन्स हैं और यहाँ पर रोबिल मॉस्को हैं जो कि जो दोनों रेसलर हैं फिल्म के अंदर जो कि टीजर में दिखाया गया था जो कि मार्टिन यानी द्रुआ सर इस फिल्म के अंदर उनके साथ लड़ता हुआ दिखाई दिया है तो जिस तरह से दिखाया गया उनके जो कि लुक को और जिस तरह से दोन दो बड़े रेसलर के साथ उनको लड़वाया गया जिस तरह से उनकी जो कि ताकत को दिखाया गया कि मार्टिन कितना बड़ा जो कि एक योद्धा है और वो कितना बड़ा जो कि ताकतवर जो कि ऑफिसर है और कितना वो जो कि ताकत झेल सकता है ये सारा को दिखाया गया है तो टीज़र ओवरऑल काफ़ी अच्छा था तो फाइनली फिल्म की जो शूटिंग की बात करें तो इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह थी ना वो पूरी तरह से अब कंप्लीट हो चुकी है सॉन्ग्स वगैरह का भी थोड़ा बहुत काम रहता था अब फाइनली कंप्लीट हो चुका है और फिल्म की जो कि अब साउंड ट्रैकिंग वगैरह के ऊपर भी काम कम्प्लीट हो चुका है और बाकी फिल्म की जो कि पोर्ट प्रोस्ट प्रोडक्शन और एडिटिंग के ऊपर अभी काम चल रहा है और यहाँ पर रवि बसरूर ने म्यूज़िक वगैरह दिया है जो बैकग्राउंड का और यहाँ पर मानी शर्मा ने जो कि फिल्म सॉन्ग के एल्बम वगैरह को जो कि सारा कुछ यहाँ पर काम किया हुआ है और यहाँ पर वगरा, वगरा जो सॉन्ग ट्रैकिंग वगैरह सारे वगैरह जो कि यहाँ पर लल्हारी म्यूजिक और टी सीरीज के जो हिंदी राइट्स वगैरह को खरीदा हुआ है टी सीरी ने जो कि सॉन्ग्स वगैरह को हिंदी वर्जन के जो भी हैं उन्होंने खरीदा हुआ है तो बाकी लैंग्वेज करना तमिल तेलुगु और मलयालम के लैंग्वेज में भी, भी सॉन्ग्स वगैरह हैं तो यहाँ पर बात करें मार्टिन मूवी की तो अब फाइनली फिल्म को जो शेड्यूल्ड किया गया था पहले दो हज़ार तेईस में फेबर में फिल्म को रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन उस टाइम पर फिल्म को जो कि शूटिंग वगैरह कंप्लीट ना होने की वजह से फिल्म को उस टाइम पर रिलीज़ नहीं करवाया गया और यहाँ पर ट्वेंटी थ्री फेबररी को इस को का जो फर्स्ट टीजर भी आउट किया गया था और यहाँ पर अभी तक सेवेंटी जो कि मिलियन व्यूज भी ले चुका है विद इन जो कि थ्री मंथ्स जो कि थ्री डेज के अंदर सेवेंटी मिलियन जो कि टीजर ने व्यूज़ हासिल किए थे और वो काफ़ी कमाल का जो कि रिकॉर्ड था और यहाँ पर बा, बाकी फिल्म को वैसे तो कन्नाडा लैंग्वेज में शूट किया गया था बाकी जो कि इस फिल्म को डॉप्ट वर्जन में जो कि तमिल तेलगू मलयालम और हिंदी में भी फिल्म को जो कि डॉप्ट वगैरह भी किया गया है तो ये फाइनली जो कि फ़िल्म है जो मार्टिन हाँ इस फिल्म की जो सारा कुछ अब काम कंप्लीट हो चुका है बाकी पोस्ट प्रोडक्शन का काम रहता है और यहाँ पर एडिटिंग का काम थोड़ा बहुत रहता है तो ये फिल्म बहुत ही जल्द आपको इसी साल यानी 2024 में फाइनली देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर इस फिल्म का भी आप दोस्त अगर वेट कर रहे हो तो आप दोस्त कितना वेट करो नॉस में बता सकते हो और साथ ही आप दोस्त यानी द्रुआ सज्जा के कि कितने बड़े फ़ैन हो उनकी मूवीज़ का कितना बेसब्री से वेट करते हो ये भी अपना कुमनवास में बता सकते हो क्योंकि दोस्तों जिस तरह से मार्टिन मूवी के लिए ऑडियंस एक्साइटेड है जिस तरह से मार्टिन मूवी बेसब्री से ऑडियंस वेट कर रही है ना माइंड ब्लोइंग क्योंकि जिस तरह से मार्टिन मूवी की हाइप बनी हुई है लेकिन अभी तक मार्टिन मूवी वाले ने अभी तक इस फिल्म का ऑफिशियली ट्रेलर भी नहीं रिलीज़ किया गया है और ना ही फिल्म का जो कि ऑफिशियली जो कि कोई भी फास्ट पोस्टर या कोई न्यू पोस्टर जो कि रिलीज़ नहीं करवाया जिससे पता हो कि इस फिल्म की जो रिलीज़ है ना वो कंफर्म कर दी जाए तो ये इतना कंफर्म हो चुका है ये फिल्म आपको इसी साल यानी 2024 में देखने को मिल जाएगी तो फाइनली ये फिल्म अब आपको इसी साल यानी 2024 में ही देखने को मिलेगी क्योंकि इस फिल्म की जो कि सारा कुछ रिलीज़ सारा कुछ कंप्लीट करवा लिया गया है क्योंकि इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह तो कंप्लीट हो चुकी है अब ये फिल्म इसी साल दो में देखने को मिल जाएगी और फिल्म का ट्रेलर भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा और फिल्म की जो ऑफिशियली रिलीज़ डेट है ना वो भी कन्फर्म कर दी जाएगी तो अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड हो मार्टिन मूल के लिए एक्साइटेड हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि जैसे इस फिल्म से रिलेटेड और भी अपडेट्स निकल के आते हैं तो इस चैनल पर मिल जाएंगी अपडेट्स रह, अपडेटेड रहने के लिए आप लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी दबा सकते हो और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर सकते हो क्योंकि इस वीडियो में आपको मार्टिंग न्यूज रिलेटेड जो भी अपडेट्स मिली हैं ये आपको आ, बाकी चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगी लेकिन जो भी न्यू अपडेट्स आएंगी जैसे ऑफिशियली रिलीज़ डेट कन्फर्म होती है तो वो भी इसी चैनल पर मिल जाएगी तो आप उसने लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है अपडेटेड रहना है और न्यू अपडेट्स के लिए लाजमी कर देना है क्योंकि मार्टिन मूवी में आपको द्रुआ सज्जा का लुक काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलेगा और आपको जिस तरह से फास्ट इस फिल्म का जो कि क्लिप्स देखने को मिला था ना म्यूजिक सुनने को मिला था माइंड ब्लोइंग था और यहाँ पर मार्टिन यानी द्रुआ सज्जा की लुक भी काफ़ी आउटस्टैंडिंग थी साथ ही उनके बॉडी पर जो हमें इंडियन के टैटूज वगैरह भी देखने को मिले थे वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे तो अपडेट्स रहने के लिए आपने लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को भी लाइक करना है और जैसे इसकी ऑफ्टिलिटी डेट कन्फर्म होती है वो भी इस चैनल पर अपडेट्स मिल जाए वेलकम बैक दी अनदर वीडियो तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो कि कन्नड़ा लैंग्वेज की फिल्म मार्टिन मोई के बारे में थोड़ा सा गला ख़राब है उसके लिए माइंड मत करना है यहाँ पर दोस्तों बात कर रहा हूँ मार्टिन मोई के बारे में जो कि एक कन्नड़ा लैंग्वेज की फिल्म है और ये एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म है और को जो कि फाइनली अब रिलीज़ करवाया जाने वाला है हिंदी के अंदर भी और बाकी सारी साउथ लैंग्वेज में भी और फिल्म को जो कि पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करवाया जाएगा तो फाइनली अब यह फिल्म कहां पर देखने को मिलेगी और यह फिल्म हिंदी में कौन सी डेट को रिलीज हो रही है तो आप आप दोस्त बता दो में अगर इस वीडियो के अंदर कोई भी मूवी यानी मार्टिन मूवी को देखने के लिए आया तो आप आपको बता दो इस वीडियो के अंदर कोई भी मार्टिन मूवी तो आप आपको नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ मार्टिन मूवी के अननाउन फैक्ट्स के बारे में बताया जाएगा और फिल्म के डिटेल्स के बारे में ऊपर बात की जीत की जाने वाली फिल्म के अननाउन फैक्ट्स और यहां पर इस फिल्म के बारे में यह भी बताया जाएगा कि इस फिल्म को हिंदी में भी और कौन सी डेट को रिलीज करवाया जाने वाला है तो अगर आप दूसरे अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है ध्रुआ सरजा पुगारू जैसी ब्लॉक बस्टर मूवीज दे चुके हैं जिससे उनकी हिंदी में भी काफी अच्छी फैन बेस बन चुकी है जिस तरह से मार्टिन मूवी को जब अनाउंस किया गया था तो ऑडियंस उसी टाइम से फिल्म का बेसब्री से वेट कर रही है फिल्म के लिए एक्साइटेड है और फिल्म का काफी जो कि लंबे अरसे से जो कि के लिए एक्साइटेड है फिल्म को डिले किया गया है फिल्म की शूटिंग की वजह से अब फाइनली फिल्म की शूटिंग भी कंप्लीट करवा ली गई है तो फाइनली आगे बात कर लेते हैं फिल्म के बारे में तो ये एक एक्शन थ्रिलर जोना की फिल्म है और इस को डायरेक्ट कर रहे हैं ए बी अर्जुन तो यहाँ पर इन्होंने कौन कौन सी मूवीज़ पहले बना चुके हैं उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर वो भी आप आपको बता देता हूँ उन्होंने इससे पहले जो कि कौन कौन सी मूवी बनाई है तो यहाँ पर उन्होंने इससे पहले टू तो में फिल्म रिलीज़ हुई थी किस उस मूवी को बना चुके है जो कि अभी रिलीज़ हिंदी में भी हो चुकी है हिंदी में भी काफ़ी अच्छा से को रिस्पॉन्स मिला है जो कि ये फाइनली आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी जिसके अंदर आपको कास्ट में देखने को मिले थी शरीला साथी अपर् अपूर्वा और गौड़ा और यहाँ पर साथ ही विरात देखने को मिले थे तो ये फिल्म किस भी हिंदी के अंदर ऑफिशियली रिलीज़ करवा दी गई यूट्यूब के ऊपर अगर आप दोस्त देखना चाहते हैं कि रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वाली फिल्म है इस फिल्म को भी देख सकते हो तो यहाँ पर आप मार्टिन मूवी को अब डायरेक्ट कर चुके हैं अधूरी मूवी थी और यहाँ पर मिस्टर अरवाटा फिल्म थी और भी काफ़ी सारी मूवीज़ को डायरेक्ट कर चुके हैं तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करें फिल्म यानी मार्टिन मूवी के बारे में तो फिल्म को डायरेक्ट किया है पी अर्जुन ने और इस फिल्म को जो कि एडिट किया हुआ है के एम प्रकाश ने और फिल्म को लैंग्वेज जो कि कड़ा में शूट किया गया था और बाकी लैंग्वेज में फिल्म को अडॉप्ट किया गया है और यहाँ पर म्यूजिक दिया रवि बसूर ने और सॉन्ग्स को म्यूजिक दिया महानी शर्मा ने ये दोनों काफ़ी कमाल के जो कि म्यूजिशन है काफ़ी अच्छा म्यूजिक देते हैं जो कि महानी शर्मा भी कना लैंग्वेज के काफ़ी अच्छे म्यूजिक के देते हैं सॉन्ग्स वगैरह को भी और यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूज़िक में जो कि रवि बसूर म्यूजिक दे रहे हैं और यहाँ पर जो कि प्रोडक्शन कंपनीज हैं वास्वी इंटरप्राइजेज और यहाँ पर उदय के मेहता प्रोडक्शन कंपनीज हैं और यहाँ पर आगे बात करें फिल्म के बारे में तो मार्टिन एक इंडियन कन्नड़ा लैंग्वेज अपकमिंग जो कि लैंग्वेज की फिल्म है जो कि एक्शन थ्रिलर वाली डायरेक्ट किया है सिंह को ए पी अर्जुन ने स्टोरी को राइट किया अर्जुन सरजा ने जो कि अर्जुन सरजा एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और यहाँ पर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जो कि उदय के मेहता ने तो यहाँ पर स्टार कास्ट में हमें देखने को मिला द्रुआ सरजा और यहाँ पर वैबिका संदीला अविनाश जैन सरकुठी वागले और यहाँ पर अच्योतन कुमार और यहाँ पर नितिन धीर हमें देखने को मिले हैं तो यहाँ पर जो कि इस फिल्म के बारे में बता दो फिल्म मोटोग्राफी किया है, सत्या हैगर ने एडिट किया है इस फिल्म को के एम प्रकाश ने और यहाँ पर म्यूज़िक दिया रवि बसरू ने और सॉन्ग्स को म्यूज़िक दिया मानी शर्मा ने प्रोडक्शन कंपनी इस फ़िल्म की वासी जो कि वासी इंटरप्राइज़ और द के मेहता प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं और फिल्म को ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में यानी दो हज़ार चौबीस में इस फिल्म को फाइनली रिलीज़ करवाया जाने वाला है जी हाँ दोस्तों अब ये फाइनली हिंदी में भी रिलीज़ हो रही है तो आप जिसको बता दो चुके इस फिल्म को जब अनाउंस किया गया था ना इस फिल्म को जो कि लगभग काफ़ी टाइम पहले इस फिल्म को अनाउंस कर दिया गया था लगभग इस फिल्म को 2021 में इस फिल्म को अनाउंस किया गया था जो कि इस फ़िल्म का उस टाइम पे नाम भी अनाउंस कर दिया गया था मार्टिन मूवी रखी जाने वाली थी जो कि इस फिल्म को सारा कुछ वहां पे अनाउंस किया गया था तो इस फिल्म की स्टोरी को जो कि रिवील्स थोड़ा बहुत कर दिया गया है क्योंकि इस फिल्म के जो ट्रेलर इस फिल्म का फास्ट टीज़र आउट किया गया था ना उसी में इस फिल्म की स्टोरी को दिखाया गया जो कि पाकिस्तान के कुछ सीन को दिखाया गया है जो कि जेल वाले सीन को और यहाँ पर कुछ आपको इंडिया के सीन्स भी देखने को मिल जाएंगे ब्लैक डीलिंग को फिल्म के अंदर दिखाया गया है तो बात करें की स्टोरी के बारे में जिस तरह इस का ट्रेलर आउट किया गया ना इस फिल्म के अंदर जो कि मार्टिन यानी सज्जा एक अंडर कवर जो एजेंट देखने को मिलेंगे और वो यहां पर जो कि माफिया यानी ड्रग डीलर और यहाँ पर उनको कैसे पर उनका जो कि मार्केट ब्लैक मार्किट होती है ना उसको कैसे उनका पर्दाफाश करते हैं ये सारा को दिखाया गया है और वो पाकिस्तान में जेल जो कि पाकिस्तान की जेल में कैसे पहुँचते हैं और वहाँ से कैसे निकलते हैं ये सारा कुछ फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा और फिल्म के अंदर एक्शन सीन्स आपको नेक्स्ट लेवल देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर इस फ़िल्म के अंदर आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जैसे एक्शन के साथ साथ जो कि गाड़ियों वाले सीन जो कि चेसिंग वाले सीन्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं जिस तरह ट्रेलर के अंदर दिखाया या गया है ओवरऑल देखा जाए तो टीजर जो निकल के आया था काफ़ी एक्साइटेड था काफ़ी प्रॉमिसिंग था तो यहाँ पर जो कि द्रुआ सज्जा का लुक भी और साथ ही ध्रुआ सज्जा की एक्टिंग भी नेक्स्ट लेवल देखने को मिली है तो यहाँ पर आगे थोड़ा सा बात कर लें कास्ट के बारे में तो यहाँ पर द्रुआ सरजा जो कि इस फिल्म के अंदर जो कि अर्जुन का रोल प्ले कर है। रहे हैं और यहाँ पर वैभिका संदीला हैं और यहाँ पर अविनाश जैन हैं श्रुकृति वागले हैं चिकन्ना है सदु को किला है और मलवी का विनाश है और सम के तरह अच्युतन कुमार हैं जो कि एक अशोक का रोल प्ले कर यहाँ पर वो एक नेवी ऑफिसर हैं और यहाँ पर नितिन धीर हैं नवाब शाह हैं जो कि रोहित पठाक हैं और जो कि वो सोल्जर का रोल प्ले करें जो कि पाकिस्तानी सोल्जर होते हैं यहां न, है और यहाँ पर नाथन जॉन्स हैं और यहाँ पर रोबिल मॉस्को हैं जो कि जो दोनों रेसलर हैं इस फिल्म के अंदर जो कि टीजर में दिखाया गया था जो कि मार्टिन यानी ध्रुआ सर जाए फिल्म के अंदर उनके साथ लड़ता हुआ दिखाई दिया है तो जिस तरह से दिखाया गया उनके जो कि लुक को और जिस तरह से दो, दो बड़े रेसलर के साथ उनको लड़वाया गया जिस तरह से उनकी जो कि ताकत को दिखाया गया कि मार्टिन कितना बड़ा जो कि एक योद्धा है और कितना बड़ा जो कि ताकतवर जो कि ऑफिसर है और कितना वो जो कि ताकत झेल सकता है ये सारा को दिखाया गया है तो टीज़र ओवरऑल काफ़ी अच्छा था तो फाइनली इस फिल्म की जो शूटिंग की बात करें तो इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह थी ना वो पूरी तरह से अब कंप्लीट हो चुकी है सॉन्ग्स वगैरह का भी थोड़ा बहुत काम रहता था अब फाइनली कंप्लीट हो चुका है और फिल्म की जो कि अब साउंड ट्रैकिंग वगैरह के ऊपर भी काम कम्प्लीट हो चुका है और बाकी फ़िल्म की जो कि पोस्ट प्रोडक्शन और एडिटिंग के ऊपर अभी काम चल रहा है और यहाँ पर रवि बसरू ने म्यूज़िक वगैरह दिया जो बैकग्राउंड का और यहाँ पर मानी शर्मा ने जो कि फिल्म सॉन्ग के एल्बम वगैरह को जो कि सारा कुछ यहाँ पर काम किया हुआ है और यहाँ पर जो सॉन्ग ट्रिंग वगैरह सारे वगैरह जो कि यहाँ पर लारी म्यूजिक और टी सीरीज के जो हिंदी राइट्स वगैरह को खरीदा हुआ है टी सीरीज ने जो कि सॉन्ग्स वगैरह को हिंदी वर्जन के जो भी हैं उन्होंने खरीदा हुआ है तो बाकी लैंग्वेज करना तमिल तेलगू और मलयालम के लैंग्वेज में भी, भी सॉन्ग्स वगैरह हैं तो यहाँ पर बात करें मार्टिन मूवी की तो अब फाइनली फिल्म को जो शेड्यूल्ड किया गया था पहले दो में फेबर में इस फिल्म को रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन उस टाइम पर फिल्म को जो कि शूटिंग वगैरह कम्प्लीट ना होने की वजह से फिल्म को उसके टाइम पर रिलीज़ नहीं करवाया गया और यहाँ पर ट्वेंटी थ्री फेब्ररी को का जो फर्स्ट टीज़र भी आउट किया गया था और यहाँ पर अभी तक सेवेंटी जो कि बिलियन व्यूज़ भी ले चुका है विद इन जो कि थ्री मंथ्स जो कि थ्री डेज़ के अंदर सेवेंटी मिलियन जो कि टीजर ने व्यूज़ हासिल किए थे और वो काफ़ी कमाल का जो कि रिकॉर्ड था और यहाँ पर बाकी फिल्म को वैसे तो कन्नाड़ा लैंग्वेज में शूट किया गया था बाकी जो कि इस फिल्म को डॉप्ट वर्जन में जो कि तमिल तेलगू मलयालम और हिंदी में भी फिल्म को जो कि डॉप्ट वगैरह भी किया गया है तो ये फाइनली जो कि फ़िल्म है जो मार्टिन हाँ इस फिल्म की जो सारा कुछ अब काम कंप्लीट हो चुका है बाकी पोस्ट प्रोडक्शन का काम रहता है और यहाँ पर एडिटिंग का काम थोड़ा बहुत रहता है तो ये फिल्म बहुत ही जल्द आपको इसी साल यानी दो में फाइनली देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर इस फिल्म का भी आप दोस्त अगर वेट कर रहे हो तो आप दोस्त कितना वेट करो कमवास में बता सकते हो और साथ ही आप दोस्त यानी दुर्वा सज्जा के कि कितने बड़े फ़ैन हो उनकी मूवीज़ का कितना बेसब्री से वेट करते हो ये भी अपना कुमनवास में बता सकते हो क्योंकि दोस्तों जिस तरह से मार्टिन मूवी के लिए ऑडियंस एक्साइटेड है जिस तरह से मार्टिन मूवी का बेसब्री से ऑडियंस वेट कर रही है ना माइंड ब्लोइंग क्योंकि जिस तरह से मार्टिन मूवी की हाइप बनी हुई है लेकिन अभी तक मार्टिन मूवी वाले ने अभी तक इस फिल्म का ऑफिशियली ट्रेलर भी नहीं रिलीज़ किया गया है और ना ही फिल्म का जो कि ऑफिशियली जो कि कोई भी फास्ट पोस्टर या कोई न्यू पोस्टर आने जो कि रिलीज़ नहीं करवाया जिससे पता हो कि इस फिल्म की जो रिलीज़ है ना वो कंफर्म कर दी जाए तो ये इतना कंफर्म हो चुका है ये फिल्म आपको इसी साल यानी 2024 में देखने को मिल जाएगी तो फाइनली ये फिल्म अब आपको इसी साल यानी 2024 में ही देखने को मिलेगी क्योंकि इस फिल्म की जो सार कि सारा कुछ रिलीज़ सारा कुछ कंप्लीट करवा लिया गया है क्योंकि इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह तो कंप्लीट हो चुकी है अब ये फिल्म इसी साल दो में देखने को मिल जाएगी और फिल्म का ट्रेलर भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा और फिल्म की जो ऑफिशियली रिलीज़ डेट है ना वो भी कन्फर्म कर दी जाएगी तो अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड हो मार्टिन मूज के लिए एक्साइटेड हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि जैसे इस फिल्म से रिलेटेड और भी अपडेट्स निकल के आते हैं तो इस चैनल पर मिल जाएंगी अपडेट्स रह, अपडेटेड रहने के लिए आप लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी दबा सकते हो और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर सकते हो क्योंकि इस वीडियो में आपको मार्टिन मूज से रिलेटेड जो भी अपडेट्स मिली हैं ये आपको बाकी चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगी लेकिन जो भी न्यू अपडेट्स आएंगी जैसे ऑफिशियली रिलीज डेट कन्फर्म होती है तो वो भी इस चैनल पर मिल जाएगी तो आप उसने लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है अपडेटेड रहना है और न्यू अपडेट्स के लिए लाजमी कर देना है क्योंकि मार्टिन मूवी में आपको द्रुआ सज्जा का लुक काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलेगा और आपको जिस तरह से फास्ट फिल्म का जो कि क्लिप्स देखने को मिला था ना म्यूज़िक सुनने को मिला था माइंड ब्लोइंग था और यहाँ पर मार्टिन यानी द्रुवा सज्जा की लुक भी काफ़ी आउटस्टैंडिंग थी साथ ही उनके बॉडी पर जो हमें इंडियन के टैटूज वगैरह भी देखने को मिले थे वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे तो अपडेट्स रहने के लिए आपने लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को भी लाइक करना है और जैसे इसकी डेट कन्फर्म होती है वो भी इस चैनल पर अपडेट्स मिल जाए वेलकम बैक दी अनदर वीडियो तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो कि कन्नड़ा लैंग्वेज की फिल्म मार्टिन मोई के बारे में थोड़ा सा गला ख़राब है उसके लिए माइंड मत करना है यहाँ पर दोस्तों बात कर रहा हूँ मार्टिन मोई के बारे में जो कि एक कन्नड़ा लैंग्वेज की फिल्म है और ये एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म है और को जो कि फाइनली अब रिलीज़ करवाया जाने वाला है हिंदी के अंदर भी और बाकी सारी साउथ लैंग्वेज में भी और फिल्म को जो कि पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ करवाया जाएगा तो फाइनली अब ये फ़िल्म कहाँ पर देखने को मिलेगी और ये फिल्म हिंदी में कौन सी डेट को रिलीज़ हो रही है तो आप आपको बता दो डिस् में अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर कोई भी मूवी यानी मार्टिन मूवी को देखने के लिए आया तो आप दोस्त को बता दो इस वीडियो के अंदर कोई भी मार्टिन मूवी आपको नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ मार्टिन मूवी के अन फैक्ट्स के बारे में बताया जाएगा और फिल्म के डिटेल्स के बारे में ऊपर बात की जीत की जाने वाले फिल्म के अननाउन फैक्ट्स और यहाँ पर इस फिल्म के बारे में यह भी बताया जाएगा कि इस फिल्म को हिंदी में भी काफ़ी और कौन सी डेट को रिलीज करवाया जाने वाला है तो अगर आप दोस्तों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर कर दें दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब तो यहां पर हम दोस्तों बात कर रहे हैं कन्नड़ा लैंग्वेज की फिल्म मार्टिन के बारे में जो कि एक एक्शन एक थ्रिलर वाली फिल्म है इससे पहले जो कि ध्रुआ सरजा पुगारू जैसी ब्लॉक बस्टर मूवीज दे चुके हैं जिससे उनकी हिंदी में भी काफी अच्छी फैन बेस बन चुकी है जिस तरह से मार्टिन मूवी को जब अनाउंस किया गया था ऑडियंस उसी टाइम से इस फिल्म का बेसब्री से वेट कर रही है फिल्म के लिए एक्साइटेड है और फिल्म का काफी जो कि लम्बे अरसों से जो कि फिल्म के लिए एक्साइटेड है जो चूँकि फिल्म को डिले किया गया है फिल्म की शूटिंग की वजह से अब फाइनली फिल्म की शूटिंग भी कम्प्लीट करवा ली गई है तो फाइनली आगे बात कर लेते हैं फिल्म के बारे में तो ये एक एक्शन थ्रिलर जोना की फिल्म है और फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं ए बी अर्जुन तो यहाँ पर इन्होंने कौन कौन सी मूवीज़ पहले बना चुके हैं उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर वो भी आप उसको बता देता हूँ उन्होंने इससे पहले जो कि कौन कौन सी मूवी बनाई है तो यहाँ पर उन्होंने इससे पहले टू में फिल्म रिलीज़ हुई थी किस उस मूवी को बना चुके हैं जो कि अभी रिलीज़ हिंदी में भी हो चुकी है हिंदी में भी काफ़ी अच्छा से को रिस्पॉन्स मिला है जो कि ये फाइनली आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी जिसके अंदर आपको कास्ट में देखने को मिले थी श्रीला साथ ही अपर्ला अपर्वा और गौड़ा और यहाँ पर साथ ही विरात देखने को मिले थे तो ये फिल्म किस भी हिंदी के अंदर ऑफिशियली रिलीज़ करवा दी गई यूट्यूब के ऊपर अगर आप दोस्त देखना चाहोते कि रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वाली फिल्म है फिल्म को भी देख सकते हो तो यहाँ पर आप मार्टिन मूवी को अब डायरेक्ट कर चुके हैं अधूरी मूवी थी और यहाँ पर मिस्टर अरवाटा फिल्म थी और भी काफ़ी सारी मूवीज़ को डायरेक्ट कर चुके हैं तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करें फिल्म यानी मार्टिन मूवी के बारे में तो फिल्म को डायरेक्ट किया है पी अर्जुन ने और इस फिल्म को जो कि एडिट किया हुआ है के एम प्रकाश ने और इस फिल्म को लैंग्वेज जो कि कड़ा में शूट किया गया था और बाकी लैंग्वेज में इस फिल्म को डॉप्ट किया गया और यहाँ पर म्यूज़िक दिया रवि बसूर ने और सॉन्ग्स को म्यूजिक दिया महानी शर्मा ने ये दोनों काफ़ी कमाल के जो कि म्यूजिशन है काफ़ी अच्छा म्यूजिक देते हैं जो कि महानी शर्मा भी कना लैंग्वेज के काफ़ी अच्छे म्यूज़िक देते हैं सॉन्ग्स वगैरह को भी और यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक में जो कि रवि बसूर म्यूज़िक दे रहे हैं और यहाँ पर जो कि प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वास्वी इंटरप्राइजेज और यहाँ पर उदय के मेहता प्रोडक्शन कंपनीज हैं और यहाँ पर आगे बात करें फिल्म के बारे में तो मार्टिन एक इंडिया एंड कनाडा लैंग्वेज अपकमिंग जो कि लैंग्वेज की फिल्म है जो कि एक्शन थ्रिलर वाली डायरेक्ट किया है इसको ए पी अर्जुन ने स्टोरी को राइट किया अर्जुन सरजा ने जो कि अर्जुन सरजा एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और यहाँ पर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जो कि उदय के मेहता ने तो यहाँ पर स्टार कास्ट में हमें देखने को मिला द्रुआ सरजा और यहाँ पर वैबिका संदीला अविनाश जैन सरकुठी वागले और यहाँ पर अच्योतन कुमार और यहाँ पर नितिन धीर हमें देखने को मिले हैं तो यहाँ पर जो कि इस फिल्म के बारे में बता दो फिल्म मोटोग्राफी है सत्या हैगर ने एडिट किया है इस फिल्म को के एम प्रकाश ने और यहाँ पर म्यूज़िक दिया रवि बसरू ने और सॉन्ग्स को म्यूज़िक दिया मानी शर्मा ने प्रोडक्शन कंपनी इस फिल्म की वासी जो कि वासी इंटरप्राइज़ और दैके महता प्रोडक्शन कंपनीज हैं और फिल्म को ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में यानी दो हज़ार चौबीस में इस फिल्म को फाइनली रिलीज़ करवाया जाने वाला है जी हाँ दोस्तों अब ये फ़ाइनली हिंदी में भी रिलीज़ हो रही है तो आप दोस्तों को बता दो चूँकि इस फिल्म को जब अनाउंस किया गया था ना इस फिल्म को जो कि लगभग काफ़ी टाइम पहले इस फिल्म को अनाउंस कर दिया गया था लगभग इस फिल्म को 2021 में इस को अनाउंस किया गया था जो कि इस फिल्म का उस टाइम पे नाम भी अनाउंस कर दिया गया था मार्टिन मूवी रखी जाने वाली थी जो कि इस फिल्म को सारा कुछ वहां पे अनाउंस किया गया था तो इस फिल्म की स्टोरी को जो कि रिविल्स थोड़ा बहुत कर दिया गया है क्योंकि जो ट्रेलर इस फिल्म का फास्ट टीज़र आउट किया गया था ना उसी में इस फिल्म की स्टोरी को दिखाया गया जो कि पाकिस्तान के कुछ सीन को दिखाया गया है जो कि जेल वाले सीन को और यहाँ पर कुछ आपको इंडिया के सीन्स भी देखने को मिल जाएंगे ब्लैक बार की डीलिंग को फिल्म के अंदर दिखाया गया है तो बात करें फिल्म की स्टोरी के बारे में जिस तरह का ट्रेलर आउट किया गया ना इस फिल्म के अंदर जो कि मार्टिन यानी ध्रुआ सज्जा एक अंडर कवर जो कि एजेंट देखने को मिलेंगे और वो यहाँ पर जो कि माफिया यानी ड्रग डीलर और यहाँ पर उनको कैसे पर उनका जो कि मार्केट ब्लैक मार्किट होती है ना उसको कैसे उनका पर्दाफाश करते हैं ये सारा को दिखाया गया है और वो पाकिस्तान में जेल जो कि पाकिस्तान की जेल में कैसे पहुँचते हैं और वहाँ से कैसे निकलते हैं ये सारा कुछ फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा और फिल्म के अंदर एक्शन सीन्स आपको नेक्स्ट लेवल देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर इस फ़िल्म के अंदर आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जैसे एक्शन के साथ साथ जो कि गाड़ियों वाले सीन जो कि चेसिंग वाले सीन्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं जिस तरह ट्रेलर के अंदर दिखाया या गया है ओवरऑल देखा जाए तो टीजर जो निकल के आया था काफ़ी एक्साइटेड था काफ़ी प्रॉमिसिंग था तो यहाँ पर जो कि ध्रुआ सज्जा का लुक भी और साथ ही ध्रुआ सज्जा की एक्टिंग भी नेक्स्ट लेवल देखने को मिली है तो यहाँ पर आगे थोड़ा सा बात कर लें कास्ट के बारे में तो यहाँ पर ध्रुआ सरजा जो कि इस फिल्म के अंदर जो कि अर्जुन का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर वैभिका संदीला हैं और यहाँ पर अविनाश जैन हैं श्रीकृति वागले हैं चिकन्ना है को किला है और मलवी का अविनाश है और सलम के अतर अच्युतन कुमार हैं जो कि एक अशोक का रोल प्ले करो यहाँ पर वो एक नेवी ऑफिसर हैं और यहाँ पर निक्तिन धीर हैं नवाब शाह हैं जो कि रोहित पठाक हैं और जो कि वो सोल्जर और का रोल प्ले करें जो कि पाकिस्तानी सोल्जर होते हैं और यहाँ पर न, नाथन जॉन्स हैं और यहाँ पर रोबिल मॉस्को हैं जो कि जो दोनों रेसलर हैं इस फिल्म के अंदर जो कि टीजर में दिखाया गया था जो कि मार्टिन यानी ध्रुआ सर जाए फिल्म के अंदर उनके साथ लड़ता हुआ दिखाई दिया है तो जिस तरह से दिखाया गया उनके जो कि लुक को और जिस तरह से दो, दो बड़े रेसलर के साथ उनको लड़वाया गया जिस तरह से उनकी जो कि ताकत को दिखाया गया कि मार्टिन कितना बड़ा जो कि एक योद्धा है और वो कितना बड़ा जो कि ताकतवर जो कि ऑफिसर है और कितना वो जो कि ताकत झेल सकता है ये सारा को दिखाया गया है तो टीज़र ओवरऑल काफ़ी अच्छा था तो फाइनली इस फिल्म की जो शूटिंग की बात करें तो इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह थी ना वो पूरी तरह से अब कंप्लीट हो चुकी है सॉन्ग्स वगैरह का भी थोड़ा बहुत काम रहता था अब फाइनली कंप्लीट हो चुका है और फिल्म की जो कि अब साउंड ट्रैकिंग वगैरह के ऊपर भी काम कम्प्लीट हो चुका है और बाकी फ़िल्म की जो कि पोस्ट प्रोडक्शन और एडिटिंग के ऊपर अभी काम चल रहा है और यहाँ पर रवि ने म्यूज़िक वगैरह दिया है जो बैकग्राउंड का और यहाँ पर मानी शर्मा ने जो कि फिल्म सॉन्ग के एल्बम वगैरह को जो कि सारा कुछ यहाँ पर काम किया हुआ है और यहाँ पर जो सॉन्ग वगैरह सारे वगैरह जो कि यहाँ पर ल्लारी म्यूज़िक और टी सीरीज के जो हिंदी राइट्स वगैरह को ख़रीदा हुआ है टी सीरीज ने जो कि सॉन्ग्स वगैरह को हिंदी वर्जन के जो भी हैं उन्होंने ख़रीदा हुआ है तो बाकी लैंग्वेज करना तमिल तेलुगु और मलयालम के लैंग्वेज में भी, भी सॉन्ग्स वगैरह हैं तो यहाँ पर बात करें मार्टिन मूवी की तो अब फाइनली फिल्म को जो शेड्यूल्ड किया गया था पहले दो हज़ार तेईस में फेबर में फिल्म को रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन उस टाइम पर फिल्म को जो कि शूटिंग वगैरह कंप्लीट ना होने की वजह से फिल्म को उस टाइम पर रिलीज़ नहीं करवाया गया और यहाँ पर ट्वेंटी थ्री फेब्ररी को इस का जो फर्स्ट टीज़र भी आउट किया गया था और यहाँ पर अभी तक सेवेंटी जो कि बिलियन व्यूज़ भी ले चुका है विद इन जो कि थ्री मंथ्स जो कि थ्री डेज़ के अंदर सेवेंटी मिलियन जो कि टीजर ने व्यूज़ हासिल किए थे और वो काफ़ी कमाल का जो कि रिकॉर्ड था और यहाँ पर बाकी फिल्म को वैसे तो कन्नाड़ा लैंग्वेज में शूट किया गया था बाकी जो कि इस फ़िल्म को डॉप्ट वर्जन में जो कि तमिल तेलगू मलयालम और हिंदी में भी फिल्म को जो कि डॉप्ट वग़ैरह भी किया गया है तो ये फाइनली जो कि फ़िल्म है जो मार्टिन हाँ इस फिल्म की जो सारा कुछ अब काम कंप्लीट हो चुका है बाकी पोस्ट प्रोडक्शन का काम रहता है और यहाँ पर एडिटिंग का काम थोड़ा बहुत रहता है तो ये फिल्म बहुत ही जल्द आपको इसी साल यानी दो में फाइनली देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर इस फिल्म का भी आप दोस्त अगर वेट कर रहे हो तो आप दोस्त कितना वेट करो कमनवास में बता सकते हो और साथ ही आप दोस्त यानी दुर्वा सज्जा के कि कितने बड़े फ़ैन हो उनकी मूवीज़ का कितना बेसब्री से वेट करते हो ये भी अपना कुमनवास में बता सकते हो क्योंकि दोस्तों जिस तरह से मार्टिन मूवी के लिए ऑडियंस एक्साइटेड है जिस तरह से मार्टिन मूवी बेसब्री से ऑडियंस वेट कर रही है ना माइंड ब्लोइंग क्योंकि जिस तरह से मार्टिन मूवी की हाइप बनी हुई है लेकिन अभी तक मार्टिन मूवी वाले ने अभी तक इस फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर भी नहीं रिलीज़ किया गया है और ना ही फिल्म का जो कि ऑफिशियली जो कि कोई भी फास्ट पोस्टर या कोई न्यू पोस्टर जो कि रिलीज़ नहीं करवाया जिससे पता हो कि इस फिल्म की जो रिलीज़ है ना वो कंफर्म कर दी जाए तो ये इतना कंफर्म हो चुका है ये फिल्म आपको इसी साल यानी 2024 में देखने को मिल जाएगी तो फाइनली ये फिल्म अब आपको इसी साल यानी 2024 में ही देखने को मिलेगी क्योंकि इस फिल्म की जो कि सारा कुछ रिलीज़ सारा कुछ कंप्लीट करवा लिया गया है क्योंकि इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह तो कंप्लीट हो चुकी है अब ये फ़िल्म इसी साल दो में देखने को मिल जाएगी और फिल्म का ट्रेलर भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा और फिल्म की जो ऑफिशियली रिलीज़ डेट है ना वो भी कन्फर्म कर दी जाएगी तो अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड हो मार्टिन मूज के लिए एक्साइटेड हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि जैसे इस फिल्म से रिलेटेड और भी अपडेट्स निकल के आते हैं तो इस चैनल पर मिल जाएंगी अपडेट्स से रह, अपडेटेड रहने के लिए आप लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी दबा सकते हो और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर सकते हो क्योंकि इस वीडियो में आपको मार्टिन मूज से रिलेटेड जो भी अपडेट्स मिली हैं ये आपको बाकी चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगी लेकिन जो भी न्यू अपडेट्स आएंगी जैसे ऑफिशियली रिलीज डेट कन्फर्म होती है तो वो भी इसी चैनल पर मिल जाएगी तो आप उसने लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है अपडेटेड रहना है और न्यू अपडेट्स के लिए लाजमी कर देना है क्योंकि मार्टिन मूवी में आपको द्रुआ सज्जा का लुक काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलेगा और आपको जिस तरह से फास्ट फिल्म का जो क्लिप्स देखने को मिला था ना म्यूज़िक सुनने को मिला था माइंड ब्लोइंग था और यहाँ पर मार्टिन यानी द्रुआ सज्जा की लुक भी काफ़ी आउटस्टैंडिंग थी साथ ही उनके बॉडी पर जो हमें इंडियन के टैटूज वगैरह भी देखने को मिले थे वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे तो अपडेट्स रहने के लिए आपने लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को भी लाइक करना है और जैसे इस उनकी ऑफिशियल रीज डेट कन्फर्म होती है वो भी इस चैनल पर अपडेट्स मिल जाए वेलकम बैक दी अनदर वीडियो तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो कि कन्नड़ा लैंग्वेज की फिल्म मार्टिन मोई के बारे में थोड़ा सा गला ख़राब है उसके लिए माइंड मत करना है यहाँ पर दोस्तों बात कर रहा हूँ मार्टिन मोई के बारे में जो कि एक कन्नाड़ा लैंग्वेज की फिल्म है और ये एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म है और इस को जो कि फाइनली अब रिलीज़ करवाया जाने वाला है हिंदी के अंदर भी और बाकी सारी साउथ लैंग्वेज में भी और फिल्म को जो कि पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करवाया जाएगा तो फाइनली अब यह फिल्म कहां पर देखने को मिलेगी और यह फिल्म हिंदी में कौन सी डेट को रिलीज हो रही है तो आप उसको बता दो में अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर कोई भी मूवी यानी मार्टिन मूवी को देखने के लिए आया तो आप आपको बता दो इस वीडियो के अंदर कोई भी मार्टिन मूवी आपको नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ मार्टिन मूवी के फैक्ट्स के बारे में बताया जाएगा और फिल्म की डिटेल्स के बारे में ऊपर बात की जीत की जाने वाले फिल्म के फैक्ट्स और यहां पर इस फिल्म के बारे में यह भी बताया जाएगा हिंदी में भी

लंबे अरसे से जो कि के, के लिए एक्साइटेड है कि फिल्म को डिले किया गया है फिल्म की शूटिंग की वजह से अब फाइनली फिल्म की शूटिंग भी कंप्लीट करवा ली गई है तो फाइनली आगे बात कर लेते हैं फिल्म के बारे में तो ये एक एक्शन थ्रिलर जोरा की फ़िल्म है और फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं ए बी अर्जुन तो यहाँ पर इन्होंने कौन कौन सी मूवीज़ पहले बना चुके हैं उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर वो भी आप उसको बता देता हूँ उन्होंने इससे पहले जो कि कौन कौन सी मूवी बनाई है तो यहाँ पर उन्होंने इससे पहले टू में फिल्म रिलीज़ हुई थी किस उस मूवी को बना चुके जो कि अभी रिलीज़ हिंदी में भी हो चुकी है हिंदी में भी काफ़ी अच्छा से को रिस्पॉन्स मिला है जो कि ये फाइनली आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी जिसके अंदर आपको कास्ट में देखने को मिले थी श्रीला साथी अपर् अपूर्वा और गौड़ा और यहाँ पर साथ ही विरात देखने को मिले थे तो ये फिल्म किस भी हिंदी के अंदर ऑफिशियली रिलीज़ करवा दी गई यूट्यूब के ऊपर अगर आप दोस्त देखना चाहते हैं कि रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वाली फिल्म है इस फिल्म को भी देख सकते हो तो यहाँ पर आप मार्टिन मूवी को अब डायरेक्ट कर चुके हैं अधूरी मूवी थी और यहाँ पर मिस्टर अरवाटा फिल्म थी और भी काफ़ी सारी मूवीज़ को डायरेक्ट कर चुके हैं तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करें फिल्म यानी मार्टिन मूवी के बारे में तो फिल्म को डायरेक्ट किया है पी अर्जुन ने और इस फिल्म को जो कि एडिट किया हुआ है के एम प्रकाश ने और फिल्म को लैंग्वेज जो कि कड़ा में शूट किया गया था और बाकी लैंग्वेज में इस फिल्म को डॉप्ट किया गया है और यहाँ पर म्यूजिक दिया रवि बसूर ने और सॉन्ग्स को म्यूजिक दिया महानी शर्मा ने ये दोनों काफ़ी कमाल के जो कि म्यूजिशन है काफ़ी अच्छा म्यूजिक देते हैं जो कि महानी शर्मा भी कन्ना लैंग्वेज के काफ़ी अच्छे म्यूजिक देते हैं सॉन्ग्स वगैरह को भी और यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक में जो कि रवि बसूर म्यूजिक दे रहे हैं और यहाँ पर जो कि प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वास्वी इंटरप्राइजेज और यहाँ पर यू उदय के मेहता प्रोडक्शन कंपनीज हैं और यहाँ पर आगे बात करें फिल्म के बारे में तो मार्टिन एक इंडियन कनाडा लैंग्वेज अपकमिंग जो कि लैंग्वेज की फिल्म है जो कि एक्शन थ्रिलर वाली डायरेक्ट किया है ए पी अर्जुन ने स्टोरी को राइट किया अर्जुन सरजा ने जो कि अर्जुन सरजा एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और यहाँ पर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जो कि उदय के मेहता ने तो यहाँ पर स्टार कास्ट में हमें देखने को मिले द्रुआ सरजा और यहाँ पर वैबिका संदीला अविनाश जैन सरकुठी वागले और यहाँ पर अच्योतन कुमार और यहाँ पर नितिन धीर हमें देखने को मिले हैं तो यहाँ पर जो कि इस फिल्म के बारे में बता दो फिल्म मोटोग्राफी की है सत्या हैगर ने एडिट किया है फिल्म को के एम प्रकाश ने और यहाँ पर म्यूज़िक दिया रवि बसरू ने और सॉन्ग्स को म्यूज़िक दिया मानी शर्मा ने प्रोडक्शन कंपनी इस फ़िल्म की वासी जो कि वासी इंटरप्राइजेज़ और दैके महता प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं और फ़िल्म को ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में यानी दो हज़ार चौबीस में इस फिल्म को फाइनली रिलीज़ करवाया जाने वाला है जी हाँ दोस्तों अब ये फ़ाइनली हिंदी में भी रिलीज़ हो रही है तो आप दोस्तों को बता दो चूँकि इस फिल्म को जब अनाउंस किया गया था ना इस फिल्म को जो कि लगभग काफ़ी टाइम पहले इस फिल्म को अनाउंस कर दिया गया था लगभग इस फिल्म को 2021 में इस फिल्म को अनाउंस किया गया था जो कि इस फिल्म का उस टाइम पे नाम भी अनाउंस कर दिया गया था मार्टिन मूवी रखी जाने वाली थी जो कि इस फिल्म को सारा कुछ वहां पे अनाउंस किया गया था तो इस फिल्म की स्टोरी को जो कि रिविल्स थोड़ा बहुत कर दिया गया है क्योंकि इस फिल्म के जो ट्रेलर इस फिल्म का फास्ट टीज़र आउट किया गया था ना उसी में इस फिल्म की स्टोरी को दिखाया गया जो कि पाकिस्तान के कुछ सीन को दिखाया गया है जो कि जेल वाले सीन को और यहाँ पर कुछ आपको इंडिया के सीन्स भी देखने को मिल जाएंगे डीलिंग को फिल्म के अंदर दिखाया गया है तो बात करें करेंटोरी के बारे में जिस तरह इस का ट्रेलर आउट किया गया ना इस के अंदर जो कि मार्टिन ध्रुआ सज्जा एक अंडर कवर जो एजेंट देखने को मिलेंगे और वो यहां पर जो कि माफिया यानी ड्रग डीलर और यहाँ पर उनको कैसे प, उनका जो कि मार्केट ब्लैक मार्किटो हो, होती है ना उसको कैसे उनका पर्दाफाश करते हैं ये सारा कुछ दिखाया गया है और वो पाकिस्तान में जेल जो कि पाकिस्तान की जेल में कैसे पहुँचते हैं और वहाँ से कैसे निकलते हैं ये सारा कुछ फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा और फिल्म के अंदर एक्शन सीन्स आपको नेक्स्ट लेवल देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर इस फ़िल्म के अंदर आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जैसे एक्शन के साथ साथ जो कि गाड़ियों वाले सीन जो कि चेसिंग वाले सीन्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं जिस तरह ट्रेलर के अंदर दिखाया आया गया है ओवरऑल देखा जाए तो टीजर जो निकल के आया था काफी एक्साइटेड था काफी प्रोमिसिंग था तो यहाँ पर जो कि दुर्वा सज्जा का लुक भी और साथ ही दुर्वा सज्जा की एक्टिंग भी नेक्स्ट लेवल देखने को मिली है तो यहाँ पर आगे थोड़ा सा बात कर लें कास्ट के बारे में तो यहाँ पर द्रुआ सरजा जो कि इस फ़िल्म के अंदर जो कि अर्जुन का रोल प्ले कर करें और यहाँ पर वैभिका संदीला हैं और यहाँ पर अविनाश जैन है शुरुकृति वागले है चिकन्ना है साधु को किला है और मलवी का अविनाश है और फिल्म के अंदर अच्युतन कुमार हैं जो कि एक अशोक का रोल प्ले कर और यहाँ पर वो एक नेवी ऑफिसर हैं और यहाँ पर निक्तिन धीर हैं नवाब शाह हैं जो कि रोहित पठाक हैं और जो कि वो सोल्जर का रोल प्ले करें जो कि पाकिस्तानी सोल्जर होते हैं और यहाँ पर नाथन जॉन्स हैं और यहाँ पर रोबिल मॉस्को हैं जो कि जो दोनों रेसलर हैं फिल्म के अंदर जो कि टीजर में दिखाया गया था जो कि मार्टिन यानी ध्रुआ सर जाए इस फिल्म के अंदर उनके साथ लड़ता हुआ दिखाई दिया है तो जिस तरह से दिखाया गया उनके जो कि लुक को और जिस तरह से दोन दो बड़े रेसलर के साथ उनको लड़वाया गया जिस तरह से उनकी जो कि ताकत को दिखाया गया कि मार्टिन कितना बड़ा जो कि एक योद्धा है और वो कितना बड़ा जो कि ताकतरवर जो कि ऑफिसर है और कितना वो जो कि ताकत झेल सकता है ये सारा को दिखाया गया है तो टीज़र ओवरऑल काफ़ी अच्छा था तो फाइनली इस फिल्म की जो शूटिंग की बात करें तो इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह थी ना वो पूरी तरह से अब कंप्लीट हो चुकी है सॉन्ग्स वगैरह का भी थोड़ा बहुत काम रहता था अब फाइनली कंप्लीट हो चुका है और फिल्म की जो कि अब साउंड ट्रैकिंग वगैरह के ऊपर भी काम कम्प्लीट हो चुका है और बाकी फिल्म की जो कि पोस्ट प्रोडक्शन और एडिटिंग के ऊपर अभी काम चल रहा है और यहाँ पर अभी बसूर ने म्यूज़िक वगैरह दिया है जो बैकग्राउंड का और यहाँ पर मानी शर्मा ने जो कि फिल्म सॉन्ग के एल्बम वगैरह को जो कि सारा कुछ यहाँ पर काम किया हुआ है और यहाँ पर जो वगैरह सारे वगैरह जो कि यहाँ पर ल्लारी म्यूज़िक और टी सीरीज के जो हिंदी राइट्स वगैरह को ख़रीदा हुआ है टी सीरी ने जो कि सॉन्ग्स वगैरह को हिंदी वर्जन के जो भी हैं उन्होंने ख़रीदा हुआ है तो बाकी लैंग्वेज करना तमिल तेलगू और मलयालम के लैंग्वेज में भी, भी सॉन्ग्स वगैरह हैं तो यहाँ पर बात करें मार्टिन मूवी की तो अब फाइनली फिल्म को जो शेड्यूल्ड किया गया था पहले दो हज़ार तेईस में फेबर में फिल्म को रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन उस टाइम पर फिल्म को जो कि शूटिंग वगैरह कम्प्लीट ना होने की वजह से फिल्म को उस टाइम पर रिलीज़ नहीं करवाया गया और यहाँ पर ट्वेंटी थ्री फेब्ररी को का जो फर्स्ट टीजर भी आउट किया गया था और यहाँ पर अभी तक सेवेंटी जो कि मिलियन व्यूज भी ले चुका है विद इन जो कि थ्री मंथ्स जो कि थ्री डेज के अंदर सेवेंटी मिलियन जो कि टीजर ने व्यूज़ हासिल किए थे और वो काफ़ी कमाल का जो कि रिकॉर्ड था और यहाँ पर बाकी फिल्म को वैसे तो कन्नाडा लैंग्वेज में शूट किया गया था बाकी जो कि फिल्म को डब्ड वर्जन में जो कि तमिल तेलगू मलयालम और हिंदी में भी फिल्म को जो कि डब्ड वगैरह भी किया गया है तो ये फाइनली जो कि फ़िल्म है जो मार्टिन हाँ इस फिल्म की जो सारा कुछ अब काम कंप्लीट हो चुका है बाकी पोस्ट प्रोडक्शन का काम रहता है और यहाँ पर एडिटिंग का काम थोड़ा बहुत रहता है तो ये फिल्म बहुत ही जल्द आपको इसी साल यानी 2024 में फाइनली देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर इस फिल्म का भी आप दोस्त अगर वेट कर रहे हो तो आप दोस्त कितना वेट करो कमनवास में बता सकते हो और साथ ही आप दोस्त यानी द्रुआ सज्जा के कि कितने बड़े फ़ैन हो उनकी मूवीज़ का कितना बेसब्री से वेट करते हो ये भी अपना कुमनवास में बता सकते हो क्योंकि दोस्तों जिस तरह से मार्टिन मूवी के लिए ऑडियंस एक्साइटेड है जिस तरह से मार्टिन मूवी बेसब्री से ऑडियंस वेट कर रही है ना माइंड ब्लोइंग क्योंकि जिस तरह से मार्टिन मूवी की हाइप बनी हुई है लेकिन अभी तक मार्टिन मूवी वाले ने अभी तक इस फिल्म का ऑफिशियली ट्रेलर भी नहीं रिलीज़ किया गया है और ना ही फिल्म का जो कि ऑफिशियली जो कि कोई भी फास्ट पोस्टर या कोई न्यू पोस्टर जो कि रिलीज़ नहीं करवाया जिससे पता हो कि इस फिल्म की जो रिलीज़ है ना वो कंफर्म कर दी जाए तो ये इतना कंफर्म हो चुका है ये फिल्म आपको इसी साल यानी 2024 में देखने को मिल जाएगी तो फाइनली ये फिल्म अब आपको इसी साल यानी 2024 में ही देखने को मिलेगी क्योंकि इस फिल्म की जो कि सारा कुछ रिलीज़ सारा कुछ कंप्लीट करवा लिया गया है क्योंकि इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह तो कंप्लीट हो चुकी है अब ये फिल्म इसी साल दो में देखने को मिल जाएगी और फिल्म का ट्रेलर भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा और फिल्म की जो ऑफिशियली रिलीज़ डेट है ना वो भी कन्फर्म कर दी जाएगी तो अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड हो मार्टिन मूल के लिए एक्साइटेड हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि जैसे इस फिल्म से रिलेटेड और भी अपडेट्स निकल के आती हैं तो इस चैनल पर मिल जाएंगी अपडेट्स रह, अपडेटेड रहने के लिए आप लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी दबा सकते हो और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर सकते हो क्योंकि इस वीडियो में आपको मार्टिंग न्यूज रिलेटेड जो भी अपडेट्स मिली हैं ये आपको आ, बाकी चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगी लेकिन जो भी न्यू अपडेट्स आएंगी जैसे ऑफिशियली रिलीज़ डेट कन्फर्म होती है तो वो भी इसी चैनल पर मिल जाएगी तो आप उसने लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है अपडेटेड रहना है और न्यू अपडेट्स के लिए लाजमी कर देना है क्योंकि मार्टिन मूवी में आपको द्रुआ सज्जा का लुक काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलेगा और आपको जिस तरह से फास्ट इस फिल्म का जो कि क्लिप्स देखने को मिला था ना म्यूजिक सुनने को मिला था माइंड ब्लोइंग था और यहाँ पर मार्टिन यानी ध्रुआ सज्जा की लुक भी काफ़ी आउटस्टैंडिंग थी साथ ही उनके बॉडी पर जो हमें इंडियन के टैटूज वगैरह भी देखने को मिले थे वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे तो अपडेट्स रहने के लिए आपने लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को भी लाइक करना है और जैसे इसकी ऑस्ट्रेलियम होती है वो भी इस चैनल पर अपडेट्स मिल जाए वेलकम बैक दी अनदर वीडियो तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो कि कन्नड़ा लैंग्वेज की फिल्म मार्टिन मोई के बारे में थोड़ा सा गला ख़राब है उसके लिए माइंड मत करना है यहाँ पर दोस्तों बात कर रहा हूँ मार्टिन मोई के बारे में जो कि एक कन्नड़ा लैंग्वेज की फिल्म है और ये एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म है और को जो कि फाइनली अब रिलीज़ करवाया जाने वाला है हिंदी के अंदर भी और बाकी सारी साउथ लैंग्वेज में भी और फिल्म को जो कि पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करवाया जाएगा तो फाइनली अब यह फिल्म कहां पर देखने को मिलेगी और यह फिल्म हिंदी में कौन सी डेट को रिलीज हो रही है तो आप आप दोस्त बता दो में अगर दो इस वीडियो के अंदर कोई भी मूवी यानी मार्टिन मूवी को देखने के लिए आया तो आप आपको बता दो इस वीडियो के अंदर कोई भी मार्टिन मूवी आपको नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ मार्टिन मूवी के अननाउन फैक्ट्स के बारे में बताया जाएगा और के डिटेल्स के बारे में ऊपर बात की जीत की जाने वाली फिल्म के अननाउन फैक्ट्स और यहां पर इस फिल्म के बारे में यह भी बताया जाएगा कि इस फिल्म को हिंदी में भी और कौन सी डेट को रिलीज करवाया जाने वाला है तो अगर आप दूसरे को भी कन्नड़ा ध्रुआ सरजा पुगारू जैसी ब्लॉक बस्टर मूवीज दे चुके हैं जिससे उनकी हिंदी में भी काफी अच्छी फैन बेस बन चुकी है जिस तरह से मार्टिन मूवी को जब अनाउंस किया गया था तो ऑडियंस उसी टाइम से फिल्म का बेसब्री से वेट कर रही है फिल्म के लिए एक्साइटेड है और फिल्म का काफी जो कि लंबे अरसे से जो के, के लिए एक्साइटेड है चूँकि को डिले किया गया है फिल्म की शूटिंग की वजह से अब फाइनली फिल्म की शूटिंग भी कम्प्लीट करवा ली गई है तो फाइनली आगे बात कर लेते हैं फिल्म के बारे में तो ये एक एक्शन थ्रिलर जोना की फिल्म है और फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं ए बी अर्जुन तो यहाँ पर इन्होंने कौन कौन सी मूवीज़ पहले बना चुके हैं उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर वो भी आप आपको बता देता हूँ उन्होंने इससे पहले जो कि कौन कौन सी मूवी बनाई है तो यहाँ पर उन्होंने इससे पहले तो टू में फिल्म रिलीज़ हुई थी किस उस मूवी को बना चुके है जो कि अभी रिलीज़ हिंदी में भी हो चुकी है हिंदी में भी काफ़ी अच्छा से को रिस्पॉन्स मिला है जो कि ये फ़ाइनली आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी जिसके अंदर आपको कास्ट में देखने को मिले थी श्रीला साथ ही अपूर्वा अपर्वा और गौड़ा और यहाँ पर साथ ही विरात देखने को मिले थे तो ये फिल्म किस भी हिंदी के अंदर ऑफिशियली रिलीज़ करवा दी गई यूट्यूब के ऊपर अगर आप दोस्त देखना चाहते कि रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वाली फिल्म है इस फिल्म को भी देख सकते हो तो यहाँ पर आप मार्टिन मूवी को अब डायरेक्ट कर चुके हैं अधूरी मूवी थी और यहाँ पर मिस्टर अरवाटा फिल्म थी और भी काफ़ी सारी मूवीज़ को डायरेक्ट कर चुके हैं तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करें इस फिल्म यानी मार्टिन मूवी के बारे में तो फिल्म को डायरेक्ट किया है पी अर्जुन ने और इस फिल्म को जो कि एडिट किया हुआ है के एम प्रकाश ने और फिल्म को लैंग्वेज जो कि कड़ा में शूट किया गया था और बाकी लैंग्वेज में फिल्म को अडॉप्ट किया गया है और यहाँ पर म्यूज़िक दिया रवि बसूर ने और सॉन्ग्स को म्यूजिक दिया महानी शर्मा ने ये दोनों काफ़ी कमाल के जो कि म्यूजिशन है काफ़ी अच्छा म्यूज़िक देते हैं जो कि महानी शर्मा भी कना लैंग्वेज के काफ़ी अच्छे म्यूजिक के देते हैं सॉन्ग्स वगैरह को भी और यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूज़िक में जो कि रवि बसूर म्यूजिक दे रहे हैं और यहाँ पर जो कि प्रोडक्शन कंपनीज हैं वास्वी इंटरप्राइजेज और यहाँ पर उदय के मेहता प्रोडक्शन कंपनीज हैं और यहाँ पर आगे बात करें फिल्म के बारे में तो मार्टिन एक इंडियन कनाड़ा लैंग्वेज अपकमिंग जो कि लैंग्वेज की फिल्म है जो कि एक्शन थ्रिलर वाले डायरेक्ट किया है सिंह को ए पी अर्जुन ने स्टोरी को राइट किया अर्जुन सरजा ने जो कि अर्जुन सरजा एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और यहाँ पर फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जो कि उदय के मेहता ने तो यहाँ पर स्टारकास्ट में हमें देखने को मिले ध्रुआ सरजा और यहाँ पर वैबिका संदीला अविनाश जैन सरकुठी वागले और यहाँ पर अच्योतन कुमार और यहाँ पर नितिन धीर हमें देखने को मिले हैं तो यहाँ पर जो कि इस फिल्म के बारे में बता दो फिल्म आटोग्राफी किया है, सत्या हैगर ने एडिट किया है इस फिल्म को के एम प्रकाश ने और यहाँ पर म्यूज़िक दिया रवि बसरू ने और सॉन्ग्स को म्यूज़िक दिया मानी शर्मा ने प्रोडक्शन कंपनी इस फ़िल्म की वासी जो कि वासी इंटरप्राइज़ और द के मेहता प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं और फिल्म को ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में यानी दो हज़ार चौबीस में इस फिल्म को फाइनली रिलीज़ करवाया जाने वाला है जी हाँ दोस्तों अब ये फाइनली हिंदी में भी रिलीज़ हो रही है तो आप दोस्तों को बता दो चुके इस फिल्म को जब अनाउंस किया गया था ना इस फिल्म को जो कि लगभग काफ़ी टाइम पहले इस फिल्म को अनाउंस कर दिया गया था लगभग इस फिल्म को 2021 में इस फिल्म को अनाउंस किया गया था जो कि इस फ़िल्म का उस टाइम पे नाम भी अनाउंस कर दिया गया था मार्टिन मूवी रखी जाने वाली थी जो कि इस फिल्म को सारा कुछ वहां पे अनाउंस किया गया था तो इस फिल्म की स्टोरी को जो कि रिविल्स थोड़ा बहुत कर दिया गया है क्योंकि इस फिल्म के जो ट्रेलर इस फिल्म का फास्ट टीज़र आउट किया गया था ना उसी में इस फिल्म की स्टोरी को दिखाया गया जो कि पाकिस्तान के कुछ सीन को दिखाया गया है जो कि जेल वाले सीन को और यहाँ पर कुछ आपको इंडिया के सीन्स भी देखने को मिल जाएंगे ब्लैक डीलिंग को फिल्म के अंदर दिखाया गया है तो बात करें की स्टोरी के बारे में जिस तरह इस का ट्रेलर आउट किया गया ना इस फिल्म के अंदर जो कि मार्टिन यानी सरजा एक अंडर कवर जो एजेंट देखने को मिलेंगे और वो यहां पर जो कि माफिया यानी ड्रग डीलर और यहाँ पर उनको कैसे पर उनका जो के मार्केट ब्लैक मार्किट होती है ना उसको कैसे उनका पर्दाफाश करते हैं ये सारा को दिखाया गया है और वो पाकिस्तान में जेल जो कि पाकिस्तान की जेल में कैसे पहुँचते हैं और वहाँ से कैसे निकलते हैं ये सारा कुछ फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा और फिल्म के अंदर एक्शन सीन्स आपको नेक्स्ट लेवल देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर इस फ़िल्म के अंदर आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जैसे एक्शन के साथ साथ जो कि गाड़ियों वाले सीन जो कि चेसिंग वाले सीन्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं जिस तरह ट्रेलर के अंदर दिखाया या गया है ओवरऑल देखा जाए तो टीज़र जो निकल के आया था काफ़ी एक्साइटेड था काफ़ी प्रॉमिसिंग था तो यहाँ पर जो कि द्रुआ सज्जा का लुक भी और साथ ही ध्रुआ सज्जा की एक्टिंग भी नेक्स्ट लेवल देखने को मिली है तो यहाँ पर आगे थोड़ा सा बात कर लें कास्ट के बारे में तो यहाँ पर ध्रुआ सजा जो कि इस फिल्म के अंदर जो कि अर्जुन का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर वैभिका संदीला हैं और यहाँ पर अविनाश जैन हैं श्रुकृति वागले हैं चिकन्ना है सदु को किला है और मलवी का अविनाश है और के अतर अच्युतन कुमार हैं जो कि एक अशोक का रोल प्ले कर और यहाँ पर वो एक नेवी ऑफिसर हैं और यहाँ पर नितिन धीरे हैं नवाब शाह हैं जो कि रोहित पठाक हैं और जो कि वो सोल्जर का रोल प्ले करें जो कि पाकिस्तानी सोल्जर होते हैं और यहाँ पर नाथन जॉन्स हैं और यहाँ पर रोबिल मॉस्को हैं जो कि जो दोनों रेसलर हैं इस फिल्म के अंदर जो कि टीजर में दिखाया गया था जो कि मार्टिन यानी ध्रुआ सर जाए फिल्म के अंदर उनके साथ लड़ता हुआ दिखाई दिया है तो जिस तरह से दिखाया गया उनके जो कि लुक को और जिस तरह से दो बड़े रेसलर के साथ उनको लड़वाया गया जिस तरह से उनकी जो कि ताकत को दिखाया गया कि मार्टिन कितना बड़ा जो कि एक योद्धा है और कितना बड़ा जो कि ताकतवर जो कि ऑफिसर है और कितना वो जो कि ताकत झेल सकता है ये सारा को दिखाया गया है तो टीज़र ओवरऑल काफ़ी अच्छा था तो फाइनली इस फिल्म की जो शूटिंग की बात करें तो इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह थी ना वो पूरी तरह से अब कंप्लीट हो चुकी है सॉन्ग्स वगैरह का भी थोड़ा बहुत काम रहता था अब फाइनली कंप्लीट हो चुका है और फिल्म की जो कि अब साउंड ट्रैकिंग वगैरह के ऊपर भी काम कम्प्लीट हो चुका है और बाकी फ़िल्म की जो कि पोर्ट पोस्ट प्रोडक्शन और एडिटिंग के ऊपर अभी काम चल रहा है और यहाँ पर रवि बसरू ने म्यूज़िक वगैरह दिया जो बैकग्राउंड का और यहाँ पर मानी शर्मा ने जो कि फिल्म सॉन्ग के एल्बम वगैरह को जो कि सारा कुछ यहाँ पर काम किया हुआ है और यहाँ पर जो सॉन्ग ट्रिंग वगैरह सारे वगैरह जो कि यहाँ पर लारी म्यूजिक और टी सीरीज़ के जो हिंदी राइट्स वगैरह को खरीदा हुआ है टी सीरीज ने जो कि सॉन्ग्स वगैरह को हिंदी वर्जन के जो भी हैं उन्होंने ख़रीदा हुआ है तो बाकी लैंग्वेज करना तमिल तेलुगु और मलयालम के लैंग्वेज में भी, भी सॉन्ग्स वगैरह हैं तो यहाँ पर बात करें मार्टिन मूवी की तो अब फाइनली फिल्म को जो शेड्यूल्ड किया गया था पहले दो में फेबर में इस फिल्म को रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन उस टाइम पर फिल्म को जो कि शूटिंग वगैरह कम्प्लीट ना होने की वजह से फिल्म को उस टाइम पर रिलीज़ नहीं करवाया गया और यहाँ पर ट्वेंटी थ्री फेब्ररी को का जो फर्स्ट टीज़र भी आउट किया गया था और यहाँ पर अभी तक सेवेंटी जो कि बिलियन व्यूज़ भी ले चुका है विद इन जो कि थ्री मंथ्स जो कि थ्री डेज के अंदर सेवेंटी मिलियन जो कि टीजर ने व्यूज़ हासिल किए थे और वो काफ़ी कमाल का जो कि रिकॉर्ड था और यहाँ पर बाकी फिल्म को वैसे तो कन्नाड़ा लैंग्वेज में शूट किया गया था बाकी जो कि इस फिल्म को डॉप्ट वर्जन में जो कि तमिल तेलगू मलयालम और हिंदी में भी फिल्म को जो कि डॉप्ट वगैरह भी किया गया है तो ये फाइनली जो कि फ़िल्म है जो मार्टिन हाँ इस फिल्म की जो सारा कुछ अब काम कंप्लीट हो चुका है बाकी पोस्ट प्रोडक्शन का काम रहता है और यहाँ पर एडिटिंग का काम थोड़ा बहुत रहता है तो ये फिल्म बहुत ही जल्द आपको इसी साल यानी दो में फाइनली देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर इस फिल्म का भी आप दोस्त अगर वेट कर रहे हो तो आप दोस्त कितना वेट करो कमवास में बता सकते हो और साथ ही आप दोस्त यानी दुर्वा सज्जा के कि कितने बड़े फ़ैन हो उनकी मूवीज़ का कितना बेसब्री से वेट करते हो ये भी अपना कुमनवास में बता सकते हो क्योंकि दोस्तों जिस तरह से मार्टिन मूवी के लिए ऑडियंस एक्साइटेड है जिस तरह से मार्टिन मूवी का बेसब्री से ऑडियंस वेट कर रही है ना माइंड ब्लोइंग क्योंकि जिस तरह से मार्टिन मूवी की हाइप बनी हुई है लेकिन अभी तक मार्टिन मूवी वाले ने अभी तक इस फिल्म का ऑफिशियली ट्रेलर भी नहीं रिलीज़ किया गया है और ना ही फिल्म का जो कि ऑफिशियली जो कि कोई भी फास्ट पोस्टर या कोई न्यू पोस्टर जो कि रिलीज़ नहीं करवाया जिससे पता हो कि इस फिल्म की जो रिलीज़ है ना वो कंफर्म कर दी जाए तो ये इतना कंफर्म हो चुका है ये फिल्म आपको इसी साल यानी 2024 में देखने को मिल जाएगी तो फाइनली ये फिल्म अब आपको इसी साल यानी 2024 में ही देखने को मिलेगी क्योंकि इस फिल्म की जो कि सारा कुछ रिलीज़ सारा कुछ कंप्लीट करवा लिया गया है क्योंकि इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह तो कंप्लीट हो चुकी है अब ये फिल्म इसी साल दो में देखने को मिल जाएगी और फिल्म का ट्रेलर भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा और फिल्म की जो ऑफिशियली रिलीज डेट है ना वो भी कन्फर्म कर दी जाएगी तो अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड हो मार्टिन मूल के लिए एक्साइटेड हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि जैसे ही फिल्म से रिलेटेड और भी अपडेट्स निकल के आते हैं तो इस चैनल पर मिल जाएंगी अपडेट्स अपडेट रह, रहने के लिए आप लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी दबा सकते हो और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर सकते हो क्योंकि इस वीडियो में आपको मार्टिंग न्यूज रिलेटेड जो भी अपडेट्स मिली हैं ये आपको आ, बाकी चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगी लेकिन जो भी न्यू अपडेट्स आएंगी जैसे ऑफिशियली रिलीज डेट कन्फर्म होती है तो वो भी इस चैनल पर मिल जाएगी तो आप उसने लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है अपडेटेड रहना है और न्यू अपडेट्स के लिए लाजमी कर देना है क्योंकि मार्टिन मूवी में आपको द्रुआ सज्जा का लुक काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलेगा और आपको जिस तरह से फास्ट फिल्म का जो कि क्लिप्स देखने को मिला था ना म्यूजिक सुनने को मिला था माइंड ब्लोइंग था और यहाँ पर मार्टिन यानी द्रुवा सज्जा की लुक भी काफी आउटस्टैंडिंग थी साथ ही उनके बॉडी पर जो हमें इंडियन के टैटूज वगैरह भी देखने को मिले थे वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे तो अपडेट्स रहने के लिए आपने लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को भी लाइक करना है और जैसे इसकी ऑफिशल रिलीज डेट कन्फर्म होती है वो भी इस चैनल पर अपडेट्स मिल जाए वेलकम बैक दी अनदर वीडियो तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो कि कन्नड़ा लैंग्वेज की फिल्म मार्टिन मोई के बारे में थोड़ा सा गला ख़राब है उसके लिए माइंड मत करना है यहाँ पर दोस्तों बात कर रहा हूँ मार्टिन मोई के बारे में जो कि एक कन्नड़ा लैंग्वेज की फिल्म है और ये एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म है और को जो कि फाइनली अब रिलीज़ करवाया जाने वाला है हिंदी के अंदर भी और बाकी सारी साउथ लैंग्वेज में भी और फिल्म को जो कि पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ करवाया जाएगा तो फाइनली अब ये फ़िल्म कहाँ पर देखने को मिलेगी और ये फिल्म हिंदी में कौन सी डेट को रिलीज़ हो रही है तो आप आपको बता दो डिस् में अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर कोई भी मूवी यानी मार्टिन मूवी को देखने के लिए आया तो आप उसको बता दो इस वीडियो के अंदर कोई भी मार्टिन मूवी आपको नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ मार्टिन मूवी के अननाउंड फैक्ट्स के बारे में बताया जाएगा और फिल्म के डिटेल्स के बारे में ऊपर बात की जीत की जाने वाले फिल्म के अननाउन फैक्ट्स और यहाँ पर इस फिल्म के बारे में यह भी बताया जाएगा कि इस फिल्म को हिंदी में भी काफ़ी और कौन सी डेट को रिलीज करवाया जाने वाला है तो अगर तो एक 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 थ्रिलर वाली फिल्म है इससे पहले जो कि द्रुआ सरजा पुगारू जैसी ब्लॉक बस्टर मूवीज दे चुके हैं जिससे उनकी हिंदी में भी काफी अच्छी फैन बेस बन चुकी है जिस तरह से मार्टिन मूवी को जब अनाउंस किया गया था ऑडियंस उसी टाइम से बेसब्री से वेट कर रही है फिल्म के लिए एक्साइटेड है और फिल्म का काफी जो कि लम्बे अरसों से जो कि फिल्म के इस लिए एक्साइटेड है जो चूँकि फिल्म को डिले किया गया है फिल्म की शूटिंग की वजह से अब फाइनली फिल्म की शूटिंग भी कंप्लीट करवा ली गई है तो फाइनली आगे बात कर लेते हैं फिल्म के बारे में तो ये एक एक्शन थ्रिलर जोना की फिल्म है और फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं ए अर्जुन तो यहाँ पर इन्होंने कौन कौन सी मूवीज़ पहले बना चुके हैं उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर वो भी आप उसको बता देता हूँ उन्होंने इससे पहले जो कि कौन कौन सी मूवी बनाई है तो यहाँ पर उन्होंने इससे पहले टू में फ़िल्म रिलीज़ हुई थी किस उस मूवी को बना चुके हैं जो कि अभी रिलीज़ हिंदी में भी हो चुकी है हिंदी में भी काफ़ी अच्छा से को रिस्पॉन्स मिला है जो कि ये फाइनली आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी जिसके अंदर आपको कास्ट में देखने को मिले थी श्रीला साथ ही अपर्ला अपर्वा और गौड़ा और यहाँ पर साथ ही विरात देखने को मिले थे तो ये फिल्म किस भी हिंदी के अंदर ऑफिशियली रिलीज़ करवा दी गई यूट्यूब के ऊपर अगर आप दोस्त देखना चाहोते कि रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वाली फिल्म है इस फिल्म को भी देख सकते हो तो यहाँ पर आप मार्टिन मूवी को अब ड्रैक्ट कर चुके हैं अधूरी मूवी थी और यहाँ पर मिस्टर अरवाटा फिल्म थी और भी काफ़ी सारी मूवीज़ को ड्रैक्ट कर चुके हैं तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करें फिल्म यानी मार्टिन मूवी के बारे में तो फिल्म को डायरेक्ट किया है पी अर्जुन ने और इस फिल्म को जो कि एडिट किया हुआ है के एम प्रकाश ने और इस फिल्म को लैंग्वेज जो कि कड़ा में शूट किया गया था और बाकी लैंग्वेज में इस फिल्म को डॉप्ट किया गया और यहाँ पर म्यूजिक दिया रवि बसूर ने और सॉन्ग्स को म्यूजिक दिया महानी शर्मा ने ये दोनों काफ़ी कमाल के जो कि म्यूजिशन है काफ़ी अच्छा म्यूजिक देते, है देते हैं जो कि महानी शर्मा भी कना लैंग्वेज के काफ़ी अच्छे म्यूजिक देते हैं सॉन्ग्स वगैरह को भी और यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक में जो कि रवि बसूर म्यूजिक दे रहे हैं और यहाँ पर जो कि प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वास्वी इंटरप्राइजेज और यहाँ पर उदय के मेहता प्रोडक्शन कंपनीज हैं और यहाँ पर आगे बात करें फिल्म के बारे में तो मार्टिन एक इंडिया एंड कनाडा लैंग्वेज अपकमिंग जो कि लैंग्वेज की फिल्म है जो कि एक्शन थ्रिलर वाली डायरेक्ट किया है उनको ए पी अर्जुन ने स्टोरी को राइट किया अर्जुन सरजा ने जो कि अर्जुन सरजा एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और यहाँ पर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जो कि उदय के मेहता ने तो यहाँ पर स्टार कास्ट में हमें देखने को मिला ध्रुवा सरजा और यहाँ पर वैबिका संधीला अविनाश जैन सरकुठी वागले और यहाँ पर अच्योतन कुमार और यहाँ पर नितिन धीर हमें देखने को मिले हैं तो यहाँ पर जो कि इस फिल्म के बारे में बता दो फिल्म मोटोग्राफी किया है सत्या हैगर ने एडिट किया है इस फिल्म को के एम प्रकाश ने और यहाँ पर म्यूज़िक दिया रवि बसरू ने और सॉन्ग्स को म्यूज़िक दिया मानी शर्मा ने प्रोडक्शन कंपनी इस फिल्म की वासी जो कि वासी इंटरप्राइज और के मेहता प्रोडक्शन कंपनीज हैं और फिल्म को ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में यानी दो हज़ार चौबीस में इस फिल्म को फाइनली रिलीज़ करवाया जाने वाला है जी हाँ दोस्तों अब ये फ़ाइनली हिंदी में भी रिलीज़ हो रही है तो आप दोस्तों को बता दो चूंकि इस फिल्म को जब अनाउंस किया गया था ना इस फिल्म को जो कि लगभग काफ़ी टाइम पहले इस फिल्म को अनाउंस कर दिया गया था लगभग इस फिल्म को 2021 में इस फिल्म को अनाउंस किया गया था जो कि इस फिल्म का उस टाइम पे नाम भी अनाउंस कर दिया गया था मार्टिन मूवी रखी जाने वाली थी जो कि इस फिल्म को सारा कुछ वहां पे अनाउंस किया गया था तो इस फिल्म की स्टोरी को जो कि रिवील थोड़ा बहुत कर दिया गया है क्योंकि जो ट्रेलर इस फिल्म का फास्ट टीजर आउट किया गया था ना उसी में इस फिल्म की स्टोरी को दिखाया गया जो कि पाकिस्तान के कुछ सीन को दिखाया गया है जो कि जेल वाले सीन को और यहाँ पर कुछ आपको इंडिया के सीन्स भी देखने को मिल जाएंगे ब्लैक बार डीलिंग को इस के अंदर दिखाया गया है तो बात करें फिल्म की स्टोरी के बारे में जिस तरह इस का ट्रेलर आउट किया गया ना इस फिल्म के अंदर जो कि मार्टिन यानी ध्रुआ सज्जा एक अंडर कवर जो कि एजेंट देखने को मिलेंगे और वो यहां पर जो कि माफिया यानी ड्रग डीलर और यहाँ पर उनको कैसे प, उनका जो कि मार्केट ब्लैक मार्किट होती है ना उसको कैसे उनका पर्दाफाश करते हैं ये सारा को दिखाया गया है और वो पाकिस्तान में जेल जो कि पाकिस्तान की जेल में कैसे पहुँचते हैं और वहाँ से कैसे निकलते हैं ये सारा कुछ फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा और फिल्म के अंदर एक्शन सीन्स आपको नेक्स्ट लेवल देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर इस फ़िल्म के अंदर आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जैसे एक्शन के साथ साथ जो कि गाड़ियों वाले सीन जो कि चेसिंग वाले सीन्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं जिस तरह ट्रेलर के अंदर दिखाया या गया है ओवरऑल देखा जाए तो टीजर जो निकल के आया था काफ़ी एक्साइटेड था काफ़ी प्रॉमिसिंग था तो यहाँ पर जो कि द्रुआ सज्जा का लुक भी और साथ ही ध्रुआ सज्जा की एक्टिंग भी नेक्स्ट लेवल देखने को मिली है तो यहाँ पर आगे थोड़ा सा बात कर लें कास्ट के बारे में तो यहाँ पर ध्रुआ सरजा जो कि इस फिल्म के अंदर जो कि अर्जुन का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर वैभिका संदीला हैं और यहाँ पर अविनाश जैन हैं श्रीकृति वागले हैं चिकन्ना है को किला है और मलवी का अविनाश है और फिल्म के अतर अच्युतन कुमार हैं जो कि एक अशोक का रोल प्ले करो यहाँ पर वो एक नेवी ऑफिसर हैं और यहाँ पर नितिन धीरे हैं नवाब शाह हैं जो कि रोहित पठाक हैं और जो कि वो सोल्जर और का रोल प्ले करें जो कि पाकिस्तानी सोल्जर होते हैं और यहाँ पर न, नाथन जॉन्स हैं और यहाँ पर रोबिल मॉस्को हैं जो कि जो दोनों रेसलर हैं इस फिल्म के अंदर जो कि टीजर में दिखाया गया था जो कि मार्टिन यानी ध्रुआ सर फिल्म के अंदर उनके साथ लड़ता हुआ दिखाई दिया है तो जिस तरह से दिखाया गया उनके जो कि लुक को और जिस तरह से दो, दो बड़े रेसलर के साथ उनको लड़वाया गया जिस तरह से उनकी जो कि ताकत को दिखाया गया कि मार्टिन कितना बड़ा जो कि एक योद्धा है और वो कितना बड़ा जो कि ताकतरवर जो कि ऑफिसर है और कितना वो जो कि ताकत झेल सकता है ये सारा को दिखाया गया है तो टीज़र ओवरऑल काफ़ी अच्छा था तो फाइनली इस फिल्म की जो शूटिंग की बात करें तो इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह थी ना वो पूरी तरह से अब कंप्लीट हो चुकी है सॉन्ग्स वगैरह का भी थोड़ा बहुत काम रहता था अब फाइनली कंप्लीट हो चुका है और फिल्म की जो कि अब साउंड ट्रैकिंग वगैरह के ऊपर भी काम कम्प्लीट हो चुका है और बाकी फ़िल्म की जो कि पोस्ट प्रोडक्शन और एडिटिंग के ऊपर अभी काम चल रहा है और यहाँ पर अभी बसरूड ने म्यूज़िक वगैरह दिया है जो बैकग्राउंड का और यहाँ पर मानी शर्मा ने जो कि फिल्म सॉन्ग के एल्बम वगैरह को जो कि सारा कुछ यहाँ पर काम किया हुआ है और यहाँ पर जो सॉन्ग ट्रे वगैरह सारे वगैरह जो कि यहाँ पर ल्लारी म्यूज़िक और टी सीरीज़ के जो हिंदी राइट्स वगैरह को ख़रीदा हुआ है टी सीरीज ने जो कि सॉन्ग्स वगैरह को हिंदी वर्जन के जो भी हैं उन्होंने ख़रीदा हुआ है तो बाकी लैंग्वेज करना तमिल तेलुगु और मलयालम के लैंग्वेज में भी, भी सॉन्ग्स वगैरह हैं तो यहाँ पर बात करें मार्टिन मूवी की तो अब फाइनली फिल्म को जो शेड्यूल्ड किया गया था पहले दो हज़ार तेईस में फेबर में फिल्म को रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन उस टाइम पर फिल्म को जो कि शूटिंग वगैरह कंप्लीट ना होने की वजह से फिल्म को उस टाइम पर रिलीज़ नहीं करवाया गया और यहाँ पर ट्वेंटी थ्री फेब्रवरी को इसम को का जो फर्स्ट टीज़र भी आउट किया गया था और यहाँ पर अभी तक सेवेंटी जो कि बिलियन व्यूज़ भी ले चुका है विद इन जो कि थ्री मंथ्स जो कि थ्री डेज़ के अंदर सेवेंटी मिलियन जो कि टीज़र ने व्यूज़ हासिल किए थे और वो काफ़ी कमाल का जो कि रिकॉर्ड था और यहाँ पर बाकी फिल्म को वैसे तो कन्नाड़ा लैंग्वेज में शूट किया गया था बाकी जो कि इस फ़िल्म को डॉप्ट वर्जन में जो कि तमिल तेलगू मलयालम और हिंदी में भी फ़िल्म को जो कि किडाप्ट वगैरह भी किया गया है तो ये फाइनली जो कि फ़िल्म है जो मार्टिन हाँ इस फिल्म की जो सारा कुछ अब काम कंप्लीट हो चुका है बाकी पोस्ट प्रोडक्शन का काम रहता है और यहाँ पर एडिटिंग का काम थोड़ा बहुत रहता है तो ये फिल्म बहुत ही जल्द आपको इसी साल यानी दो में फाइनली देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर इस फिल्म का भी आप दोस्त अगर वेट कर रहे हो तो आप दोस्त कितना वेट करो कमनवास में बता सकते हो और साथ ही आप दोस्त यानी दुर्वा सज्जा के कि कितने बड़े फ़ैन हो उनकी मूवीज़ का कितना बेसब्री से वेट करते हो ये भी अपना कुमनवास में बता सकते हो क्योंकि दोस्तों जिस तरह से मार्टिन मूवी के लिए ऑडियंस एक्साइटेड है जिस तरह से मार्टिन मूवी बेसब्री से ऑडियंस वेट कर रही है ना माइंड ब्लोइंग क्योंकि जिस तरह से मार्टिन मूवी की हाइप बनी हुई है लेकिन अभी तक मार्टिन मूवी वाले ने अभी तक इस फिल्म का ऑफिशियली ट्रेलर भी नहीं रिलीज़ किया गया है और ना ही फिल्म का जो कि ऑफिशियली जो कि कोई भी फास्ट पोस्टर या कोई न्यू पोस्टर जो कि रिलीज़ नहीं करवाया जिससे पता हो कि इस फिल्म की जो रिलीज़ है ना वो कंफर्म कर दी जाए तो ये इतना कंफर्म हो चुका है ये फिल्म आपको इसी साल यानी 2024 में देखने को मिल जाएगी तो फाइनली ये फिल्म अब आपको इसी साल यानी 2024 में ही देखने को मिलेगी क्योंकि इस फिल्म की जो कि सारा कुछ रिलीज सारा कुछ कंप्लीट करवा लिया गया है क्योंकि इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह तो कंप्लीट हो चुकी है अब ये फ़िल्म इसी साल दो में देखने को मिल जाएगी और फिल्म का ट्रेलर भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा और फिल्म की जो ऑफिशियली रिलीज़ डेट है ना वो भी कन्फर्म कर दी जाएगी तो अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड हो मार्टिन मूल के लिए एक्साइटेड हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि जैसे इस फिल्म से रिलेटेड और भी अपडेट्स निकल के आते हैं तो इस चैनल पर मिल जाएंगी अपडेट्स रह, अपडेटेड रहने के लिए आप लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी दबा सकते हो और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर सकते हो क्योंकि इस वीडियो में आपको मार्टिंग न्यूज रिलेटेड जो भी अपडेट्स मिली हैं ये आपको आ, बाकी चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगी लेकिन जो भी न्यू अपडेट्स आएंगी जैसे ऑफिशियली रिलीज़ डेट कन्फर्म होती है तो वो भी इस चैनल पर मिल जाएगी तो आप उसने लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है अपडेटेड रहना है और न्यू अपडेट्स के लिए लाजमी कर देना है क्योंकि मार्टिन मूवी में आपको द्रुआ सज्जा का लुक काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलेगा और आपको जिस तरह से फास्ट स्लम का जो क्लिप्स देखने को मिला था ना म्यूजिक सुनने को मिला था माइंड ब्लोइंग था और यहाँ पर मार्टिन यानी द्रुआ सज्जा की लुक भी काफ़ी आउटस्टैंडिंग थी साथ ही उनके बॉडी पर जो हमें इंडियन के टैटू वगैरह भी देखने को मिले थे वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे तो अपडेट्स रहने के लिए आपने लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को भी लाइक करना है और जैसे रिलीज डेट ऑस्ट्रेलियम होती है वो भी इस चैनल पर अपडेट्स मिल जाए वेलकम बैक दी अनदर वीडियो तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो कि कन्नड़ा लैंग्वेज की फिल्म मार्टिन मोई के बारे में थोड़ा सा गला खराब है उसके लिए माइंड मत करना है यहाँ पर दोस्तों बात कर रहा हूँ मार्टिन मोई के बारे में जो कि एक कन्नड़ा लैंग्वेज की फिल्म है और ये एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म है और इस फिल्म को जो कि फाइनली अब रिलीज़ करवाया जाने वाला है हिंदी के अंदर भी और बाकी सारी साउथ लैंग्वेज में भी और फिल्म को जो कि पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ करवाया जाएगा तो फाइनली अब ये फ़िल्म कहाँ पर देखने को मिलेगी और ये फ़िल्म हिंदी में कौन सी डेट को रिलीज़ हो रही है तो आप आपको बता दो डिस् में अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर कोई भी मूवी यानी मार्टिन मूवी को देखने के लिए आया तो आप उसको बता दो इस वीडियो के अंदर कोई भी मार्टिन मूवी आपको नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ़ और सिर्फ मार्टिन मूवी के अन फैक्ट्स के बारे में बताया जाएगा और फिल्म के डिटेल्स के बारे में ऊपर बात की जीत की जाने वाली फ़िल्म के अन फैक्ट्स और यहाँ पर इस फिल्म के बारे में यह भी बताया जाएगा कि इस फिल्म को हिंदी में भी का और कौन सी डेट को रिलीज करवाया जाने वाला है तो अगर आप दोस्तों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो यहाँ पर हम दोस्तों बात कर रहे हैं कन्नड़ा लैंग्वेज की फिल्म मार्टिन के बारे में जो कि एक एक्शन एक थ्रिलर वाली फिल्म है इससे पहले जो कि ध्रुआ सरजा पुगारू जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज दे चुके हैं जिससे उनकी हिंदी में भी काफ़ी अच्छी फैन बेस बन चुकी है जिस तरह से मार्टिन मूवी को जब अनाउंस किया गया था तो ऑडियंस उसी टाइम से इस फिल्म का बेसब्री से वेट कर रही है फिल्म के लिए एक्साइटेड है और फिल्म का काफ़ी जो कि लंबे अरसे से जो कि फिल्म के लिए एक्साइटेड है कि फिल्म को डिले किया गया है फिल्म की शूटिंग की वजह से अब फाइनली फिल्म की शूटिंग भी कंप्लीट करवा ली गई है तो फाइनली आगे बात कर लेते हैं फिल्म के बारे में तो ये एक एक्शन थ्रिलर जोना की फिल्म है और फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं ए बी अर्जुन तो यहाँ पर इन्होंने कौन कौन सी मूवीज़ पहले बना चुके हैं उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर वो भी आप आपको बता देता हूँ उन्होंने इससे पहले जो कि कौन कौन सी मूवी बनाई है तो यहाँ पर उन्होंने इससे पहले टू में फ़िल्म रिलीज़ हुई थी किस उस मूवी को बना चुके है जो कि अभी रिलीज़ हिंदी में भी हो चुकी है हिंदी में भी काफ़ी अच्छा से उनको रिस्पॉन्स मिला है जो कि ये फाइनली आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी जिसके अंदर आपको कास्ट में देखने को मिले थी शरीला साथी अपर् अपूर्वा और गौड़ा और यहाँ पर साथी विराट देखने को मिले थे तो ये फिल्म किस भी हिंदी के अंदर ऑफिशियली रिलीज़ करवा दी गई यूट्यूब के ऊपर अगर आप दोस्त देखना चाहते हैं कि रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वाली फिल्म है इस फिल्म को भी देख सकते हो तो यहाँ पर आप मार्टिन मूवी को अब डायरेक्ट कर चुके हैं अधूरी मूवी थी और यहाँ पर मिस्टर अरवाटा फिल्म थी और भी काफ़ी सारी मूवीज़ को डायरेक्ट कर चुके हैं तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करें फिल्म यानी मार्टिन मूवी के बारे में तो फिल्म को डायरेक्ट किया है पी अर्जुन ने और इस फिल्म को जो कि एडिट किया हुआ है के एम प्रकाश ने और फिल्म को लैंग्वेज जो कि कड़ा में शूट किया गया था और बाकी लैंग्वेज में इस फिल्म को डॉप्ट किया गया है और यहाँ पर म्यूजिक दिया रवि बसूर ने और सॉन्ग्स को म्यूजिक दिया महानी शर्मा ने ये दोनों काफ़ी कमाल के जो कि म्यूजिशन है काफ़ी अच्छा म्यूजिक देते हैं जो कि महानी शर्मा भी कन्ना लैंग्वेज के काफ़ी अच्छे म्यूजिक देते हैं सॉन्ग्स वगैरह को भी और यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक में जो कि रवि बसूर म्यूजिक दे रहे हैं और यहाँ पर जो कि प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वास्वी इंटरप्राइजेज और यहाँ पर यू उदय के मेहता प्रोडक्शन कंपनीज हैं और यहाँ पर आगे बात करें फिल्म के बारे में तो मार्टिन एक इंडियन कनाडा लैंग्वेज अपकमिंग जो कि लैंग्वेज की फिल्म है जो कि एक्शन थ्रिलर वाली डायरेक्ट किया है ए पी अर्जुन ने स्टोरी को राइट किया अर्जुन सरजा ने जो कि अर्जुन सरजा एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और यहाँ पर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जो कि उदय के मेहता ने तो यहाँ पर स्टार कास्ट में हमें देखने को मिले द्रुआ सरजा और यहाँ पर बैवीका संदीला अविनाश जैन सरकुठी वागले और यहाँ पर अच्योतन कुमार और यहाँ पर नितिन धीर हमें देखने को मिले हैं तो यहाँ पर जो कि इस फिल्म के बारे में बता दो फिल्म मोटोग्राफी है सत्या हैगर ने एडिट किया इस फिल्म को के एम प्रकाश ने और यहाँ पर म्यूज़िक दिया रवि बसरू ने और सॉन्ग्स को म्यूज़िक दिया मानी शर्मा ने प्रोडक्शन कंपनी इस फ़िल्म की वासी जो कि वासी इंटरप्राइज़ और द के मेहता प्रोडक्शन कंपनीज हैं और फिल्म को ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में यानी दो हज़ार चौबीस में इस फिल्म को फाइनली रिलीज़ करवाया जाने वाला है जी हाँ दोस्तों अब ये फ़ाइनली हिंदी में भी रिलीज़ हो रही है तो आप उसको बता दो चूँकि इस फिल्म को जब अनाउंस किया गया था ना इस फिल्म को जो कि लगभग काफ़ी टाइम पहले इस फिल्म को अनाउंस कर दिया गया था लगभग इस फिल्म को 2021 में इस फिल्म को अनाउंस किया गया था जो कि ये इस फिल्म का उस टाइम पे नाम भी अनाउंस कर दिया गया था मार्टिन मूवी रखी जाने वाली थी जो कि इस फिल्म को सारा कुछ वहां पे अनाउंस किया गया था तो इस फिल्म की स्टोरी को जो कि रिविल्स थोड़ा बहुत कर दिया गया है क्योंकि इस फिल्म के जो ट्रेलर इस फिल्म का फास्ट टीज़र आउट किया गया था ना उसी में इस फिल्म की स्टोरी को दिखाया गया जो कि पाकिस्तान के कुछ सीन को दिखाया गया है जो कि जेल वाले सीन को और यहाँ पर कुछ आपको इंडिया के सीन्स भी देखने को मिल जाएंगे ब्लैक एक बार की डीलिंग को इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है तो बात करें इस फिल्म की स्टोरी के बारे में जिस तरह इस फिल्म का ट्रेलर आउट किया गया ना इस फिल्म के अंदर जो कि मार्टिन यानी ध्रुव सज है एक अंडरकवर जो कि एजेंट देखने को मिलेंगे और वो यहां पर जो कि माफिया यानी ड्रग डीलर और यहाँ पर उनको कैसे प, उनका जो कि मार्केट ब्लैक मार्किट होती है ना उसको कैसे उनका पर्दाफाश करते हैं ये सारा कुछ दिखाया गया है और वो पाकिस्तान में जेल जो कि पाकिस्तान की जेल में कैसे पहुँचते हैं और वहाँ से कैसे निकलते हैं ये सारा कुछ फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा और फिल्म के अंदर एक्शन सीन्स आपको नेक्स्ट लेवल देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर इस फिल्म के अंदर आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जैसे एक्शन के साथ साथ जो कि गाड़ियों वाले सीन जो कि चेसिंग वाले सीन्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं जिस तरह ट्रेलर के अंदर दिखा या गया है ओवरऑल देखा जाए तो टीज़र जो निकल के आया था काफ़ी एक्साइटेड था काफ़ी प्रॉमिसिंग था तो यहाँ पर जो कि द्रुआ सज्जा का लुक भी और साथ ही द्रुआ सजा की एक्टिंग भी नेक्स्ट लेवल देखने को मिली है तो यहाँ पर आगे थोड़ा सा बात कर लें कास्ट के बारे में तो यहाँ पर द्रुआ सरजा जो कि इस फिल्म के अंदर जो कि अर्जुन का रोल प्ले कर है। रहे हैं और यहाँ पर वैभिका संदीला हैं और यहाँ पर अविनाश जैन हैं श्रुकृति वागले है चिकन्ना है सदुको किला है और मलवी का अविनाश है और सलम के अंदर अच्युतन कुमार हैं जो कि एक अशोक का रोल प्ले कर और यहाँ पर वो एक नेवी ऑफिसर हैं और यहाँ पर नितिन धीर हैं नवाब शाह हैं जो कि रोहित पठाक हैं और जो कि वो सोल्जर का रोल प्ले करें जो कि पाकिस्तानी सोल्जर होते हैं, हैं और यहाँ पर नाथन जॉन्स हैं और यहाँ पर रोबिल मॉस्को हैं जो कि जो दोनों रेसलर हैं फिल्म के अंदर जो कि टीजर में दिखाया गया था जो कि मार्टिन यानी ध्रुआ सर इस फिल्म के अंदर उनके साथ लड़ता हुआ दिखाई दिया है तो जिस तरह से दिखाया गया उनके जो कि लुक को और जिस तरह से दोन दो बड़े रेसलर के साथ उनको लड़वाया गया जिस तरह से उनकी जो कि ताकत को दिखाया गया कि मार्टिन कितना बड़ा जो कि एक योद्धा है और वो कितना बड़ा जो कि ताकतवर जो कि ऑफिसर है और कितना वो जो कि ताकत झेल सकता है ये सारा को दिखाया गया है तो टीज़र ओवरऑल काफ़ी अच्छा था तो फाइनली इस फिल्म की जो शूटिंग की बात करें तो इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह थी ना वो पूरी तरह से अब कंप्लीट हो चुकी है सॉन्ग्स वगैरह का भी थोड़ा बहुत काम रहता था अब फाइनली कंप्लीट हो चुका है और फिल्म की जो कि अब साउंड ट्रैकिंग वगैरह के ऊपर भी काम कम्प्लीट हो चुका है और बाकी फिल्म की जो कि पोर्ट प्रोस्ट प्रोडक्शन और एडिटिंग के ऊपर अभी काम चल रहा है और यहाँ पर अभी बसू ने म्यूज़िक वगैरह दिया हुआ जो बैकग्राउंड का और यहाँ पर मानी शर्मा ने जो कि फिल्म सॉन्ग के एल्बम वगैरह को जो कि सारा कुछ यहाँ पर काम किया हुआ है और यहाँ पर जो सॉन्ग ट्रे वगैरह सारे वगैरह जो कि यहाँ पर ल्लारी म्यूजिक और टी सीरीज के जो हिंदी राइट्स वगैरह को ख़रीदा हुआ है टी सीरीज ने जो कि सॉन्ग्स वगैरह को हिंदी वर्जन के जो भी हैं उन्होंने खरीदा हुआ है तो बाकी लैंग्वेज करना तमिल तेलुगू और मलयालम के लैंग्वेज में भी, भी सॉन्ग्स वगैरह हैं तो यहाँ पर बात करें मार्टिन मूवी की तो अब फाइनली इसम को जो शेड्यूल्ड किया गया था पहले दो हज़ार तेईस में फेबर में फिल्म को रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन उस टाइम पर फिल्म को जो कि शूटिंग वगैरह कंप्लीट ना होने की वजह से फिल्म को उस टाइम पे रिलीज़ नहीं करवाया गया और यहाँ पर 23 फरवरी को इसम जो फर्स्ट टीजर भी आउट किया गया था और यहाँ पर अभी तक सेवेंटी जो कि बिलियन व्यूज भी ले चुका है विद इन जो कि थ्री मंथ्स जो कि थ्री डेज के अंदर सेवेंटी मिलियन जो कि टीजर ने व्यूज़ हासिल किए थे और वो काफ़ी कमाल का जो कि रिकॉर्ड था और यहाँ पर बाकी फिल्म को वैसे तो कन्नाडा लैंग्वेज में शूट किया गया था बाकी जो कि इस फिल्म को डॉप्ट वर्जन में जो कि तमिल तेलगू मलयालम और हिंदी में भी फिल्म को जो कि डॉप्ट वगैरह भी किया गया है तो ये फाइनली जो कि फ़िल्म है जो मार्टिन हाँ इस फिल्म की जो सारा कुछ अब काम कंप्लीट हो चुका है बाकी पोस्ट प्रोडक्शन का काम रहता है और यहाँ पर एडिटिंग का काम थोड़ा बहुत रहता है तो ये फिल्म बहुत ही जल्द आपको इसी साल यानी 2024 में फाइनली देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर इस फिल्म का भी आप दोस्त अगर वेट कर रहे हो तो आप दोस्त कितना वेट करो नॉस में बता सकते हो और साथ ही आप दोस्त यानी दुर्गा सरजा के कि कितने बड़े फ़ैन हो उनकी मूवीज़ का कितना बेसब्री से वेट करते हो ये भी अपना कुमनवास में बता सकते हो क्योंकि दोस्तों जिस तरह से मार्टिन मूवी के लिए ऑडियंस एक्साइटेड है जिस तरह से मार्टिन मूवी बेसब्री से ऑडियंस वेट कर रही है ना माइंड ब्लोइंग क्योंकि जिस तरह से मार्टिन मूवी की हाइप बनी हुई है लेकिन अभी तक मार्टिन मूवी वाले ने अभी तक इस फिल्म का ऑफिशियली ट्रेलर भी नहीं रिलीज़ किया गया है और ना ही फिल्म का जो कि ऑफिशियली जो कि कोई भी फास्ट पोस्टर या कutan, कोई न्यू पोस्टर जो कि रिलीज़ नहीं करवाया जिससे पता हो कि इस फिल्म की जो रिलीज़ है ना वो कंफर्म कर दी जाए तो ये इतना कंफर्म हो चुका है ये फिल्म आपको इसी साल यानी 2024 में देखने को मिल जाएगी तो फाइनली ये फिल्म अब आपको इसी साल यानी 2024 में ही देखने को मिलेगी क्योंकि इस फिल्म की जो कि सारा कुछ रिलीज़ सारा कुछ कंप्लीट करवा लिया गया है क्योंकि इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह तो कंप्लीट हो चुकी है अब ये फिल्म इसी साल दो में देखने को मिल जाएगी और फिल्म का ट्रेलर भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा और फिल्म की जो ऑफिशियली रिलीज़ डेट है ना वो भी कन्फर्म कर दी जाएगी तो अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड हो मार्टिन मूज के लिए एक्साइटेड हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि जैसे इस फिल्म से रिलेटेड और भी अपडेट्स निकल के आती हैं तो इस चैनल पर मिल जाएंगी अपडेट्स रह, अपडेटेड रहने के लिए आप लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी दबा सकते हो और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर सकते हो क्योंकि इस वीडियो में आपको मार्टिन मूज से रिलेटेड जो भी अपडेट्स मिली हैं ये आपको बाकी चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगी लेकिन जो भी न्यू अपडेट्स आएंगी जैसे ऑफिशियली रिलीज डेट कन्फर्म होती है तो वो भी इसी चैनल पर मिल जाएगी तो आप उसने लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है अपडेटेड रहना है और न्यू अपडेट्स के लिए लाजमी कर देना है क्योंकि मार्टिन मूवी में आपको द्रुआ सज्जा का लुक काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलेगा और आपको जिस तरह से फास्ट इस फिल्म का जो क्लिप्स देखने को मिला था ना म्यूज़िक सुनने को मिला था माइंड ब्लोइंग था और यहाँ पर मार्टिन यानी द्रुआ सज्जा की लुक भी काफ़ी आउटस्टैंडिंग थी साथ ही उनके बॉडी पर जो हमें इंडियन के टैटूज वगैरह भी देखने को मिले थे वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे तो अपडेट्स रहने के लिए आपने लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को भी लाइक करना है और जैसे इसकी डेट कन्फर्म होती है वो भी इस चैनल पर अपडेट्स मिल जाए वेलकम बैक दी अनदर वीडियो तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो कि कन्नड़ा लैंग्वेज की फिल्म मार्टिन मोई के बारे में थोड़ा सा गला ख़राब है उसके लिए माइंड मत करना है यहाँ पर दोस्तों बात कर रहा हूँ मार्टिन मोई के बारे में जो कि एक कन्नड़ा लैंग्वेज की फिल्म है और ये एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म है और को जो कि फाइनली अब रिलीज़ करवाया जाने वाला है हिंदी के अंदर भी और बाकी सारी साउथ लैंग्वेज में भी और फिल्म को जो कि पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करवाया जाएगा तो फाइनली अब यह फिल्म कहां पर देखने को मिलेगी और यह फिल्म हिंदी में कौन सी डेट को रिलीज हो रही है तो आप आपको बता दो में अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर कोई भी मूवी यानी मार्टिन मूवी को देखने के लिए आया तो आप आपको बता दो इस वीडियो के अंदर कोई भी मार्टिन मूवी तो आप आपको नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ मार्टिन मूवी के अननाउन फैक्ट्स के बारे में बताया जाएगा और के डिटेल्स के बारे में ऊपर बात की जीत की जाने वाली फिल्म के अननाउन फैक्ट्स और यहां पर इस फिल्म के बारे में यह भी बताया जाएगा कि इस फिल्म को हिंदी में भी

लंबे अरसे से जो कि के इस लिए एक्साइटेड है फिल्म को डिले किया गया है फिल्म की शूटिंग की वजह से अब फाइनली फिल्म की शूटिंग भी कम्प्लीट करवा ली गई है तो फाइनली आगे बात कर लेते हैं फिल्म के बारे में तो ये एक एक्शन थ्रिलर जोना की फिल्म है और फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं ए बी अर्जुन तो यहाँ पर इन्होंने कौन कौन सी मूवीज़ पहले बना चुके हैं उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर वो भी आप आपको बता देता हूँ उन्होंने इससे पहले जो कि कौन कौन सी मूवी बनाई है तो यहाँ पर उन्होंने इससे पहले टू में फिल्म रिलीज़ हुई थी किस उस मूवी को बना चुके है जो कि अभी रिलीज़ हिंदी में भी हो चुकी है हिंदी में भी काफ़ी अच्छा से को रिस्पॉन्स मिला है जो कि ये फ़ाइनली आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी जिसके अंदर आपको कास्ट में देखने को मिले थी श्रीला साथ ही अपर्ला तो अपर्वा और गौड़ा और यहाँ पर साथ ही विरात देखने को मिले थे तो ये फिल्म किस भी हिंदी के अंदर ऑफिशियली रिलीज़ करवा दी गई यूट्यूब के ऊपर अगर आप दोस्त देखना चाहते कि रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वाली फिल्म है इस फिल्म को भी देख सकते हो तो यहाँ पर आप मार्टिन मूवी को अब डायरेक्ट कर चुके हैं अधूरी मूवी थी और यहाँ पर मिस्टर अरवाटा फिल्म थी और भी काफ़ी सारी मूवीज़ को डायरेक्ट कर चुके हैं तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करें फिल्म यानी मार्टिन मूवी के बारे में तो फिल्म को डायरेक्ट किया है पी अर्जुन ने और इस फिल्म को जो कि एडिट किया हुआ है के एम प्रकाश ने और फिल्म को लैंग्वेज जो कि कड़ा में शूट किया गया था और बाकी लैंग्वेज में फिल्म को अडॉप्ट किया गया है और यहाँ पर म्यूज़िक दिया रवि बसूर ने और सॉन्ग्स को म्यूजिक दिया मानी शर्मा ने ये दोनों काफ़ी कमाल के जो कि म्यूजिशन है काफ़ी अच्छा म्यूज़िक देते हैं जो कि मानी शर्मा भी कना लैंग्वेज के काफ़ी अच्छे म्यूजिक देते हैं सॉन्ग्स वगैरह को भी और यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक में जो कि रवि बसूर म्यूजिक दे रहे हैं और यहाँ पर जो कि प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वास्वी इंटरप्राइजेज और यहाँ पर उदय के मेहता प्रोडक्शन कंपनीज हैं और यहाँ पर आगे बात करें फिल्म के बारे में तो मार्टिन एक इंडियन कनाडा लैंग्वेज अपकमिंग जो कि लैंग्वेज की फिल्म है जो कि एक्शन थ्रिलर वाली डायरेक्ट किया है ए पी अर्जुन ने स्टोरी को राइट किया अर्जुन सरजा ने जो कि अर्जुन सरजा एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और यहाँ पर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जो कि उदय के मेहता ने तो यहाँ पर स्टार कास्ट में हमें देखने को मिला ध्रुआ सरजा और यहाँ पर वैबिका संदीला अविनाश जैन सरकुठी वागले और यहाँ पर अच्योतन कुमार और यहाँ पर नितिन धीर हमें देखने को मिले हैं तो यहाँ पर जो कि इस फिल्म के बारे में बता दो फिल्म आटोग्राफी किया है, सत्या हैगर ने एडिट किया है इस फिल्म को के एम प्रकाश ने और यहाँ पर म्यूज़िक दिया रवि बसरू ने और सॉन्ग्स को म्यूज़िक दिया मानी शर्मा ने प्रोडक्शन कंपनी इस फ़िल्म की वासी जो कि वासी इंटरप्राइज और दैके महता प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं और फिल्म को ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में यानी दो हज़ार चौबीस में इस फिल्म को फाइनली रिलीज़ करवाया जाने वाला है जी हाँ दोस्तों अब ये फाइनली हिंदी में भी रिलीज़ हो रही है तो आप दोस्तों को बता दो चुके इस फिल्म को जब अनाउंस किया गया था ना इस फिल्म को जो कि लगभग काफ़ी टाइम पहले इस फिल्म को अनाउंस कर दिया गया था लगभग इस फिल्म को 2021 में इस फिल्म को अनाउंस किया गया था जो कि इस फ़िल्म का उस टाइम पे नाम भी अनाउंस कर दिया गया था मार्टिन मूवी रखी जाने वाली थी जो कि इस फ़िल्म को सारा कुछ वहां पे अनाउंस किया गया था तो इस फिल्म की स्टोरी को जो कि रिविल्स थोड़ा बहुत कर दिया गया है क्योंकि इस फिल्म के जो ट्रेलर इस फिल्म का फर्स्ट टीज़र आउट किया गया था ना उसी में इस फिल्म की स्टोरी को दिखाया गया जो कि पाकिस्तान के कुछ सीन को दिखाया गया है जो कि जेल वाले सीन को और यहाँ पर कुछ आपको इंडिया के सीन्स भी देखने को मिल जाएंगे ब्लैक डीलिंग को फिल्म के अंदर दिखाया गया है तो बात करें की स्टोरी के बारे में जिस तरह इस का ट्रेलर आउट किया गया ना इस फिल्म के अंदर जो कि मार्टिन यानी ध्रुआ सज्जा एक अंडर कवर जो एजेंट देखने को मिलेंगे और वो यहां पर जो कि माफिया यानी ड्रग डीलर और यहाँ पर उनको कैसे पर उनका जो कि मार्केट ब्लैक मार्किट होती है ना उसको कैसे उनका पर्दाफाश करते हैं ये सारा को दिखाया गया है और वो पाकिस्तान में जेल जो कि पाकिस्तान की जेल में कैसे पहुँचते हैं और वहाँ से कैसे निकलते हैं ये सारा कुछ फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा और फिल्म के अंदर एक्शन सीन्स आपको नेक्स्ट लेवल देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर इस फ़िल्म के अंदर आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जैसे एक्शन के साथ साथ जो कि गाड़ियों वाले सीन जो कि चेसिंग वाले सीन्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं जिस तरह ट्रेलर के अंदर दिखाया या गया है ओवरऑल देखा जाए तो टीज़र जो निकल के आया था काफ़ी एक्साइटेड था काफ़ी प्रॉमिसिंग था तो यहाँ पर जो कि द्रुआ सज्जा का लुक भी और साथ ही द्रुआ सज्जा की एक्टिंग भी नेक्स्ट लेवल देखने को मिली है तो यहाँ पर आगे थोड़ा सा बात कर लें कास्ट के बारे में तो यहाँ पर द्रुआ सजा जो कि इस फिल्म के अंदर जो कि अर्जुन का रोल प्ले कर है। रहे हैं और यहाँ पर वैभिका संदीला हैं और यहाँ पर अविनाश जैन हैं शुरूति वागले है चिकन्ना है को किला है और मलवी का विनाश है और फिल्म के अतर अच्युतन कुमार हैं जो कि एक अशोक का रोल प्ले कर और यहाँ पर वो एक नेवी ऑफिसर हैं और यहाँ पर नितिन धीर हैं नवाब शाह हैं जो कि रोहित पठाक हैं और जो कि वो सोल्जर का रोल प्ले करें जो कि पाकिस्तानी सोल्जर होते हैं और यहाँ पर नाथन जॉन्स हैं और यहाँ पर रोबिल मॉस्को हैं जो कि जो दोनों रेसलर हैं फिल्म के अंदर जो कि टीजर में दिखाया गया था जो कि मार्टिन यानी ध्रुआ सर जाए फिल्म के अंदर उनके साथ लड़ता हुआ दिखाई दिया है तो जिस तरह से दिखाया गया उनके जो कि लुक को और जिस तरह से दो, दो बड़े रेसलर के साथ उनको लड़वाया गया जिस तरह से उनकी जो कि ताकत को दिखाया गया कि मार्टिन कितना बड़ा जो कि एक योद्धा है और कितना बड़ा जो कि ताकतवर जो कि ऑफिसर है और कितना वो जो कि ताकत झेल सकता है ये सारा को दिखाया गया है तो टीज़र ओवरऑल काफ़ी अच्छा था तो फाइनली इस फिल्म की जो शूटिंग की बात करें तो इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह थी ना वो पूरी तरह से अब कंप्लीट हो चुकी है सॉन्ग्स वगैरह का भी थोड़ा बहुत काम रहता था अब फाइनली कंप्लीट हो चुका है और फिल्म की जो कि अब साउंड ट्रैकिंग वगैरह के ऊपर भी काम कम्प्लीट हो चुका है और बाकी फ़िल्म की जो कि पोस्ट प्रोडक्शन और एडिटिंग के ऊपर अभी काम चल रहा है और यहाँ पर रवि पसरू ने म्यूज़िक वगैरह दिया जो बैकग्राउंड का और यहाँ पर मानी शर्मा ने जो कि फिल्म सॉन्ग के एल्बम वगैरह को जो कि सारा कुछ यहाँ पर काम किया हुआ है और यहाँ पर जो सॉन्ग ट्रिंग वगैरह सारे वगैरह जो कि यहाँ पर लहारी म्यूजिक और टी सीरीज़ के जो हिंदी राइट्स वगैरह को खरीदा हुआ है टी सीरीज ने जो कि सॉन्ग्स वगैरह को हिंदी वर्जन के जो भी हैं उन्होंने ख़रीदा हुआ है तो बाकी लैंग्वेज करना तमिल तेलुगु और मलयालम के लैंग्वेज में भी, भी सॉन्ग्स वगैरह हैं तो यहाँ पर बात करें मार्टिन मूवी की तो अब फाइनली फिल्म को जो शेड्यूल्ड किया गया था पहले दो हज़ार तेईस में फेबर में फिल्म को रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन उस टाइम पर फिल्म को जो कि शूटिंग वगैरह कम्प्लीट ना होने की वजह से फिल्म को उस टाइम पर रिलीज़ नहीं करवाया गया और यहाँ पर ट्वेंटी थ्री फेब्ररी को का जो फर्स्ट टीज़र भी आउट किया गया था और यहाँ पर अभी तक सेवेंटी जो कि मिलियन व्यूज़ भी ले चुका है विद इन जो कि थ्री मंथ्स जो कि थ्री डेज के अंदर सेवेंटी मिलियन जो कि टीजर ने व्यूज़ हासिल किए थे और वो काफ़ी कमाल का जो कि रिकॉर्ड था और यहाँ पर बा, बाकी फ़िल्म को वैसे तो कन्नाड़ा लैंग्वेज में शूट किया गया था बाकी जो कि फ़िल्म को डॉप्ट वर्जन में जो कि तमिल तेलगू मलयालम और हिंदी में भी फिल्म को जो कि डॉप्ट वगैरह भी किया गया है तो ये फाइनली जो कि फ़िल्म है जो मार्टिन है इस फिल्म की जो सारा कुछ अब काम कंप्लीट हो चुका है बाकी पोस्ट प्रोडक्शन का काम रहता है और यहाँ पर एडिटिंग का काम थोड़ा बहुत रहता है तो ये फिल्म बहुत ही जल्द आपको इसी साल यानी दो में फाइनली देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर इस फिल्म का भी आप दोस्त अगर वेट कर रहे हो तो आप दोस्त कितना वेट करो कमनवास में बता सकते हो और साथ ही आप दोस्त यानी दुर्वा सज्जा के कि कितने बड़े फ़ैन हो उनकी मूवीज़ का कितना बेसब्री से वेट करते हो ये भी अपना कुमनवास में बता सकते हो क्योंकि दोस्तों जिस तरह से मार्टिन मूवी के लिए ऑडियंस एक्साइटेड है जिस तरह से मार्टिन मूवी का बेसब्री से ऑडियंस वेट कर रही है ना माइंड ब्लोइंग क्योंकि जिस तरह से मार्टिन मूवी की हाइप बनी हुई है लेकिन अभी तक मार्टिन मूवी वाले ने अभी तक इस फिल्म का ऑफिशियली ट्रेलर भी नहीं रिलीज़ किया गया है और ना ही फिल्म का जो कि ऑफिशियली जो कि कोई भी फास्ट पोस्टर या कोई न्यू पोस्टर जो कि रिलीज़ नहीं करवाया जिससे पता हो कि इस फिल्म की जो रिलीज़ है ना वो कंफर्म कर दी जाए तो ये इतना कंफर्म हो चुका है ये फिल्म आपको इसी साल यानी 2024 में देखने को मिल जाएगी तो फाइनली ये फिल्म अब आपको इसी साल यानी 2024 में ही देखने को मिलेगी क्योंकि इस फिल्म की जो कि सारा कुछ रिलीज़ सारा कुछ कंप्लीट करवा लिया गया है क्योंकि इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह तो कंप्लीट हो चुकी है अब ये फिल्म इसी साल दो में देखने को मिल जाएगी और फिल्म का ट्रेलर भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा और फिल्म की जो ऑफिशियली रिलीज डेट है ना वो भी कन्फर्म कर दी जाएगी तो अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड हो मार्टिन मूवी के लिए एक्साइटेड हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि जैसे इस फिल्म से रिलेटेड और भी अपडेट्स निकल के आते हैं तो इस चैनल पर मिल जाएंगी अपडेट्स रह, अपडेटेड रहने के लिए आप लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी दबा सकते हो और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर सकते हो क्योंकि इस वीडियो में आपको मार्टिन मूवी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स मिली हैं ये आपको बाकी चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगी लेकिन जो भी न्यू अपडेट्स आएंगी जैसे ऑफिशियली रिलीज डेट कन्फर्म होती है तो वो भी भी इसी चैनल पर मिल जाएगी तो आप उसने लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है अपडेटेड रहना है और न्यू अपडेट्स के लिए लाजमी कर देना है क्योंकि मार्टिन मूवी में आपको द्रुआ सज्जा का लुक काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलेगा और आपको जिस तरह से फास्ट फिल्म का जो कि क्लिप्स देखने को मिला था ना म्यूज़िक सुनने को मिला था माइंड ब्लोइंग था और यहाँ पर मार्टिन यानी द्रुवा सज्जा की लुक भी काफ़ी आउटस्टैंडिंग थी साथ ही उनके बॉडी पर जो हमें इंडियन के टैटूज वगैरह भी देखने को मिले थे वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे तो अपडेट्स रहने के लिए आपने लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को भी लाइक करना है और जैसे इसकी ऑफिशल रिज डेट कन्फर्म होती है वो भी इस चैनल पर अपडेट्स मिल जाए वेलकम बैक दी अनदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो कि कन्नड़ा लैंग्वेज की फिल्म मार्टिन मोई के बारे में थोड़ा सा गला ख़राब है उसके लिए माइंड मत करना है यहाँ पर दोस्तों बात कर रहा हूँ मार्टिन मोई के बारे में जो कि एक कन्नड़ा लैंग्वेज की फिल्म है और ये एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म है और को जो कि फाइनली अब रिलीज़ करवाया जाने वाला है हिंदी के अंदर भी और बाकी सारी साउथ लैंग्वेज में भी और फिल्म को जो कि पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ करवाया जाएगा तो फाइनली अब ये फ़िल्म कहाँ पर देखने को मिलेगी और ये फिल्म हिंदी में कौन सी डेट को रिलीज़ हो रही है तो आप आपको बता दो डिस् में अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर कोई भी मूवी यानी मार्टिन मूवी को देखने के लिए आया तो आप को बता दो इस वीडियो के अंदर कोई भी मार्टिन मूवी आपको नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ मार्टिन मूवी के अननाउन फैक्ट्स के बारे में बताया जाएगा और फिल्म के डिटेल्स के बारे में ऊपर बात की जीत की जाने वाली फ़िल्म के अननाउन फैक्ट्स और यहाँ पर इस फिल्म के बारे में यह भी बताया जाएगा कि इस फिल्म को हिंदी में भी काफ़ी

लम्बे अरसे फिल्म के, के लिए एक्साइटेड है चूंकि फिल्म को डिले किया गया है फिल्म की शूटिंग की वजह से अब फाइनली फिल्म की शूटिंग भी कंप्लीट करवा ली गई है तो फाइनली आगे बात कर लेते हैं फिल्म के बारे में तो ये एक एक्शन थ्रिलर जोना की फिल्म है और फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं ए पी अर्जुन तो यहाँ पर इन्होंने कौन कौन सी मूवीज़ पहले बना चुके हैं उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर वो भी आप उसको बता देता हूँ उन्होंने इससे पहले जो कि कौन कौन सी मूवी बनाई है तो यहाँ पर उन्होंने इससे पहले टू में फ़िल्म रिलीज़ हुई थी किस उस मूवी को बना चुके हैं जो कि अभी रिलीज़ हिंदी में भी हो चुकी है हिंदी में भी काफ़ी अच्छा से उनको रिस्पॉन्स मिला है जो कि ये फाइनली आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी जिसके अंदर आपको कास्ट में देखने को मिले थी श्रीला साथ ही अपर्ला अपर्वा और गौड़ा और यहाँ पर साथ ही विरात देखने को मिले थे तो ये फिल्म किस भी हिंदी के अंदर ऑफिशियली रिलीज़ करवा दी गई यूट्यूब के ऊपर अगर आप दोस्त देखना चाहते हैं कि रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वाली फिल्म है इस फिल्म को भी देख सकते हो तो यहाँ पर आप मार्टिन मूवी को अब डायरेक्ट कर चुके हैं अधूरी मूवी थी और यहाँ पर मिस्टर अरवाटा फिल्म थी और भी काफ़ी सारी मूवीज़ को डायरेक्ट कर चुके हैं तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करें फिल्म यानी मार्टिन मूवी के बारे में तो फिल्म को डायरेक्ट किया है पी अर्जुन ने और इस फिल्म को जो कि एडिट किया हुआ है के एम प्रकाश ने और फिल्म को लैंग्वेज जो कि कड़ा में शूट किया गया था और बाकी लैंग्वेज में फिल्म को डॉप्ट किया गया और यहाँ पर म्यूजिक दिया रवि बसूर ने और सॉन्ग्स को म्यूजिक दिया मानी शर्मा ने ये दोनों काफ़ी कमाल के जो कि म्यूजिशन है काफ़ी अच्छा म्यूजिक देते हैं जो कि मानी शर्मा भी कना लैंग्वेज के काफ़ी अच्छे म्यूजिक देते हैं सॉन्ग्स वगैरह को भी और यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक में जो कि रवि बसूर म्यूजिक दे रहे हैं और यहाँ पर जो कि प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वास्वी इंटरप्राइजेज और यहाँ पर उदय के मेहता प्रोडक्शन कंपनीज हैं और यहाँ पर आगे बात करें फिल्म के बारे में तो मार्टिन एक इंडिया एंड कनाडा लैंग्वेज अपकमिंग जो कि लैंग्वेज की फिल्म है जो कि एक्शन थ्रिलर वाली डायरेक्ट किया है ए पी अर्जुन ने स्टोरी को राइट किया अर्जुन सरजा ने जो कि अर्जुन सरजा एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और यहाँ पर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जो कि उदय के मेहता ने तो यहाँ पर स्टार कास्ट में हमें देखने को मिला ध्रुवा सरजा और यहाँ पर वैबिका संदीला अविनाश जैन सरकुठी वागले और यहाँ पर अच्योतन कुमार और यहाँ पर नितिन धीर हमें देखने को मिले हैं तो यहाँ पर जो कि इस फिल्म के बारे में बता दो फिल्म मोटोग्राफी किया है सत्या हैगर ने एडिट किया है इस फ़िल्म को के एम प्रकाश ने और यहाँ पर म्यूज़िक दिया रवि बसरू ने और सॉन्ग्स को म्यूज़िक दिया मानी शर्मा ने प्रोडक्शन कंपनी इस फ़िल्म की वासी जो कि वासी इंटरप्राइज़ और दैके मेहता प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं और फ़िल्म को ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में यानी दो हज़ार चौबीस में इस फिल्म को फाइनली रिलीज़ करवाया जाने वाला है जी हाँ दोस्तों अब ये फाइनली हिंदी में भी रिलीज़ हो रही है तो आप दोस्तों को बता दो चूँकि इस फिल्म को जब अनाउंस किया गया था ना इस फिल्म को जो कि लगभग काफ़ी टाइम पहले इस फिल्म को अनाउंस कर दिया गया था लगभग इस फिल्म को 2021 में इस फिल्म को अनाउंस किया गया था जो कि इस फिल्म का उस टाइम पे नाम भी अनाउंस कर दिया गया था मार्टिन मूवी रखी जाने वाली थी जो कि इस फिल्म को सारा कुछ वहां पे अनाउंस किया गया था तो इस फिल्म की स्टोरी को जो कि रिविल्स थोड़ा, थोड़ा बहुत कर दिया गया है क्योंकि जो ट्रेलर इस फिल्म का फास्ट टीज़र आउट किया गया था ना उसी में इस फिल्म की स्टोरी को दिखाया गया जो कि पाकिस्तान के कुछ सीन को दिखाया गया है जो कि जेल वाले सीन को और यहाँ पर कुछ आपको इंडिया के सीन्स भी देखने को मिल जाएंगे ब्लैक बार की डीलिंग को फिल्म के अंदर दिखाया गया है तो बात करें फिल्म की स्टोरी के बारे में जिस तरह का ट्रेलर आउट किया गया ना इस फिल्म के अंदर जो कि मार्टिन यानी ध्रुआ सज्जा एक अंडर जो कि एजेंट देखने को मिलेंगे और वो यहाँ पर जो कि माफिया यानी ड्रग डीलर और यहाँ पर उनको कैसे पर उनका जो कि मार्केट ब्लैक मार्किट होती है ना उसको कैसे उनका पर्दाफाश करते हैं ये सारा को दिखाया गया है और वो पाकिस्तान में जेल जो कि पाकिस्तान की जेल में कैसे पहुँचते हैं और वहाँ से कैसे निकलते हैं ये सारा कुछ फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा और फिल्म के अंदर एक्शन सीन्स आपको नेक्स्ट लेवल देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर इस फ़िल्म के अंदर आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जैसे एक्शन के साथ साथ जो कि गाड़ियों वाले सीन जो कि चेसिंग वाले सीन्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं जिस तरह ट्रेलर के अंदर दिखाया आया गया है ओवरऑल देखा जाए तो टीजर जो निकल के आया था काफी एक्साइटेड था काफी प्रॉमिसिंग था तो यहाँ पर जो कि ध्रुआ सज्जा का लुक भी और साथ ही द्रुआ सज्जा की एक्टिंग भी नेक्स्ट लेवल देखने को मिली है तो यहाँ पर आगे थोड़ा सा बात कर लें कास्ट के बारे में तो यहाँ पर द्रुआ सरजा जो कि इस फिल्म के अंदर जो कि अर्जुन का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर वैभिका संदीला हैं और यहाँ पर अविनाश जैन है सुरकृति वागले है चिकन्ना है साधु को किला है और मलवीका अविनाश है और फिल्म के अंदर अच्यतन कुमार हैं जो कि एक अशोक का रोल प्ले कर और यहाँ पर वो एक नेवी ऑफिसर हैं और यहाँ पर नितिन धीर हैं नवाब शाह हैं जो कि रोहित पठाक हैं और जो कि वो सोल्जर और का रोल प्ले करें जो कि पाकिस्तानी सोल्जर होते हैं और यहाँ पर न, नाथन जॉन्स हैं और यहाँ पर रोबिल मॉस्को हैं जो कि जो दोनों रेसलर हैं इस फिल्म के अंदर जो कि टीजर में दिखाया गया था जो कि मार्टिन यानी ध्रुआ सर जाए फिल्म के अंदर उनके साथ लड़ता हुआ दिखाई दिया है तो जिस तरह से दिखाया गया उनके जो कि लुक को और जिस तरह से दो, दो बड़े रेसलर के साथ उनको लड़वाया गया जिस तरह से उनकी जो कि ताकत को दिखाया गया कि मार्टिन कितना बड़ा जो कि एक योद्धा है और वो कितना बड़ा जो कि ताकतवर जो कि ऑफिसर है और कितना वो जो कि ताकत झेल सकता है ये सारा को दिखाया गया है तो टीज़र ओवरऑल काफ़ी अच्छा था तो फाइनली इस फिल्म की जो शूटिंग की बात करें तो इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह थी ना वो पूरी तरह से अब कंप्लीट हो चुकी है सॉन्ग्स वगैरह का भी थोड़ा बहुत काम रहता था अब फाइनली कंप्लीट हो चुका है और फिल्म की जो कि अब साउंड ट्रैकिंग वगैरह के ऊपर भी काम कम्प्लीट हो चुका है और बाकी फ़िल्म की जो कि पोस्ट प्रोडक्शन और एडिटिंग के ऊपर अभी काम चल रहा है और यहाँ पर रवि बसरूर ने म्यूज़िक वगैरह दिया है जो बैकग्राउंड का और यहाँ पर मानी शर्मा ने जो कि फिल्म सॉन्ग के एल्बम वगैरह को जो कि सारा कुछ यहाँ पर काम किया हुआ है और यहाँ पर जो सॉन्ग ट्रेंग वगैरह सारे वगैरह जो कि यहाँ पर लहारी म्यूज़िक और टी सीरीज़ के जो हिंदी राइट्स वगैरह को ख़रीदा हुआ है टी सीरीज ने जो कि सॉन्ग्स वगैरह को हिंदी वर्जन के जो भी हैं उन्होंने ख़रीदा हुआ है तो बाकी लैंग्वेज करना तमिल तेलुगु और मलयालम के लैंग्वेज में भी, भी सॉन्ग्स वगैरह हैं तो यहाँ पर बात करें मार्टिन मूवी की तो अब फाइनली फिल्म को जो शेड्यूल्ड किया गया था पहले दो हज़ार तेईस में फेबर में फिल्म को रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन उस टाइम पर फिल्म को जो कि शूटिंग वगैरह कंप्लीट ना होने की वजह से फिल्म को उस टाइम पर रिलीज़ नहीं करवाया गया और यहाँ पर ट्वेंटी थ्री फेब्रवरी को सीम का जो फर्स्ट टीज़र भी आउट किया गया था और यहाँ पर अभी तक सेवेंटी जो कि बिलियन व्यूज भी ले चुका है विद इन जो कि थ्री मंथ्स जो कि थ्री डेज़ के अंदर सेवेंटी मिलियन जो कि टीज़र ने व्यूज़ हासिल किए थे और वो काफ़ी कमाल का जो कि रिकॉर्ड था और यहाँ पर बाकी फ़िल्म को वैसे तो कन्नाड लैंग्वेज में शूट किया गया था बाकी जो कि इस फ़िल्म को डॉप्ट वर्जन में जो कि तमिल तेलगू मलयालम और हिंदी में भी फिल्म को जो कि डॉप्ट वगैरह भी किया गया है तो ये फाइनली जो कि फ़िल्म है जो मार्टिन हाँ इस फिल्म की जो सारा कुछ अब काम कंप्लीट हो चुका है बाकी पोस्ट प्रोडक्शन का काम रहता है और यहाँ पर एडिटिंग का काम थोड़ा बहुत रहता है तो ये फिल्म बहुत ही जल्द आपको इसी साल यानी दो में फाइनली देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर इस फिल्म का भी आप दोस्त अगर वेट कर रहे हो तो आप दोस्त कितना वेट करो कमनवास में बता सकते हो और साथ ही आप दोस्त यानी दुर्वा सज्जा के कि कितने बड़े फ़ैन हो उनकी मूवीज़ का कितना बेसब्री से वेट करते हो ये भी अपना कुमनवास में बता सकते हो क्योंकि दोस्तों जिस तरह से मार्टिन मूवी के लिए ऑडियंस एक्साइटेड है जिस तरह से मार्टिन मूवी बेसब्री से ऑडियंस वेट कर रही है ना माइंड ब्लोइंग क्योंकि जिस तरह से मार्टिन मूवी की हाइप बनी हुई है लेकिन अभी तक मार्टिन मूवी वाले ने अभी तक इस फिल्म का ऑफिशियली ट्रेलर भी नहीं रिलीज किया गया है और ना ही फिल्म का जो कि ऑफिशियली जो कि कोई भी फास्ट पोस्टर या कोई न्यू पोस्टर जो कि रिलीज़ नहीं करवाया जिससे पता हो कि इस फिल्म की जो रिलीज़ है ना वो कंफर्म कर दी जाए तो ये इतना कंफर्म हो चुका है ये फिल्म आपको इसी साल यानी 2024 में देखने को मिल जाएगी तो फाइनली ये फिल्म अब आपको इसी साल यानी 2024 में ही देखने को मिलेगी क्योंकि इस फिल्म की जो कि सारा कुछ रिलीज सारा कुछ कंप्लीट करवा लिया गया है क्योंकि इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह तो कंप्लीट हो चुकी है अब ये फ़िल्म इसी साल दो में देखने को मिल जाएगी और फिल्म का ट्रेलर भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा और फिल्म की जो ऑफिशियली रिलीज़ डेट है ना वो भी कन्फर्म कर दी जाएगी तो अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड हो मार्टिन मूल के लिए एक्साइटेड हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि जैसे इस फिल्म से रिलेटेड और भी अपडेट्स निकल के आती हैं तो इस चैनल पर मिल जाएंगी अपडेट्स रह, अपडेटेड रहने के लिए आप लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी दबा सकते हो और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर सकते हो क्योंकि इस वीडियो में आपको मार्टिंग न्यूज रिलेटेड जो भी अपडेट्स मिली हैं ये आपको आ, बाकी चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगी लेकिन जो भी न्यू अपडेट्स आएंगी जैसे ऑफिशली रिलीज़ डेट कन्फर्म होती है तो वो भी इस चैनल पर मिल जाएगी तो आप उसने लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है अपडेटेड रहना है और न्यू अपडेट्स के लिए लाजमी कर देना है क्योंकि मार्टिन मूवी में आपको द्रुआ सज्जा का लुक काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलेगा और आपको जिस तरह से फास्ट स्लम का जो क्लिप्स देखने को मिला था ना म्यूजिक सुनने को मिला था माइंड ब्लोइंग था और यहाँ पर मार्टिन यानी ध्रुआ सज्जा की लुक भी काफ़ी आउटस्टैंडिंग थी साथ ही उनके बॉडी पर जो हमें इंडियन के टैटूज वगैरह भी देखने को मिले थे वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे तो अपडेट्स रहने के लिए आपने लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को भी लाइक करना है और जैसे इस उनकी ऑफिस रीज डेट कन्फर्म होती है वो भी इस चैनल पर अपडेट्स मिल जाए वेलकम बैक दी अनदर वीडियो तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो कि कन्नड़ा लैंग्वेज की फिल्म मार्टिन मोई के बारे में थोड़ा सा गला खराब है उसके लिए माइंड मत करना है यहाँ पर दोस्तों बात कर रहा हूँ मार्टिन मोई के बारे में जो कि एक कन्नड़ा लैंग्वेज की फिल्म है और ये एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म है और को जो कि फाइनली अब रिलीज़ करवाया जाने वाला है हिंदी के अंदर भी और बाकी सारी साउथ लैंग्वेज में भी और फिल्म को जो कि पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करवाया जाएगा तो फाइनली अब यह फिल्म कहां पर देखने को मिलेगी और यह फिल्म हिंदी में कौन सी डेट को रिलीज हो रही है तो आप आप दोस्त बता दो में अगर दो इस वीडियो के अंदर कोई भी मूवी यानी मार्टिन मूवी को देखने के लिए आया तो आप दो बता दो इस वीडियो के अंदर कोई भी मार्टिन मूवी आपको नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ मार्टिन मूवी के अननाउन फैक्ट्स के बारे में बताया जाएगा और फिल्म के डिटेल्स के बारे में ऊपर बात की जीत की जाने वाले फिल्म के अननाउन फैक्ट्स और यहां पर इस फिल्म के बारे में यह भी बताया जाएगा कि इस फिल्म को हिंदी में भी और कौन सी डेट को रिलीज करवाया जाने वाला है तो अगर कि तो एक एक्शन एक थ्रिलर वाली फिल्म है। पहले सरजा पुगारू जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज दे चुके हैं जिससे उनकी हिंदी में भी काफी अच्छी फैन बेस बन चुकी है जिस तरह से मार्टिन मूवी को जब अनाउंस किया गया था तो ऑडियंस उसी टाइम से फिल्म का बेसब्री से वेट कर रही है फिल्म के लिए एक्साइटेड है और फिल्म का काफी जो कि लंबे अरसे फिल्म के, के लिए एक्साइटेड है इस फिल्म को डिले किया गया है फिल्म की शूटिंग की वजह से अब फाइनली फिल्म की शूटिंग भी कंप्लीट करवा ली गई है तो फाइनली आगे बात कर लेते हैं फिल्म के बारे में तो ये एक एक्शन थ्रिलर जोना की फिल्म है और फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं ए बी अर्जुन तो यहाँ पर इन्होंने कौन कौन सी मूवीज़ पहले बना चुके हैं उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर वो भी आप आपको बता देता हूँ उन्होंने इससे पहले जो कि कौन कौन सी मूवी बनाई है तो यहाँ पर उन्होंने इससे पहले टू में फ़िल्म रिलीज़ हुई थी किस उस मूवी को बना चुके है जो कि अभी रिलीज़ हिंदी में भी हो चुकी है हिंदी में भी काफ़ी अच्छा से उनको रिस्पॉन्स मिला है जो कि ये फाइनली आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी जिसके अंदर आपको कास्ट में देखने को मिले थी शरीला साथी अपूर्वा अपूर्वा और गौड़ा और यहाँ पर साथ ही विरात देखने को मिले थे तो ये फिल्म किस भी हिंदी के अंदर ऑफिशियली रिलीज़ करवा दी गई यूट्यूब के ऊपर अगर आप दोस्त देखना चाहते हैं कि रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वाली फिल्म है इस फिल्म को भी देख सकते हो तो यहाँ पर आप मार्टिन मूवी को अब डायरेक्ट कर चुके हैं अधूरी मूवी थी और यहाँ पर मिस्टर अरवाटा फिल्म थी और भी काफ़ी सारी मूवीज़ को डायरेक्ट कर चुके हैं तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करें फिल्म यानी मार्टिन मूवी के बारे में तो फिल्म को डायरेक्ट किया है पी अर्जुन ने और इस फिल्म को जो कि एडिट किया हुआ है के एम प्रकाश ने और फिल्म को लैंग्वेज जो कि कड़ा में शूट किया गया था और बाकी लैंग्वेज में इस फिल्म को डॉप्ट किया गया है और यहाँ पर म्यूजिक दिया रवि बसूर ने और सॉन्ग्स को म्यूजिक दिया महानी शर्मा ने ये दोनों काफ़ी कमाल के जो कि म्यूजिशन है काफ़ी अच्छा म्यूजिक देते हैं जो कि महानी शर्मा भी कन्ना लैंग्वेज के काफ़ी अच्छे म्यूजिक देते हैं सॉन्ग्स वगैरह को भी और यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूज़िक में जो कि रवि बसूर म्यूजिक दे रहे हैं और यहाँ पर जो कि प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वास्वी इंटरप्राइजेज और यहाँ पर उदय के मेहता प्रोडक्शन कंपनीज हैं और यहाँ पर आगे बात करें फिल्म के बारे में तो मार्टिन एक इंडियन कन्नड़ा लैंग्वेज अपकमिंग जो कि लैंग्वेज की फिल्म है जो कि एक्शन थ्रिलर वाली डायरेक्ट किया है ए पी अर्जुन ने स्टोरी को राइट किया अर्जुन सरजा ने जो कि अर्जुन सरजा एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और यहाँ पर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जो कि उदय के मेहता ने तो यहाँ पर स्टार कास्ट में हमें देखने को मिले ध्रुआ सरजा और यहाँ पर बैवीका संदीला अविनाश जैन सरकुठी वागले और यहाँ पर अच्योतन कुमार और यहाँ पर नितिन धीर हमें देखने को मिले हैं तो यहाँ पर जो कि इस फिल्म के बारे में बता दो फिल्म मोटोग्राफी है सत्या हेग्र ने एडिट किया इस फिल्म को के एम प्रकाश ने और यहाँ पर म्यूज़िक दिया रवि बसरू ने और सॉन्ग्स को म्यूज़िक दिया मानी शर्मा ने प्रोडक्शन कंपनी फ़िल्म की वासी जो कि वासी इंटरप्राइज़ और द के मेहता प्रोडक्शन कंपनीज हैं और फिल्म को ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में यानी दो हज़ार चौबीस में इस फिल्म को फाइनली रिलीज़ करवाया जाने वाला है जी हाँ दोस्तों अब ये फ़ाइनली हिंदी में भी रिलीज़ हो रही है तो आप दोस्तों को बता दो चूँकि इस फिल्म को जब अनाउंस किया गया था ना इस फिल्म को जो कि लगभग काफ़ी टाइम पहले इस फ़िल्म को अनाउंस कर दिया गया था लगभग इस फिल्म को 2021 में इस फिल्म को अनाउंस किया गया था जो कि इस फिल्म का उस टाइम पे नाम भी अनाउंस कर दिया गया था मार्टिन मूवी रखी जाने वाली थी जो कि इस फिल्म को सारा कुछ वहां पे अनाउंस किया गया था तो इस फिल्म की स्टोरी को जो कि रिविल्स थोड़ा बहुत कर दिया गया है क्योंकि इस फिल्म के जो ट्रेलर इस फिल्म का फास्ट टीज़र आउट किया गया था ना उसी में इस फिल्म की स्टोरी को दिखाया गया जो कि पाकिस्तान के कुछ सीन को दिखाया गया है जो कि जेल वाले सीन को और यहाँ पर कुछ आपको इंडिया के सीन्स भी देखने को मिल जाएंगे ब्लैक एक बार की डीलिंग को इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है तो बात करें इस फिल्म की स्टोरी के बारे में जिस तरह इस फिल्म का ट्रेलर आउट किया गया ना इस फिल्म के अंदर जो कि मार्टिन यानी ध्रुव सज है एक अंडरकवर जो कि एजेंट देखने को मिलेंगे और वो यहां पर जो कि माफिया यानी ड्रग डीलर और यहाँ पर उनको कैसे प, उनका जो कि मार्केट ब्लैक मार्किटो होती है ना उसको कैसे उनका पर्दाफाश करते हैं ये सारा को दिखाया गया है और वो पाकिस्तान में जेल जो कि पाकिस्तान की जेल में कैसे पहुँचते हैं और वहाँ से कैसे निकलते हैं ये सारा कुछ फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा और फिल्म के अंदर एक्शन सीन्स आपको नेक्स्ट लेवल देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर इस फिल्म के अंदर आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जैसे एक्शन के साथ साथ जो कि गाड़ियों वाले सीन जो कि चेसिंग वाले सीन्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं जिस तरह ट्रेलर के अंदर दिखाया या गया है ओवरऑल देखा जाए तो टीजर जो निकल के आया था काफ़ी एक्साइटेड था काफ़ी प्रॉमिसिंग था तो यहाँ पर जो कि द्रुआ सज्जा का लुक भी और साथ ही ध्रुआ सज्जा की एक्टिंग भी नेक्स्ट लेवल देखने को मिली है तो यहाँ पर आगे थोड़ा सा बात कर लें कास्ट के बारे में तो यहाँ पर द्रुआ सजा जो कि इस फिल्म के अंदर जो कि अर्जुन का रोल प्ले कर है। रहे हैं और यहाँ पर वैभिका संदीला हैं और यहाँ पर अविनाश जैन हैं श्रुकृति वागले है चिकन्ना है सदु को किला है और मलवी का अविनाश है और के कहतर अच्युतन कुमार हैं जो कि एक अशोक का रोल प्ले कर और यहाँ पर वो एक नेवी ऑफिसर हैं और यहाँ पर नितिन धीरे हैं नवाब शाह हैं जो कि रोहित पठाक हैं और जो कि वो सोल्जर का रोल प्ले करें जो कि पाकिस्तानी सोल्जर होते हैं यहां न, है और यहाँ पर नाथन जॉन्स हैं और यहाँ पर रोबिल मॉस्को हैं जो कि जो दोनों रेसलर हैं फिल्म के अंदर जो कि टीज़र में दिखाया गया था जो कि मार्टिन यानी ध्रुआ सर इस फिल्म के अंदर उनके साथ लड़ता हुआ दिखाई दिया है तो जिस तरह से दिखाया गया उनके जो कि लुक को और जिस तरह से दोन दो बड़े रेसलर के साथ उनको लड़वाया गया जिस तरह से उनकी जो कि ताकत को दिखाया गया कि मार्टिन कितना बड़ा जो कि एक योद्धा है और वो कितना बड़ा जो कि ताकतरवर जो कि ऑफिसर है और कितना वो के, जो कि ताकत झेल सकता है ये सारा को दिखाया गया है तो टीज़र ओवरऑल काफ़ी अच्छा था तो फाइनली इस फिल्म की जो शूटिंग की बात करें तो इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह थी ना वो पूरी तरह से अब कंप्लीट हो चुकी है सॉन्ग्स वगैरह का भी थोड़ा बहुत काम रहता था अब फाइनली कंप्लीट हो चुका है और फिल्म की जो कि अब साउंड ट्रैकिंग वगैरह के ऊपर भी काम कम्प्लीट हो चुका है और बाकी फिल्म की जो कि पोस्ट प्रोडक्शन और एडिटिंग के ऊपर अभी काम चल रहा है और यहाँ पर रवि बसरू ने म्यूज़िक वगैरह दिया है जो बैकग्राउंड का और यहाँ पर मानी शर्मा ने जो कि फिल्म सॉन्ग के एल्बम वगैरह को जो कि सारा कुछ यहाँ पर काम किया हुआ है और यहाँ पर वगैरह सारे वगैरह जो कि यहाँ पर ल्लारी म्यूज़िक और टी सीरीज़ के जो हिंदी राइट्स वगैरह को खरीदा हुआ है टी सीरीज ने जो कि सॉन्ग्स वगैरह को हिंदी वर्जन के जो भी हैं उन्होंने खरीदा हुआ है तो बाकी लैंग्वेज करना तमिल तेलगू और मलयालम के लैंग्वेज में भी, भी सॉन्ग्स वगैरह हैं तो यहाँ पर बात करें मार्टिन मूवी की तो अब फाइनली फिल्म को जो शेड्यूल्ड किया गया था पहले 2023 में फरवरी में इस फिल्म को रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन उस टाइम पे फिल्म को जो कि शूटिंग वगैरह कंप्लीट ना होने की वजह से फिल्म को उस टाइम पे रिलीज़ नहीं करवाया गया और यहां पर 23 फरवरी फेब्ररी को का जो फर्स्ट टीजर भी आउट किया गया था और यहाँ पर अभी तक सेवेंटी जो कि मिलियन व्यूज़ भी ले चुका है विद इन जो कि थ्री मंथ्स जो कि थ्री डेज के अंदर सेवेंटी मिलियन जो कि टीजर ने व्यूज़ हासिल किए थे और वो काफ़ी कमाल का जो कि रिकॉर्ड था और यहाँ पर बाकी फिल्म को वैसे तो कन्नाडा लैंग्वेज में शूट किया गया था बाकी जो कि फिल्म को डब्ड वर्जन में जो कि तमिल तेलगू मलयालम और हिंदी में भी फिल्म को जो कि डब्ड वगैरह भी किया गया है तो ये फाइनली जो कि फ़िल्म है जो मार्टिन हाँ इस फिल्म की जो सारा कुछ अब काम कंप्लीट हो चुका है बाकी पोस्ट प्रोडक्शन का काम रहता है और यहाँ पर एडिटिंग का काम थोड़ा बहुत रहता है तो ये फिल्म बहुत ही जल्द आपको इसी साल यानी 2024 में फाइनली देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर इस फिल्म का भी आप दोस्त अगर वेट कर रहे हो तो आप दोस्त कितना वेट करो नॉस में बता सकते हो और साथ ही आप दोस्त यानी दुर्गा सज्जा के कि कितने बड़े फ़ैन हो उनकी मूवीज़ का कितना बेसब्री से वेट करते हो ये भी अपना कुमनवास में बता सकते हो क्योंकि दोस्तों जिस तरह से मार्टिन मूवी के लिए ऑडियंस एक्साइटेड है जिस तरह से मार्टिन मूवी बेसब्री से ऑडियंस वेट कर रही है ना माइंड ब्लोइंग क्योंकि जिस तरह से मार्टिन मूवी की हाइप बनी हुई है लेकिन अभी तक मार्टिन मूवी वाले ने अभी तक इस फिल्म का ऑफिशियली ट्रेलर भी नहीं रिलीज़ किया गया है और ना ही फिल्म का जो कि ऑफिशियली जो कि कोई भी फास्ट पोस्टर या कोई न्यू पोस्टर जो कि रिलीज़ नहीं करवाया जिससे पता हो कि इस फिल्म की जो रिलीज़ है ना वो कंफर्म कर दी जाए तो ये इतना कंफर्म हो चुका है ये फिल्म आपको इसी साल यानी 2024 में देखने को मिल जाएगी तो फाइनली ये फिल्म अब आपको इसी साल यानी 2024 में ही देखने को मिलेगी क्योंकि इस फिल्म की जो कि सारा कुछ रिलीज़ सारा कुछ कंप्लीट करवा लिया गया है क्योंकि इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह तो कंप्लीट हो चुकी है अब ये फिल्म इसी साल दो में देखने को मिल जाएगी और फिल्म का ट्रेलर भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा और फिल्म की जो ऑफिशियली रिलीज़ डेट है ना वो भी कन्फर्म कर दी जाएगी तो अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड हो मार्टिन मूल के लिए एक्साइटेड हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि जैसे इस फिल्म से रिलेटेड और भी अपडेट्स निकल के आते हैं तो इस चैनल पर मिल जाएंगी अपडेट्स रह, अपडेटेड रहने के लिए आप लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी दबा सकते हो और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर सकते हो क्योंकि इस वीडियो में आपको मार्टिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट्स मिली हैं ये आपको आ, बाकी चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगी लेकिन जो भी न्यू अपडेट्स आएंगी जैसे ऑफिशियली रिलीज़ डेट कन्फर्म होती है तो वो भी इस चैनल पर मिल जाएगी तो आप उसने लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है अपडेटेड रहना है और न्यू अपडेट्स के लिए लाजमी कर देना है क्योंकि मार्टिन मूवी में आपको द्रुआ सज्जा का लुक काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलेगा और आपको जिस तरह से फास्ट फिल्म का जो कि क्लिप्स देखने को मिला था ना म्यूज़िक सुनने को मिला था माइंड ब्लोइंग था और यहाँ पर मार्टिन यानी द्रुआ सज्जा की लुक भी काफ़ी आउटस्टैंडिंग थी साथ ही उनके बॉडी पर जो हमें इंडियन के टैटूज वगैरह भी देखने को मिले थे वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे तो अपडेट्स रहने के लिए आपने लादमी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को भी लाइक करना है और जैसे इस उनकी ऑफिस डेट कन्फर्म होती है वो भी इस चैनल पर अपडेट्स मिल जाए वेलकम बैक दी अनदर वीडियो तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो कि कन्नड़ा लैंग्वेज की फिल्म मार्टिन मोई के बारे में थोड़ा सा गला ख़राब है उसके लिए माइंड मत करना है यहाँ पर दोस्तों बात कर रहा हूँ मार्टिन मोई के बारे में जो कि एक कन्नड़ा लैंग्वेज की फिल्म है और ये एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म है और को जो कि फाइनली अब रिलीज़ करवाया जाने वाला है हिंदी के अंदर भी और बाकी सारी साउथ लैंग्वेज में भी और फिल्म को जो कि पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करवाया जाएगा तो फाइनली अब यह फिल्म कहां पर देखने को मिलेगी और यह फिल्म हिंदी में कौन सी डेट को रिलीज हो रही है तो आप आपको बता दो में अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर कोई भी मूवी यानी मार्टिन मूवी को देखने के लिए आया तो आप आपको बता दो इस वीडियो के अंदर कोई भी मार्टिन मूवी आपको नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ मार्टिन मूवी के अननाउन फैक्ट्स के बारे में बताया जाएगा और के डिटेल्स के बारे में ऊपर बात की जीत की जाने वाली फिल्म के अननाउन फैक्ट्स और यहां पर इस फिल्म के बारे में यह भी बताया जाएगा कि इस फिल्म को हिंदी में भी

लंबे अरसे से जो कि के इस लिए एक्साइटेड है फिल्म को डिले किया गया है फिल्म की शूटिंग की वजह से अब फाइनली फिल्म की शूटिंग भी कम्प्लीट करवा ली गई है तो फाइनली आगे बात कर लेते हैं फिल्म के बारे में तो ये एक एक्शन थ्रिलर जोना की फिल्म है और फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं ए बी अर्जुन तो यहाँ पर इन्होंने कौन कौन सी मूवीज़ पहले बना चुके हैं उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर वो भी आप आपको बता देता हूँ उन्होंने इससे पहले जो कि कौन कौन सी मूवी बनाई है तो यहाँ पर उन्होंने इससे पहले टू में फिल्म रिलीज़ हुई थी किस उस मूवी को बना चुके है जो कि अभी रिलीज़ हिंदी में भी हो चुकी है हिंदी में भी काफ़ी अच्छा से को रिस्पॉन्स मिला है जो कि ये फ़ाइनली आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी जिसके अंदर आपको कास्ट में देखने को मिले थी श्रीला साथ ही अपूर्वा अपर्वा और गौड़ा और यहाँ पर साथ ही विरात देखने को मिले थे तो ये फिल्म किस भी हिंदी के अंदर ऑफिशियली रिलीज़ करवा दी गई यूट्यूब के ऊपर अगर आप दोस्त देखना चाहते हैं कि रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वाली फिल्म है इस फिल्म को भी देख सकते हो तो यहाँ पर आप मार्टिन मूवी को अब डायरेक्ट कर चुके हैं अधूरी मूवी थी और यहाँ पर मिस्टर अरवाटा फिल्म थी और भी काफ़ी सारी मूवीज़ को डायरेक्ट कर चुके हैं तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करें फिल्म यानी मार्टिन मूवी के बारे में तो फिल्म को डायरेक्ट किया है पी अर्जुन ने और इस फिल्म को जो कि एडिट किया हुआ है के एम प्रकाश ने और फिल्म को लैंग्वेज जो कि कड़ा में शूट किया गया था और बाकी लैंग्वेज में इस फिल्म को अडॉप्ट किया गया है और यहाँ पर म्यूजिक दिया रवि बसूर ने और सॉन्ग्स को म्यूजिक दिया महानी शर्मा ने ये दोनों काफी कमाल के जो कि म्यूजिशन है काफी अच्छा म्यूजिक देते हैं जो कि महानी शर्मा भी कन्ना लैंग्वेज के काफ़ी अच्छे म्यूजिक देते हैं सॉन्ग्स वगैरह को भी और यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक में जो कि रवि बसूर म्यूजिक दे रहे हैं और यहाँ पर जो कि प्रोडक्शन कंपनीज हैं वास्वी इंटरप्राइजेज और यहाँ पर उदय के मेहता प्रोडक्शन कंपनीज हैं और यहाँ पर आगे बात करें फिल्म के बारे में तो मार्टिन एक इंडिया एंड कनाडा लैंग्वेज अपकमिंग जो कि लैंग्वेज की फिल्म है जो कि एक्शन थ्रिलर वाले डायरेक्ट किया है ए पी अर्जुन ने स्टोरी को राइट किया अर्जुन सरजा ने जो कि अर्जुन सरजा एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और यहाँ पर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जो कि उदय के मेहता ने तो यहाँ पर स्टार कास्ट में हमें देखने को मिला द्रुआ सरजा और यहाँ पर वैबी संदीला अविनाश जैन सरकुठी वागले और यहाँ पर अच्योतन कुमार और यहाँ पर नितिन धीर हमें देखने को मिले हैं तो यहाँ पर जो कि इस फिल्म के बारे में बता दो फिल्म आटोग्राफी की है सत्या हैगर ने एडिट किया है इस फिल्म को के एम प्रकाश ने और यहाँ पर म्यूज़िक दिया रवि बसरू ने और सॉन्ग्स को म्यूज़िक दिया मानी शर्मा ने प्रोडक्शन कंपनी इस फ़िल्म की वासी जो कि वासी इंटरप्राइज और द के मेहता प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं और फिल्म को ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में यानी दो हज़ार चौबीस में इस फिल्म को फाइनली रिलीज़ करवाया जाने वाला है जी हाँ दोस्तों अब ये फाइनली हिंदी में भी रिलीज़ हो रही है तो आप दोस्तों को बता दो चुके इस फिल्म को जब अनाउंस किया गया था ना इस फिल्म को जो कि लगभग काफ़ी टाइम पहले इस फिल्म को अनाउंस कर दिया गया था लगभग इस फिल्म को 2021 में इस फिल्म को अनाउंस किया गया था जो कि इस फिल्म का उस टाइम पे नाम भी अनाउंस कर दिया गया था मार्टिन मूवी रखी जाने वाली थी जो कि इस फिल्म को सारा कुछ वहां पे अनाउंस किया गया था, था तो इस फिल्म की स्टोरी को जो कि रिविल्स थोड़ा बहुत कर दिया गया है क्योंकि इस फिल्म के जो ट्रेलर इस फिल्म का फर्स्ट टीज़र आउट किया गया था ना उसी में इस फिल्म की स्टोरी को दिखाया गया जो कि पाकिस्तान के कुछ सीन को दिखाया गया है जो कि जेल वाले सीन को और यहाँ पर कुछ आपको इंडिया के सीन्स भी देखने को मिल जाएंगे ब्लैक डीलिंग को फिल्म के अंदर दिखाया गया है तो बात करें की स्टोरी के बारे में जिस तरह इस का ट्रेलर आउट किया गया ना इस फिल्म के अंदर जो कि मार्टिन ध्रुआ सज्जा एक अंडर कवर जो एजेंट देखने को मिलेंगे और वो यहां पर जो कि माफिया यानी ड्रग डीलर और यहाँ पर उनको कैसे प, उनका जो कि मार्केट ब्लैक मार्किट हो, होती है ना उसको कैसे उनका पर्दाफाश करते हैं ये सारा को दिखाया गया है और वो पाकिस्तान में जेल जो कि पाकिस्तान की जेल में कैसे पहुँचते हैं और वहाँ से कैसे निकलते हैं ये सारा कुछ फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा और फिल्म के अंदर एक्शन सीन्स आपको नेक्स्ट लेवल देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर इस फ़िल्म के अंदर आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जैसे एक्शन के साथ साथ जो कि गाड़ियों वाले सीन जो कि चेसिंग वाले सीन्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं जिस तरह ट्रेलर के अंदर दिखाया आया गया है ओवरऑल देखा जाए तो टीजर जो निकल के आया था काफी एक्साइटेड था काफी प्रोमिसिंग था तो यहाँ पर जो कि द्रुआ सज्जा का लुक भी और साथ ही द्रुआ सज्जा की एक्टिंग भी नेक्स्ट लेवल देखने को मिली है तो यहाँ पर आगे थोड़ा सा बात कर लें कास्ट के बारे में तो यहाँ पर द्रुआ सरजा जो कि इस फिल्म के अंदर जो कि अर्जुन का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर वैभिका संदीला हैं और यहाँ पर अविनाश जैन है सुरुकृति वागले है चिकन्ना है साधु को किला है और मलवी का अविनाश है और फिल्म के अंदर अच्युतन कुमार हैं जो कि एक अशोक का रोल प्ले कर और यहाँ पर वक् एक नेवी ऑफिसर हैं और यहाँ पर नितिन धीर हैं नवाब शाह हैं Uh, जो कि रोहित पठाक हैं और जो कि वो सोल्जर का रोल प्ले करें जो कि पाकिस्तानी सोल्जर होते हैं और यहाँ पर नाथन जॉन्स हैं और यहाँ पर रोबिल मॉस्को हैं जो कि जो दोनों रेसलर हैं फिल्म के अंदर जो कि टीजर में दिखाया गया था जो कि मार्टिन यानी ध्रुआ सर जाए फिल्म के अंदर उनके साथ लड़ता हुआ दिखाई दिया है तो जिस तरह से दिखाया गया उनके जो कि लुक को और जिस तरह से दो, दो बड़े रेसलर के साथ उनको लड़वाया गया जिस तरह से उनकी जो कि ताकत को दिखाया गया कि मार्टिन कितना बड़ा जो कि एक योद्धा है और कितना बड़ा जो कि ताकतवर जो कि ऑफिसर है और कितना वो जो कि ताकत झेल सकता है ये सारा को दिखाया गया है तो टीज़र ओवरऑल काफ़ी अच्छा था तो फाइनली इस फिल्म की जो शूटिंग की बात करें तो इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह थी ना वो पूरी तरह से अब कंप्लीट हो चुकी है सॉन्ग्स वगैरह का भी थोड़ा बहुत काम रहता था अब फाइनली कंप्लीट हो चुका है और फिल्म की जो कि अब साउंड ट्रैकिंग वगैरह के ऊपर भी काम कम्प्लीट हो चुका है और बाकी फ़िल्म की जो कि पोस्ट प्रोडक्शन और एडिटिंग के ऊपर अभी काम चल रहा है और यहाँ पर रवि बसरू ने म्यूज़िक वगैरह दिया जो बैकग्राउंड का और यहाँ पर मानी शर्मा ने जो कि फिल्म सॉन्ग के एल्बम वगैरह को जो कि सारा कुछ यहाँ पर काम किया हुआ है और यहाँ पर जो सॉन्ग ट्रिंग वगैरह सारे वगैरह जो कि यहाँ पर लहारी म्यूजिक और टी सीरीज़ के जो हिंदी राइट्स वगैरह को खरीदा हुआ है टी सीरीज ने जो कि सॉन्ग्स वगैरह को हिंदी वर्जन के जो भी हैं उन्होंने ख़रीदा हुआ है तो बाकी लैंग्वेज करना तमिल तेलुगु और मलयालम के लैंग्वेज में भी, भी सॉन्ग्स वगैरह हैं तो यहाँ पर बात करें मार्टिन मूवी की तो अब फाइनली फिल्म को जो शेड्यूल्ड किया गया था पहले दो में फेबर में इस फिल्म को रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन उस टाइम पर फिल्म को जो कि शूटिंग वगैरह कम्प्लीट ना होने की वजह से फिल्म को उस टाइम पर रिलीज़ नहीं करवाया गया और यहाँ पर ट्वेंटी थ्री फेब्ररी को इस का जो फर्स्ट टीजर भी आउट किया गया था और यहाँ पर अभी तक सेवेंटी जो कि मिलियन व्यूज़ भी ले चुका है विद इन जो कि थ्री मंथ्स जो कि थ्री डेज के अंदर सेवेंटी मिलियन जो कि टीजर ने व्यूज़ हासिल किए थे और वो काफ़ी कमाल का जो कि रिकॉर्ड था और यहाँ पर बा, बाकी फिल्म को वैसे तो कन्नाड़ा लैंग्वेज में शूट किया गया था बाकी जो कि फ़िल्म को डॉप्ट वर्जन में जो कि तमिल तेलगु मलयालम और हिंदी में भी फिल्म को जो कि डॉप्ट वगैरह भी किया गया है तो ये फाइनली जो कि फ़िल्म है जो मार्टिन है इस फिल्म की जो सारा कुछ अब काम कंप्लीट हो चुका है बाकी पोस्ट प्रोडक्शन का काम रहता है और यहाँ पर एडिटिंग का काम थोड़ा बहुत रहता है तो ये फिल्म बहुत ही जल्द आपको इसी साल यानी दो में फाइनली देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर इस फिल्म का भी आप दोस्त अगर वेट कर रहे हो तो आप दोस्त कितना वेट करो कम नवास में बता सकते हो और साथ ही आप दोस्त यानी दुर्वा सज्जा के कि कितने बड़े फ़ैन हो उनकी मूवीज़ का कितना बेसब्री से वेट करते हो ये भी अपना कुमनवास में बता सकते हो क्योंकि दोस्तों जिस तरह से मार्टिन मूवी के लिए ऑडियंस एक्साइटेड है जिस तरह से मार्टिन मूवी बेसब्री से ऑडियंस वेट कर रही है ना माइंड ब्लोइंग क्योंकि जिस तरह से मार्टिन मूवी की हाइप बनी हुई है लेकिन अभी तक मार्टिन मूवी वाले ने अभी तक इस फिल्म का ऑफिशियली ट्रेलर भी नहीं रिलीज़ किया गया है और ना ही फिल्म का जो कि ऑफिशियली जो कि कोई भी फास्ट पोस्टर या कोई न्यू पोस्टर जो कि रिलीज़ नहीं करवाया जिससे पता हो कि इस फिल्म की जो रिलीज़ है ना वो कंफर्म कर दी जाए तो ये इतना कंफर्म हो चुका है ये फिल्म आपको इसी साल यानी 2024 में देखने को मिल जाएगी तो फाइनली ये फिल्म अब आपको इसी साल यानी 2024 में ही देखने को मिलेगी क्योंकि इस फिल्म की जो कि सारा कुछ रिलीज़ सारा कुछ कंप्लीट करवा लिया गया है क्योंकि इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह तो कंप्लीट हो चुकी है अब ये फिल्म इसी साल दो में देखने को मिल जाएगी और फिल्म का ट्रेलर भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा और फिल्म की जो ऑफिशियली रिलीज़ डेट है ना वो भी कन्फर्म कर दी जाएगी तो आप दोस्त इंटरेस्टेड हो मार्टिन मूल के लिए एक्साइटेड हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि जैसे इस फिल्म से रिलेटेड और भी अपडेट्स निकल के आते हैं तो इस चैनल पर मिल जाएंगी अपडेट्स अपडेट रह, रहने के लिए आप लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी दबा सकते हो और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर सकते हो क्योंकि इस वीडियो में आपको मार्टिंग न्यूज रिलेटेड जो भी अपडेट्स मिली हैं ये आपको आ, बाकी चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगी लेकिन जो भी न्यू अपडेट्स आएंगी जैसे ऑफिशियली रिलीज डेट कन्फर्म होती है तो वो भी इस चैनल पर मिल जाएगी तो आप उसने लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है अपडेटेड रहना है और न्यू अपडेट्स के लिए लाजमी कर देना है क्योंकि मार्टिन मूवी में आपको द्रुआ सज्जा का लुक काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलेगा और आपको जिस तरह से फास्ट इस फिल्म का जो कि क्लिप्स देखने को मिला था ना म्यूजिक सुनने को मिला था माइंड ब्लोइंग था और यहाँ पर मार्टिन यानी द्रुआ सज्जा की लुक भी काफ़ी आउटस्टैंडिंग थी साथ ही उनके बॉडी पर जो हमें इंडियन के टैटूज वगैरह भी देखने को मिले थे वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे तो अपडेट्स रहने के लिए आपने लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को भी लाइक करना है और जैसे इसकी ऑफिशियल रिज डेट कन्फर्म होती है वो भी इस चैनल पर अपडेट्स मिल जाए वेलकम बैक दी अनदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो कि कन्नड़ा लैंग्वेज की फिल्म मार्टिन मोई के बारे में थोड़ा सा गला ख़राब है उसके लिए माइंड मत करना है यहाँ पर दोस्तों बात कर रहा हूँ मार्टिन मोई के बारे में जो कि एक कन्नड़ा लैंग्वेज की फिल्म है और ये एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म है और को जो कि फाइनली अब रिलीज़ करवाया जाने वाला है हिंदी के अंदर भी और बाकी सारी साउथ लैंग्वेज में भी और फिल्म को जो कि पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ करवाया जाएगा तो फाइनली अब ये फ़िल्म कहाँ पर देखने को मिलेगी और ये फिल्म हिंदी में कौन सी डेट को रिलीज़ हो रही है तो आप आपको बता दो डिस् में अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर कोई भी मूवी यानी मार्टिन मूवी को देखने के लिए आया तो आप को बता दो इस वीडियो के अंदर कोई भी मार्टिन मूवी आपको नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ़ और सिर्फ मार्टिन मूवी के अननाउन फैक्ट्स के बारे में बताया जाएगा और फिल्म के डिटेल्स के बारे में ऊपर बात की जीत की जाने वाली फ़िल्म के अननाउन फैक्ट्स और यहाँ पर इस फिल्म के बारे में यह भी बताया जाएगा कि इस फिल्म को हिंदी में भी काफ़ी और कौन सी डेट को रिलीज करवाया जाने वाला है तो अगर आप तो कन्नड़ा लैंग्वेज की फिल्म मार्टिन के बारे में जो कि एक एक्शन एक थ्रिलर वाली फिल्म हैस्टर मूवीज दे चुके हैं जिससे उनकी हिंदी में भी काफी अच्छी फैन बेस बन चुकी है जिस तरह से मार्टिन मूवी को जब अनाउंस किया गया था ऑडियंस उसी टाइम से बेसब्री से वेट कर रही है फिल्म के लिए एक्साइटेड है और फिल्म का काफी जो कि लम्बे अरसे फिल्म के, के लिए एक्साइटेड है जो चूँकि फिल्म को डिले किया गया है फिल्म की शूटिंग की वजह से अब फाइनली फिल्म की शूटिंग भी कंप्लीट करवा ली गई है तो फाइनली आगे बात कर लेते हैं फिल्म के बारे में तो ये एक एक्शन थ्रिलर जोना की फिल्म है और फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं ए पी अर्जुन तो यहाँ पर इन्होंने कौन कौन सी मूवीज़ पहले बना चुके हैं उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर वो भी आप उसको बता देता हूँ उन्होंने इससे पहले जो कि कौन कौन सी मूवी बनाई है तो यहाँ पर उन्होंने इससे पहले टू में फ़िल्म रिलीज़ हुई थी किस उस मूवी को बना चुके हैं जो कि अभी रिलीज़ हिंदी में भी हो चुकी है हिंदी में भी काफ़ी अच्छा से उनको रिस्पॉन्स मिला है जो कि ये फाइनली आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी जिसके अंदर आपको कास्ट में देखने को मिले थी शरीला साथी अपर् अपूर्वा और गौड़ा और यहाँ पर साथ ही विरात देखने को मिले थे तो ये फिल्म किस भी हिंदी के अंदर ऑफिशियली रिलीज़ करवा दी गई यूट्यूब के ऊपर अगर आप दोस्त देखना चाहोते कि रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वाली फिल्म है इस फिल्म को भी देख सकते हो तो यहाँ पर आप मार्टिन मूवी को अब डायरेक्ट कर चुके हैं अधूरी मूवी थी और यहाँ पर मिस्टर अरवाटा फिल्म थी और भी काफ़ी सारी मूवीज़ को डायरेक्ट कर चुके हैं तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करें फिल्म यानी मार्टिन मूवी के बारे में तो फिल्म को डायरेक्ट किया है पी अर्जुन ने और इस फिल्म को जो कि एडिट किया हुआ है के एम प्रकाश ने और फिल्म को लैंग्वेज जो कि कड़ा में शूट किया गया था और बाकी लैंग्वेज में फिल्म को डॉप्ट किया गया है और यहाँ पर म्यूजिक दिया रवि बसूर ने और सॉन्ग्स को म्यूजिक दिया महानी शर्मा ने ये दोनों काफ़ी कमाल के जो कि म्यूजिशन है काफ़ी अच्छा म्यूजिक देते हैं जो कि महानी शर्मा भी कन्ना लैंग्वेज के काफ़ी अच्छे म्यूजिक के देते हैं सॉन्ग्स वगैरह को भी और यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक में जो कि रवि बसूर म्यूजिक दे रहे हैं और यहाँ पर जो कि प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वास्वी इंटरप्राइजेज और यहाँ पर उदय के मेहता प्रोडक्शन कंपनीज हैं और यहाँ पर आगे बात करें फिल्म के बारे में तो मार्टिन एक इंडिया एंड कनाडा लैंग्वेज अपकमिंग जो कि लैंग्वेज की फिल्म है जो कि एक्शन थ्रिलर वाली डायरेक्ट किया है सी अर्जुन ने स्टोरी को राइट किया अर्जुन सरजा ने जो कि अर्जुन सरजा एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और यहाँ पर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जो कि उदय के मेहता ने तो यहाँ पर स्टार कास्ट में हमें देखने को मिला ध्रुवा सरजा और यहाँ पर वैबिका संदीला अविनाश जैन सरकुठी वागले और यहाँ पर अच्योतन कुमार और यहाँ पर नितिन धीर हमें देखने को मिले हैं तो यहाँ पर जो कि इस फिल्म के बारे में बता दो फिल्म मोटोग्राफ़ी किया है सत्या हैगर ने एडिट किया है फिल्म को के एम प्रकाश ने और यहाँ पर म्यूज़िक दिया रवि बसरू ने और सॉन्ग्स को म्यूज़िक दिया मानी शर्मा ने प्रोडक्शन कंपनी फिल्म की वासी जो कि वासी इंटरप्राइज और दैके मेहता प्रोडक्शन कंपनीज हैं और फिल्म को ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में यानी दो हज़ार चौबीस में इस फिल्म को फाइनली रिलीज़ करवाया जाने वाला है जी हाँ दोस्तों अब ये फ़ाइनली हिंदी में भी रिलीज़ हो रही है तो आप दोस्तों को बता दो चूंकि इस फिल्म को जब अनाउंस किया गया था ना इस फिल्म को जो कि लगभग काफ़ी टाइम पहले इस फिल्म को अनाउंस कर दिया गया था लगभग इस फिल्म को 2021 में इस फिल्म को अनाउंस किया गया था जो कि इस फिल्म का उस टाइम पे नाम भी अनाउंस कर दिया गया था मार्टिन मूवी रखी जाने वाली थी जो कि इस फिल्म को सारा कुछ वहां पे अनाउंस किया गया था तो इस फिल्म की स्टोरी को जो कि रिवील थोड़ा बहुत कर दिया गया है क्योंकि जो ट्रेलर इस फिल्म का फास्ट टीज़र आउट किया गया था ना उसी में इस फिल्म की स्टोरी को दिखाया गया जो कि पाकिस्तान के कुछ सीन को दिखाया गया है जो कि जेल वाले सीन को और यहाँ पर कुछ आपको इंडिया के सीन्स भी देखने को मिल जाएंगे ब्लैक डीलिंग को फिल्म के अंदर दिखाया गया है तो बात करें फिल्म की स्टोरी के बारे में जिस तरह इस का ट्रेलर आउट किया गया ना इस फिल्म के अंदर जो कि मार्टिन यानी ध्रुआ सज्जा एक अंडर जो कि एजेंट देखने को मिलेंगे और वो यहां पर जो कि माफिया यानी ड्रग डीलर और यहाँ पर उनको कैसे पर उनका जो कि मार्केट ब्लैक मार्किट होती है ना उसको कैसे उनका पर्दाफाश करते हैं ये सारा को दिखाया गया है और वो पाकिस्तान में जेल जो कि पाकिस्तान की जेल में कैसे पहुँचते हैं और वहाँ से कैसे निकलते हैं ये सारा कुछ फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा और फिल्म के अंदर एक्शन सीन्स आपको नेक्स्ट लेवल देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर इस फ़िल्म के अंदर आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जैसे एक्शन के साथ साथ जो कि गाड़ियों वाले सीन जो कि चेसिंग वाले सीन्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं जिस तरह ट्रेलर के अंदर दिखाया या गया है ओवरऑल देखा जाए तो टीजर जो निकल के आया था काफ़ी एक्साइटेड था काफ़ी प्रॉमिसिंग था तो यहाँ पर जो कि द्रुआ सज्जा का लुक भी और साथ ही द्रुआ सज्जा की एक्टिंग भी नेक्स्ट लेवल देखने को मिली है तो यहाँ पर आगे थोड़ा सा बात कर लें कास्ट के बारे में तो यहाँ पर ध्रुआ सरजा जो कि इस फिल्म के अंदर जो कि अर्जुन का रोल प्ले कर करें और यहाँ पर वैभिका संदीला हैं और यहाँ पर अविनाश जैन हैं श्रीकृति वागले हैं चिकन्ना है को किला है और मलवी का अविनाश है और फिल्म के अंतर अच्युतन कुमार हैं जो कि एक अशोक का रोल प्ले कर और यहाँ पर वो एक नेवी ऑफिसर हैं और यहाँ पर नितिन धीर हैं नवाब शाह हैं जो कि रोहित पठाक हैं और जो कि वो सोल्जर और वो का रोल प्ले करें जो कि पाकिस्तानी सोल्जर होते हैं और यहाँ पर न, नाथन जॉन्स हैं और यहाँ पर रोबिल मॉस्को हैं जो कि जो दोनों रेसलर हैं इस फिल्म के अंदर जो कि टीजर में दिखाया गया था जो कि मार्टिन यानी ध्रुआ सर जाए फिल्म के अंदर उनके साथ लड़ता हुआ दिखाई दिया है तो जिस तरह से दिखाया गया उनके जो कि लुक को और जिस तरह से दो, दो बड़े रेसलर के साथ उनको लड़वाया गया जिस तरह से उनकी जो कि ताकत को दिखाया गया कि मार्टिन कितना बड़ा जो कि एक योद्धा है और वो कितना बड़ा जो कि ताकतवर जो कि ऑफिसर है और कितना वो जो कि ताकत झेल सकता है ये सारा को दिखाया गया है तो टीज़र ओवरऑल काफ़ी अच्छा था तो फाइनली इस फिल्म की जो शूटिंग की बात करें तो इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह थी ना वो पूरी तरह से अब कंप्लीट हो चुकी है सॉन्ग्स वगैरह का भी थोड़ा बहुत काम रहता था अब फाइनली कंप्लीट हो चुका है और फिल्म की जो कि अब साउंड ट्रैकिंग वगैरह के ऊपर भी काम कम्प्लीट हो चुका है और बाकी फ़िल्म की जो कि पोस्ट प्रोडक्शन और एडिटिंग के ऊपर अभी काम चल रहा है और यहाँ पर रवि बसरूर ने म्यूज़िक वगैरह दिया है जो बैकग्राउंड का और यहाँ पर मानी शर्मा ने जो कि फिल्म सॉन्ग के एल्बम वगैरह को जो कि सारा कुछ यहाँ पर काम किया हुआ है और यहाँ पर जो सॉन्ग ट्रेनिंग वगैरह सारे वगैरह जो कि यहाँ पर लहारी म्यूज़िक और टी सीरीज़ के जो हिंदी राइट्स वगैरह को ख़रीदा हुआ है टी सीरीज ने जो कि सॉन्ग्स वगैरह को हिंदी वर्जन के जो भी हैं उन्होंने ख़रीदा हुआ है तो बाकी लैंग्वेज करना तमिल तेलुगु और मलयालम के लैंग्वेज में भी, भी सॉन्ग्स वगैरह हैं तो यहाँ पर बात करें मार्टिन मूवी की तो अब फाइनली फिल्म को जो शेड्यूल्ड किया गया था पहले दो हज़ार तेईस में फेबर में फिल्म को रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन उस टाइम पर फिल्म को जो कि शूटिंग वगैरह कंप्लीट ना होने की वजह से फिल्म को उस टाइम पर रिलीज़ नहीं करवाया गया और यहाँ पर ट्वेंटी थ्री फेब्रवरी को इस का जो फर्स्ट टीज़र भी आउट किया गया था और यहाँ पर अभी तक सेवेंटी जो कि बिलियन व्यूज भी ले चुका है विद इन जो कि थ्री मंथ्स जो कि थ्री डेज़ के अंदर सेवेंटी मिलियन जो कि टीज़र ने व्यूज़ हासिल किए थे और वो काफ़ी कमाल का जो कि रिकॉर्ड था और यहाँ पर बाकी फ़िल्म को वैसे तो कन्नाड लैंग्वेज में शूट किया गया था बाकी जो कि इस फ़िल्म को डॉप्ट वर्जन में जो कि तमिल तेलगू मलयालम और हिंदी में भी फिल्म को जो कि डॉप्ट वगैरह भी किया गया है तो ये फाइनली जो कि फ़िल्म है जो मार्टिन हाँ इस फिल्म की जो सारा कुछ अब काम कंप्लीट हो चुका है बाकी पोस्ट प्रोडक्शन का काम रहता है और यहाँ पर एडिटिंग का काम थोड़ा बहुत रहता है तो ये फिल्म बहुत ही जल्द आपको इसी साल यानी दो में फाइनली देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर इस फिल्म का भी आप दोस्त अगर वेट कर रहे हो तो आप दोस्त कितना वेट करो कमनवास में बता सकते हो और साथ ही आप दोस्त यानी दुर्वा सज्जा के कि कितने बड़े फ़ैन हो उनकी मूवीज़ का कितना बेसब्री से वेट करते हो ये भी अपना कुमनवास में बता सकते हो क्योंकि दोस्तों जिस तरह से मार्टिन मूवी के लिए ऑडियंस एक्साइटेड है जिस तरह से मार्टिन मूवी बेसब्री से ऑडियंस वेट कर रही है ना माइंड ब्लोइंग क्योंकि जिस तरह से मार्टिन मूवी की हाइप बनी हुई है लेकिन अभी तक मार्टिन मूवी वाले ने अभी तक इस फिल्म का ऑफिशियली ट्रेलर भी नहीं रिलीज़ किया गया है और ना ही फिल्म का जो कि ऑफिशियली जो कि कोई भी फास्ट पोस्टर या कोई न्यू पोस्टर जो कि रिलीज़ नहीं करवाया जिससे पता हो कि इस फिल्म की जो रिलीज़ है ना वो कंफर्म कर दी जाए तो ये इतना कंफर्म हो चुका है ये फिल्म आपको इसी साल यानी 2024 में देखने को मिल जाएगी तो फाइनली ये फिल्म अब आपको इसी साल यानी 2024 में ही देखने को मिलेगी क्योंकि इस फिल्म की जो कि सारा कुछ रिलीज़ सारा कुछ कंप्लीट करवा लिया गया है क्योंकि इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह तो कंप्लीट तो हो चुकी है अब ये फिल्म इसी साल दो में देखने को मिल जाएगी और फिल्म का ट्रेलर भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा और फिल्म की जो ऑफिशियली रिलीज़ डेट है ना वो भी कन्फर्म कर दी जाएगी तो अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड हो मार्टिन मूल के लिए एक्साइटेड हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि जैसे इस फिल्म से रिलेटेड और भी अपडेट्स निकल के आते हैं तो इस चैनल पर मिल जाएंगी अपडेट्स रह, अपडेटेड रहने के लिए आप लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी दबा सकते हो और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर सकते हो क्योंकि इस वीडियो में आपको मार्टिंग न्यूज रिलेटेड जो भी अपडेट्स मिली हैं ये आपको आ, बाकी चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगी लेकिन जो भी न्यू अपडेट्स आएंगी जैसे ऑफिशियली रिलीज़ डेट कन्फर्म होती है तो वो भी इसी चैनल पर मिल जाएगी तो आप उसने लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है अपडेटेड रहना है और न्यू अपडेट्स के लिए लाजमी कर देना है क्योंकि मार्टिन मूवी में आपको द्रुआ सज्जा का लुक काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलेगा और आपको जिस तरह से फास्ट स्लम का जो क्लिप्स देखने को मिला था ना म्यूजिक सुनने को मिला था माइंड ब्लोइंग था और यहाँ पर मार्टिन यानी द्रुआ सज्जा की लुक भी काफ़ी आउटस्टैंडिंग थी साथ ही उनके बॉडी पर जो हमें इंडियन के टैटू वगैरह भी देखने को मिले थे वो भी काफी अच्छे लग रहे थे तो अपडेट्स रहने के लिए आपने लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को भी लाइक करना है और जैसे इसकी डेट कन्फर्म होती है वो भी इस चैनल पर अपडेट्स मिल जाए वेलकम बैक दी अनदर वीडियो तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो कि कन्नड़ा लैंग्वेज की फिल्म मार्टिन मोई के बारे में थोड़ा सा गला ख़राब है उसके लिए माइंड मत करना है यहाँ पर दोस्तों बात कर रहा हूँ मार्टिन मोई के बारे में जो कि एक कन्नाड़ा लैंग्वेज की फिल्म है और ये एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म है और इस फिल्म को जो कि फाइनली अब रिलीज़ करवाया जाने वाला है हिंदी के अंदर भी और बाकी सारी साउथ लैंग्वेज में भी और इस फिल्म को जो कि पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ करवाया जाएगा तो फाइनली अब ये फ़िल्म कहाँ पर देखने को मिलेगी और ये फिल्म हिंदी में कौन सी डेट को रिलीज़ हो रही है तो आप आपको बता दो डिस में अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर कोई भी मूवी यानी मार्टिन मूवी को देखने के लिए आया तो आप उसको बता दो इस वीडियो के अंदर कोई भी मार्टिन मूवी आपको नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ मार्टिन मूवी के अन फैक्ट्स के बारे में बताया जाएगा और फिल्म की डिटेल्स के बारे में ऊपर बात की जीत की जाने वाली फ़िल्म के अन फैक्ट्स और यहाँ पर इस फिल्म के बारे में यह भी बताया जाएगा कि इस फ़िल्म को हिंदी में भी का और कौन सी डेट को रिलीज करवाया जाने वाला है तो अगर आप दोस्तों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो यहाँ पर हम दोस्तों बात कर रहे हैं कन्नड़ा लैंग्वेज की फिल्म मार्टिन के बारे में जो कि एक एक्शन एक थ्रिलर वाली फिल्म है इससे पहले जो कि ध्रुआ सरजा पुगारू जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज दे चुके हैं जिससे उनकी हिंदी में भी काफ़ी अच्छी फैन बेस बन चुकी है जिस तरह से मार्टिन मूवी को जब अनाउंस किया गया था तो ऑडियंस उसी टाइम से इस फिल्म का बेसब्री से वेट कर रही है फिल्म के लिए एक्साइटेड है और फिल्म का काफ़ी जो कि लंबे अरसे से जो कि के, के लिए एक्साइटेड है कि फिल्म को डिले किया गया है फिल्म की शूटिंग की वजह से अब फाइनली फिल्म की शूटिंग भी कंप्लीट करवा ली गई है तो फाइनली आगे बात कर लेते हैं फिल्म के बारे में तो ये एक एक्शन थ्रिलर जोरा की फ़िल्म है और फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं ए बी अर्जुन तो यहाँ पर इन्होंने कौन कौन सी मूवीज़ पहले बना चुके हैं उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर वो भी आप आपको बता देता हूँ उन्होंने इससे पहले जो कि कौन कौन सी मूवी बनाई है तो यहाँ पर उन्होंने इससे पहले टू में फ़िल्म रिलीज़ हुई थी किस उस मूवी को बना चुके है जो कि अभी रिलीज़ हिंदी में भी हो चुकी है हिंदी में भी काफ़ी अच्छा से उनको रिस्पॉन्स मिला है जो कि ये फाइनली आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी जिसके अंदर आपको कास्ट में देखने को मिले थी शरीला साथी अपूर्वा अपर्वा और गौड़ा और यहाँ पर साथ ही विरात देखने को मिले थे तो ये फिल्म किस भी हिंदी के अंदर ऑफिशियली रिलीज़ करवा दी गई यूट्यूब के ऊपर अगर आप दोस्त देखना चाहोते कि रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वाली फिल्म है इस फिल्म को भी देख सकते हो तो यहाँ पर आप मार्टिन मूवी को अब डायरेक्ट कर चुके हैं अधूरी मूवी थी और यहाँ पर मिस्टर अरवाटा फिल्म थी और भी काफ़ी सारी मूवीज़ को डायरेक्ट कर चुके हैं तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करें इस फिल्म यानी मार्टिन मूवी के बारे में तो फिल्म को डायरेक्ट किया है पी अर्जुन ने और इस फिल्म को जो कि एडिट किया हुआ है के एम प्रकाश ने और इस फिल्म को लैंग्वेज जो कि कड़ा में शूट किया गया था और बाकी लैंग्वेज में इस फिल्म को डॉप्ट किया गया है और यहाँ पर म्यूजिक दिया रवि बसूर ने और सॉन्ग्स को म्यूजिक दिया महानी शर्मा ने ये दोनों काफ़ी कमाल के जो कि म्यूजिशन है काफ़ी अच्छा म्यूजिक देते हैं जो कि महानी शर्मा भी कन्ना लैंग्वेज तो के काफ़ी अच्छे म्यूजिक देते हैं सॉन्ग्स वगैरह को भी और यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूज़िक में जो कि रवि बसूर म्यूज़िक दे रहे हैं और यहाँ पर जो कि प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वास्वी इंटरप्राइजेज और यहाँ पर यू उदय के मेहता प्रोडक्शन कंपनीज हैं और यहाँ पर आगे बात करें फिल्म के बारे में तो मार्टिन एक इंडियन कन्नड़ा लैंग्वेज अपकमिंग जो कि लैंग्वेज की फिल्म है जो कि एक्शन थ्रिलर वाली डायरेक्ट किया है सिंह को ए पी अर्जुन ने स्टोरी को राइट किया अर्जुन सरजा ने जो कि अर्जुन सरजा एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और यहाँ पर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जो कि उदय के मेहता ने तो यहाँ पर स्टार कास्ट में हमें देखने को मिले ध्रुआ सरजा और यहाँ पर वैबिका संदीला अविनाश जैन सरकुठी वागले और यहाँ पर अच्योतन कुमार और यहाँ पर नितिन धीर हमें देखने को मिले हैं तो यहाँ पर जो कि इस फिल्म के बारे में बता दो फिल्म मोटोग्राफी है सत्या हेग्र ने एडिट किया है इस फिल्म को के एम प्रकाश ने और यहाँ पर म्यूज़िक दिया रवि बसरू ने और सॉन्ग्स को म्यूज़िक दिया मानी शर्मा ने प्रोडक्शन कंपनी इस फ़िल्म की वासी जो कि वासी इंटरप्राइज़ और दैके महता प्रोडक्शन कंपनीज हैं और फिल्म को ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में यानी दो हज़ार चौबीस में इस फिल्म को फाइनली रिलीज़ करवाया जाने वाला है जी हाँ दोस्तों अब ये फाइनली हिंदी में भी रिलीज़ हो रही है तो आप दोस्तों को बता दो चूँकि इस फिल्म को जब अनाउंस किया गया था ना इस फिल्म को जो कि लगभग काफ़ी टाइम पहले इस फ़िल्म को अनाउंस कर दिया गया था लगभग इस फिल्म को 2021 में इस फिल्म को अनाउंस किया गया था जो कि इस फिल्म का उस टाइम पे नाम भी अनाउंस कर दिया गया था मार्टिन मूवी रखी जाने वाली थी जो कि इस फिल्म को सारा कुछ वहां पे अनाउंस किया गया था तो इस फिल्म की स्टोरी को जो कि रिविल्स थोड़ा बहुत कर दिया गया है क्योंकि इस फिल्म के जो ट्रेलर इस फिल्म का फास्ट टीज़र आउट किया गया था ना उसी में इस फिल्म की स्टोरी को दिखाया गया जो कि पाकिस्तान के कुछ सीन को दिखाया गया है जो कि जेल वाले सीन को और यहाँ पर कुछ आपको इंडिया के सीन्स भी देखने को मिल जाएंगे ब्लैक एक बार की डीलिंग को इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है तो बात करें इस फिल्म की स्टोरी के बारे में जिस तरह इस फिल्म का ट्रेलर आउट किया गया ना इस फिल्म के अंदर जो कि मार्टिन यानी ध्रुव सज एक अंडरकवर जो कि एजेंट देखने को मिलेंगे और वो यहां पर जो कि माफिया यानी ड्रग डीलर और यहाँ पर उनको कैसे पर उनका जो कि मार्केट ब्लैक मार्किट होती है ना उसको कैसे उनका पर्दाफाश करते हैं ये सारा कुछ दिखाया गया है और वो पाकिस्तान में जेल जो कि पाकिस्तान की जेल में कैसे पहुँचते हैं और वहाँ से कैसे निकलते हैं ये सारा कुछ फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा और फिल्म के अंदर एक्शन सीन्स आपको नेक्स्ट लेवल देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर इस फिल्म के अंदर आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जैसे एक्शन के साथ साथ जो कि गाड़ियों वाले सीन जो कि चेसिंग वाले सीन्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं जिस तरह ट्रेलर के अंदर दिखा या गया है ओवरऑल देखा जाए तो टीज़र जो निकल के आया था काफ़ी एक्साइटेड था काफ़ी प्रॉमिसिंग था तो यहाँ पर जो कि द्रुआ सज्जा का लुक भी और साथ ही द्रुआ सजा की एक्टिंग भी नेक्स्ट लेवल देखने को मिली है तो यहाँ पर आगे थोड़ा सा बात कर लें कास्ट के बारे में तो यहाँ पर द्रुआ सरजा जो कि इस फिल्म के अंदर जो कि अर्जुन का रोल प्ले कर है। रहे हैं और यहाँ पर वैभिका संदीला हैं और यहाँ पर अविनाश जैन हैं श्रुकृति वागले हैं चिकन्ना है को किला है और मलवी का विनाश है और सलम के अतर अच्युतन कुमार हैं जो कि एक अशोक का रोल प्ले कर और यहाँ पर वो एक नेवी ऑफिसर हैं और यहाँ पर डतिन धीर हैं नवाब शाह हैं जो कि रोहित पठाक हैं और जो कि वो सोल्जर और का रोल प्ले करें जो कि पाकिस्तानी सोल्जर होते हैं हाँ न, है और यहाँ पर नाथन जॉन्स हैं और यहाँ पर रोबिल मॉस्को हैं जो कि जो दोनों रेसलर हैं इस फिल्म के अंदर जो कि टीज़र में दिखाया गया था जो कि मार्टिन यानी ध्रुआ सर इस फिल्म के अंदर उनके साथ लड़ता हुआ दिखाई दिया है तो जिस तरह से दिखाया गया उनके जो कि लुक को और जिस तरह से दोन दो बड़े रेसलर के साथ उनको लड़वाया गया जिस तरह से उनकी जो कि ताकत को दिखाया गया कि मार्टिन कितना बड़ा जो कि एक योद्धा है और कितना बड़ा जो कि ताकतवर जो कि ऑफिसर है और कितना वो जो कि ताकत झेल सकता है ये सारा को दिखाया गया है तो टीज़र ओवरऑल काफ़ी अच्छा था तो फाइनली इस फिल्म की जो शूटिंग की बात करें तो इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह थी ना वो पूरी तरह से अब कंप्लीट हो चुकी है सॉन्ग्स वगैरह का भी थोड़ा बहुत काम रहता था अब फाइनली कंप्लीट हो चुका है और फिल्म की जो कि अब साउंड ट्रैकिंग वगैरह के ऊपर भी काम कम्प्लीट हो चुका है और बाकी फ़िल्म की जो कि पोर्ट प्रोस्ट प्रोडक्शन और एडिटिंग के ऊपर अभी काम चल रहा है और यहाँ पर रवि ने म्यूज़िक वगैरह दिया है जो बैकग्राउंड का और यहाँ पर मानी शर्मा ने जो कि फिल्म सॉन्ग के एल्बम वगैरह को जो कि सारा कुछ यहाँ पर काम किया हुआ है और यहाँ पर सॉन्ग ट्रेंग वगैरह सारे वगैरह जो कि यहाँ पर लल्हारी म्यूजिक और टी सीरीज के जो हिंदी राइट्स वगैरह को खरीदा हुआ है टी सीरीज ने जो कि सॉन्ग्स वगैरह को हिंदी वर्जन के जो भी हैं उन्होंने खरीदा हुआ है तो बाकी लैंग्वेज करना तमिल तेलगु और मलयालम के लैंग्वेज में भी, भी सॉन्ग्स वगैरह हैं तो यहाँ पर बात करें मार्टिन मूवी की तो अब फाइनली फिल्म को जो शेड्यूल्ड किया गया था पहले 2023 में फरवरी में इस फिल्म को रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन उस टाइम पे फिल्म को जो कि शूटिंग वगैरह कंप्लीट ना होने की वजह से फिल्म को उस टाइम पे रिलीज़ नहीं करवाया गया और यहाँ पर 23 फरवरी फेबर को इसका जो फर्स्ट टीजर भी आउट किया गया था और यहाँ पर अभी तक सेवेंटी जो कि मिलियन व्यूज भी ले चुका है विद इन जो कि थ्री मंथ्स जो कि थ्री डेज के अंदर सेवेंटी मिलियन जो कि टीजर ने व्यूज़ हासिल किए थे और वो काफ़ी कमाल का जो कि रिकॉर्ड था और यहाँ पर बाकी फिल्म को वैसे तो कन्नाड़ा लैंग्वेज में शूट किया गया था बाकी जो कि इस फिल्म को डॉप्ट वर्जन में जो कि तमिल तेलगू मलयालम और हिंदी में भी फिल्म को जो कि डॉप्ट वगैरह भी किया गया है तो ये फाइनली जो कि फ़िल्म है जो मार्टिन हाँ इस फिल्म की जो सारा कुछ अब काम कंप्लीट हो चुका है बाकी पोस्ट प्रोडक्शन का काम रहता है और यहाँ पर एडिटिंग का काम थोड़ा बहुत रहता है तो ये फिल्म बहुत ही जल्द आपको इसी साल यानी 2024 में फाइनली देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर इस फिल्म का भी आप दोस्त अगर वेट कर रहे हो तो आप दोस्त कितना वेट करो नॉस में बता सकते हो और साथ ही आप दोस्त यानी दुर्गा सज्जा के कि कितने बड़े फ़ैन हो उनकी मूवीज़ का कितना बेसब्री से वेट करते हो ये भी अपना कम नवास में बता सकते हो क्योंकि दोस्तों जिस तरह से मार्टिन मूवी के लिए ऑडियंस एक्साइटेड है जिस तरह से मार्टिन मूवी बेसब्री से ऑडियंस वेट कर रही है ना माइंड ब्लोइंग क्योंकि जिस तरह से मार्टिन मूवी की हाइप बनी हुई है लेकिन अभी तक मार्टिन मूवी वाले ने अभी तक इस फिल्म का ऑफिशियली ट्रेलर भी नहीं रिलीज़ किया गया है और ना ही फिल्म का जो कि ऑफिशियली जो कि कोई भी फास्ट पोस्टर या कोई न्यू पोस्टर जो कि रिलीज़ नहीं करवाया जिससे पता हो कि इस फिल्म की जो रिलीज़ है ना वो कंफर्म कर दी जाए तो ये इतना कंफर्म हो चुका है ये फिल्म आपको इसी साल यानी 2024 में देखने को मिल जाएगी तो फाइनली ये फिल्म अब आपको इसी साल यानी 2024 में ही देखने को मिलेगी क्योंकि इस फिल्म की जो कि सारा कुछ रिलीज़ सारा कुछ कंप्लीट करवा लिया गया है क्योंकि इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह तो कंप्लीट हो चुकी है अब ये फिल्म इसी साल दो में देखने को मिल जाएगी और फिल्म का ट्रेलर भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा और फिल्म की जो ऑफिशियली रिलीज़ डेट है ना वो भी कन्फर्म कर दी जाएगी तो अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड हो मार्टिन मूवी के लिए एक्साइटेड हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि जैसे इस फिल्म से रिलेटेड और भी अपडेट्स निकल के आती हैं तो इस चैनल पर मिल जाएंगी अपडेट्स से रह, अपडेटेड रहने के लिए आप लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी दबा सकते हो और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर सकते हो क्योंकि इस वीडियो में आपको मार्टिन मूवी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स मिली हैं ये आपको बाकी चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगी लेकिन जो भी न्यू अपडेट्स आएंगी जैसे ऑफिशियली रिलीज डेट कन्फर्म होती है तो वो इसी चैनल पर मिल जाएगी तो आप उसने लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है अपडेटेड रहना है और न्यू अपडेट्स के लिए लाजमी कर देना है क्योंकि मार्टिन मूवी में आपको द्रुआ सज्जा का लुक काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलेगा और आपको जिस तरह से फास्ट इस फिल्म का जो कि क्लिप्स देखने को मिला था ना म्यूज़िक सुनने को मिला था माइंड ब्लोइंग था और यहाँ पर मार्टिन यानी द्रुआ सज्जा की लुक भी काफ़ी आउटस्टैंडिंग थी साथ ही उनके बॉडी पर जो हमें इंडियन के टैटूज वगैरह भी देखने को मिले थे वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे तो अपडेट्स रहने के लिए आपने लादमी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को भी लाइक करना है और जैसे इसकी ऑफिशियल रिजेट कन्फर्म होती है वो भी इस चैनल पर अपडेट्स मिल जाए वेलकम बैक दी अनदर वीडियो तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो कि कन्नड़ा लैंग्वेज की फिल्म मार्टिन मोई के बारे में थोड़ा सा गला खराब है उसके लिए माइंड मत करना है यहाँ पर दोस्तों बात कर रहा हूँ मार्टिन मोई के बारे में जो कि एक कन्नड़ा लैंग्वेज की फिल्म है और ये एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म है और इस को जो कि फाइनली अब रिलीज़ करवाया जाने वाला है हिंदी के अंदर भी और बाकी सारी साउथ लैंग्वेज में भी और फिल्म को जो कि पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करवाया जाएगा तो फाइनली अब यह फिल्म कहां पर देखने को मिलेगी और यह फिल्म हिंदी में कौन सी डेट को रिलीज हो रही है तो आप आपको बता दो में अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर कोई भी मूवी यानी मार्टिन मूवी को देखने के लिए आया तो आप दोस्त को बता दो इस वीडियो के अंदर कोई भी मार्टिन मूवी तो आप आपको नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ मार्टिन मूवी के अननाउन फैक्ट्स के बारे में बताया जाएगा और के डिटेल्स के बारे में ऊपर बात की जीत की जाने वाली फिल्म के अननाउन फैक्ट्स और यहां पर इस फिल्म के बारे में यह भी बताया जाएगा हिंदी में भी

लंबे अरसे से जो कि के इस लिए एक्साइटेड है फिल्म को डिले किया गया है फिल्म की शूटिंग की वजह से अब फाइनली फिल्म की शूटिंग भी कम्प्लीट करवा ली गई है तो फाइनली आगे बात कर लेते हैं फिल्म के बारे में तो ये एक एक्शन थ्रिलर जोना की फिल्म है और फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं ए बी अर्जुन तो यहाँ पर इन्होंने कौन कौन सी मूवीज़ पहले बना चुके हैं उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर वो भी आप आपको बता देता हूँ उन्होंने इससे पहले जो कि कौन कौन सी मूवी बनाई है तो यहाँ पर उन्होंने इससे पहले टू में फिल्म रिलीज़ हुई थी किस उस मूवी को बना चुके है जो कि अभी रिलीज़ हिंदी में भी हो चुकी है हिंदी में भी काफ़ी अच्छा से को रिस्पॉस मिला है जो कि ये फ़ाइनली आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी जिसके अंदर आपको कास्ट में देखने को मिले थी श्रीला साथ ही अपूर्वा अपर्वा और गौड़ा और यहाँ पर साथ ही विरात देखने को मिले थे तो ये फिल्म किस भी हिंदी के अंदर ऑफिशियली रिलीज़ करवा दी गई यूट्यूब के ऊपर अगर आप दोस्त देखना चाहते कि रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वाली फिल्म है इस फिल्म को भी देख सकते हो तो यहाँ पर आप मार्टिन मूवी को अब डायरेक्ट कर चुके हैं अधूरी मूवी थी और यहाँ पर मिस्टर अरवाटा फिल्म थी और भी काफ़ी सारी मूवीज़ को डायरेक्ट कर चुके हैं तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करें फिल्म यानी मार्टिन मूवी के बारे में तो फिल्म को डायरेक्ट किया है पी अर्जुन ने और इस फिल्म को जो कि एडिट किया हुआ है के एम प्रकाश ने और फिल्म को लैंग्वेज जो कि कड़ा में शूट किया गया था और बाकी लैंग्वेज में फिल्म को अडॉप्ट किया गया है और यहाँ पर म्यूजिक दिया रवि बसूर ने और सॉन्ग्स को म्यूज़िक दिया महानी शर्मा ने ये दोनों काफ़ी कमाल के जो कि म्यूजिशन है काफ़ी अच्छा म्यूजिक देते हैं जो कि महानी शर्मा भी कना लैंग्वेज के काफ़ी अच्छे म्यूज़िक देते हैं सॉन्ग्स वगैरह को भी और यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक में जो कि रवि बसूर म्यूज़िक दे रहे हैं और यहाँ पर जो कि प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वास्वी इंटरप्राइजेज़ और यहाँ पर उदय के मेहता प्रोडक्शन कंपनीज हैं और यहाँ पर आगे बात करें फिल्म के बारे में तो मार्टिन एक इंडिया एंड कनाडा लैंग्वेज अपकमिंग जो कि लैंग्वेज की फिल्म है जो कि एक्शन थ्रिलर वाली डायरेक्ट किया है सीम को ए पी अर्जुन ने स्टोरी को राइट किया अर्जुन सरजा ने जो कि अर्जुन सरजा एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और यहाँ पर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जो कि उदय के मेहता ने तो यहाँ पर स्टार कास्ट में हमें देखने को मिला द्रुआ सरजा और यहाँ पर वैबी संदीला अविनाश जैन सरकुठी वागले और यहाँ पर अच्योतन कुमार और यहाँ पर नितिन धीर हमें देखने को मिले हैं तो यहाँ पर जो कि इस फिल्म के बारे में बता दो फ़िल्म मोटोग्राफी किया है, सत्या हैगर ने एडिट किया है इस फ़िल्म को के एम प्रकाश ने और यहाँ पर म्यूज़िक दिया रवि बसरू ने और सॉन्ग्स को म्यूज़िक दिया मानी शर्मा ने प्रोडक्शन कंपनी इस फ़िल्म की वासी जो कि वासी इंटरप्राइज़ और दैके महता प्रोडक्शन कंपनीज हैं और फिल्म को ट्वेंटी ट्वेंटी फोर यानी दो हज़ार चौबीस में इस फिल्म को फाइनली रिलीज़ करवाया जाने वाला है जी हाँ दोस्तों अब ये फ़ाइनली हिंदी में भी रिलीज़ हो रही है तो आप दोस्तों को बता दो चूँकि इस फिल्म को जब अनाउंस किया गया था ना इस फिल्म को जो कि लगभग काफ़ी टाइम पहले इस फिल्म को, को, को अनाउंस कर दिया गया था लगभग इस फिल्म को 2021 में इस फिल्म को अनाउंस किया गया था जो कि इस फिल्म का उस टाइम पे नाम भी अनाउंस कर दिया गया था मार्टिन मूवी रखी जाने वाली थी जो कि इस फिल्म को सारा कुछ वहां पे अनाउंस किया गया था तो इस फिल्म की स्टोरी को जो कि रिविल्स थोड़ा बहुत कर दिया गया है क्योंकि इस फिल्म के जो ट्रेलर इस फिल्म का फर्स्ट टीज़र आउट किया गया था ना उसी में इस फिल्म की स्टोरी को दिखाया गया जो कि पाकिस्तान के कुछ सीन को दिखाया गया है जो कि जेल वाले सीन को और यहाँ पर कुछ आपको इंडिया के सीन्स भी देखने को मिल जाएंगे ब्लैक बार की डीलिंग को फिल्म के अंदर दिखाया गया है तो बात करें फिल्म की स्टोरी के बारे में जिस तरह इस का ट्रेलर आउट किया गया ना इस फिल्म के अंदर जो कि मार्टिन यानी ध्रुआ सज्जा एक अंडर कवर जो एजेंट देखने को मिलेंगे और वो यहां पर जो कि माफिया यानी ड्रग डीलर और यहाँ पर उनको कैसे प, उनका जो के मार्केट ब्लैक मार्किट होती है ना उसको कैसे उनका पर्दाफाश करते हैं ये सारा को दिखाया गया है और वो पाकिस्तान में जेल जो कि पाकिस्तान की जेल में कैसे पहुँचते हैं और वहाँ से कैसे निकलते हैं ये सारा कुछ फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा और फिल्म के अंदर एक्शन सीन्स आपको नेक्स्ट लेवल देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर इस फ़िल्म के अंदर आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जैसे एक्शन के साथ साथ जो कि गाड़ियों वाले सीन जो कि चेसिंग वाले सीन्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं जिस तरह ट्रेलर के अंदर दिखाया आया गया है ओवरऑल देखा जाए तो टीजर जो निकल के आया था काफी एक्साइटेड था काफी प्रोमिसिंग था तो यहाँ पर जो कि ध्रुआ सज्जा का लुक भी और साथ ही द्रुआ सज्जा की एक्टिंग भी नेक्स्ट लेवल देखने को मिली है तो यहाँ पर आगे थोड़ा सा बात कर लें कास्ट के बारे में तो यहाँ पर द्रुआ सरजा जो कि इस फिल्म के अंदर जो कि अर्जुन का रोल प्ले कर करें और यहाँ पर वैभिका संदीला हैं और यहाँ पर अविनाश जैन हैं सुरकृति वागले है चिकन्ना है साधु को किला है और मलवीका अविनाश है और फिल्म के अंदर अच्युतन कुमार हैं जो कि एक अशोक का रोल प्ले कर और यहाँ पर वो एक नेवी ऑफिसर हैं और यहाँ पर नितिन धीरे हैं नवाब शाह हैं जो कि रोहित पठाक हैं और जो कि वो सोल्जर का रोल प्ले करें जो कि पाकिस्तानी सोल्जर होते हैं और यहाँ पर नाथन जॉन्स हैं और यहाँ पर रोबिल मॉस्को हैं जो कि जो दोनों रेसलर हैं इस फिल्म के अंदर जो कि टीजर में दिखाया गया था जो कि मार्टिन यानी ध्रुआ सर जाए फिल्म के अंदर उनके साथ लड़ता हुआ दिखाई दिया है तो जिस तरह से दिखाया गया उनके जो कि लुक को और जिस तरह से दो बड़े रेसलर के साथ उनको लड़वाया गया जिस तरह से उनकी जो कि ताकत को दिखाया गया कि मार्टिन कितना बड़ा जो कि एक योद्धा है और कितना बड़ा जो कि ताकतवर जो कि ऑफिसर है और कितना वो जो कि ताकत झेल सकता है ये सारा को दिखाया गया है तो टीज़र ओवरऑल काफ़ी अच्छा था तो फाइनली इस फिल्म की जो शूटिंग की बात करें तो इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह थी ना वो पूरी तरह से अब कंप्लीट हो चुकी है सॉन्ग्स वगैरह का भी थोड़ा बहुत काम रहता था अब फाइनली कंप्लीट हो चुका है और फिल्म की जो कि अब साउंड ट्रैकिंग वगैरह के ऊपर भी काम कम्प्लीट हो चुका है और बाकी फ़िल्म की जो कि पोस्ट प्रोडक्शन और एडिटिंग के ऊपर अभी काम चल रहा है और यहाँ पर रवि बसरूर ने म्यूज़िक वगैरह दिया जो बैकग्राउंड का और यहाँ पर मानी शर्मा ने जो कि फिल्म सॉन्ग के एल्बम वगैरह को जो कि सारा कुछ यहाँ पर काम किया हुआ है और यहाँ पर जो सॉन्ग वगैरह सारे वगैरह जो कि यहाँ पर लहारी म्यूजिक और टी सीरीज़ के जो हिंदी राइट्स वगैरह को खरीदा हुआ है टी सीरीज ने जो कि सॉन्ग्स वगैरह को हिंदी वर्जन के जो भी हैं उन्होंने ख़रीदा हुआ है तो बाकी लैंग्वेज करना तमिल तेलुगु और मलयालम के लैंग्वेज में भी, भी सॉन्ग्स वगैरह हैं तो यहाँ पर बात करें मार्टिन मूवी की तो अब फाइनली फिल्म को जो शेड्यूल्ड किया गया था पहले दो में फेबर में भी को रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन उस टाइम पर फिल्म को जो कि शूटिंग वगैरह कम्प्लीट ना होने की वजह से फिल्म को उस टाइम पर रिलीज़ नहीं करवाया गया और यहाँ पर ट्वेंटी थ्री फेब्ररी को इस का जो फर्स्ट टीजर भी आउट किया गया था और यहाँ पर अभी तक सेवेंटी जो कि बिलियन व्यूज़ भी ले चुका है विद इन जो कि थ्री मंथ्स जो कि थ्री डेज के अंदर सेवेंटी मिलियन जो कि टीजर ने व्यूज़ हासिल किए थे और वो काफ़ी कमाल का जो कि रिकॉर्ड था और यहाँ पर बा, बाकी फ़िल्म को वैसे तो कन्नाड़ा लैंग्वेज में शूट किया गया था बाकी जो कि फ़िल्म को डॉप्ट वर्जन में जो कि तमिल तेलगू मलयालम और हिंदी में भी फिल्म को जो कि डॉप्ट वगैरह भी किया गया है तो ये फाइनली जो कि फ़िल्म है जो मार्टिन है इस फिल्म की जो सारा कुछ अब काम कंप्लीट हो चुका है बाकी पोस्ट प्रोडक्शन का काम रहता है और यहाँ पर एडिटिंग का काम थोड़ा बहुत रहता है तो ये फिल्म बहुत ही जल्द आपको इसी साल यानी दो में फाइनली देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर इस फिल्म का भी आप दोस्त अगर वेट कर रहे हो तो आप दोस्त कितना वेट करो कमवास में बता सकते हो और साथ ही आप दोस्त यानी दुर्वा सज्जा के कि कितने बड़े फ़ैन हो उनकी मूवीज़ का कितना बेसब्री से वेट करते हो ये भी अपना कमवास में बता सकते हो क्योंकि दोस्तों जिस तरह से मार्टिन मूवी के लिए ऑडियंस एक्साइटेड है जिस तरह से मार्टिन मूवी का बेसब्री से ऑडियंस वेट कर रही है ना माइंड ब्लोइंग क्योंकि जिस तरह से मार्टिन मूवी की हाइप बनी हुई है लेकिन अभी तक मार्टिन मूवी वाले ने अभी तक इस फिल्म का ऑफिशियली ट्रेलर भी नहीं रिलीज़ किया गया है और ना ही फिल्म का जो कि ऑफिशियली जो कि कोई भी फास्ट पोस्टर या कोई न्यू पोस्टर जो कि रिलीज़ नहीं करवाया जिससे पता हो कि इस फिल्म की जो रिलीज़ है ना वो कंफर्म कर दी जाए तो ये इतना कंफर्म हो चुका है ये फिल्म आपको इसी साल यानी 2024 में देखने को मिल जाएगी तो फाइनली ये फिल्म अब आपको इसी साल यानी 2024 में ही देखने को मिलेगी क्योंकि इस फिल्म की जो कि सारा कुछ रिलीज़ सारा कुछ कंप्लीट करवा लिया गया है क्योंकि इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह तो कंप्लीट हो चुकी है अब ये फिल्म इसी साल दो में देखने को मिल जाएगी और फिल्म का ट्रेलर भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा और फिल्म की जो ऑफिशियली रिलीज़ डेट है ना वो भी कन्फर्म कर दी जाएगी तो आप दोस्त इंटरेस्टेड हो मार्टिन मूज के लिए एक्साइटेड हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि जैसे इस फिल्म से रिलेटेड और भी अपडेट्स निकल के आती हैं तो इस चैनल पर मिल जाएंगी अपडेट्स रह, अपडेटेड रहने के लिए आप लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी दबा सकते हो और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर सकते हो क्योंकि इस वीडियो में आपको मार्टिन मूज रिलेटेड जो भी अपडेट्स मिली हैं ये आपको बाकी चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन जो भी न्यू अपडेट्स आएंगी जैसे ऑफिशियली रिलीज डेट कन्फर्म होती है तो वो भी इस चैनल पर मिल जाएगी तो आप उसने लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है अपडेटेड रहना है और न्यू अपडेट्स के लिए लाजमी कर देना है क्योंकि मार्टिन मूवी में आपको द्रुआ सज्जा का लुक काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलेगा और आपको जिस तरह से फास्ट फिल्म का जो क्लिप्स देखने को मिला था ना म्यूज़िक सुनने को मिला था माइंड ब्लोइंग था और यहाँ पर मार्टिन यानी द्रुआ सज्जा की लुक भी काफ़ी आउटस्टैंडिंग थी साथ ही उनके बॉडी पर जो हमें इंडियन के टैटूज वगैरह भी देखने को मिले थे वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे तो अपडेट्स रहने के लिए आपने लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को भी लाइक करना है और जैसे ही उनकी ऑस्ट्रेलियन डेट कन्फर्म होती है वो भी इस चैनल पर अपडेट्स मिल जाएंगे